कन्वेंशन दिल्ली स्टडी सर्कल आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट स्पीकर सी वेद मित्तल जी, सी एस संजय गुप्ता जी भी आ चुके हैं, उनसे उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच हमारे डॉक्टर फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर सी दुर्गादास अग्रवाल जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का सेमिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम स्पेशली ऐसे एरिया की बात करने जा रहे हैं जो कि आप मान के चलो कि एक ग्रे एरिया है और बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। वेद मित्तल जी HUF के बारे में लेंगे, HUF उसकी फॉर्मेशन सक्सेशन प्लानिंग बताएंगे। HUF अपने आप में एक बहुत ही पुराना, आप ओल्ड मैकेनिज्म आप बताइए, आप सक्सेशन वेल्थ प्लानिंग टैक्स प्लानिंग का जरिया है और शायद ही बहुत कम लोग ही दिल्ली NCR में इसकी करते हैं। ये ज्यादातर आप ईस्टर्न जोन में जाएंगे, कलकत्ता साइड में या चेन्नई में जाएंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस उधर है, बट फिर भी ये बहुत ही अच्छा एफिशिएंट वे है। ऑल दो कई सारी चेंजेस अमेंडमेंट आई हैं बीच में, लेकिन फिर भी इसकी जो वो जो स्पार्क बोलते हैं, स्पार्क में कोई कमी नहीं आई है। आज के दिन में भी ये उतना ही यूजफुल टूल है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं इसका, ज्यादा से ज्यादा सेशन को इंटरेक्टिव करें। साथ ही साथ संजय गुप्ता जी NGO के बारे में लेंगे, NGO के बारे में उनके कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, और साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग की जो FCRA की रजिस्ट्रेशन होती है उसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लाइंसेस के बारे में बताएंगे। तो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और दोनों ही आज के दिन में हमारे जो माने हुए स्पीकर हैं दोनों हैं। मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और फंडर कन्वेनर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी को, सर प्लीज आप आए सेमिनार की फॉर्मली शुरुआत करें, सर का इंट्रोडक्शन भी। थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जी, द कन्वीनर ऑफ आवर ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्किल। CA वेद मित्तल जी जो हमारे ईस्ट दिल्ली में ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं, CA संजय गुप्ता जी वो भी ईस्ट दिल्ली बेस्ड हैं। ईस्ट दिल्ली बेस्ड हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी पहचान और जगह नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया क्या बाहर भी इनकी डिमांड होने लगी है और अच्छा लगता है। तो वेद जी ने जैसा संदीप ने बताया, आज HUF हम लोग फॉर्म तो कर लेते हैं लेकिन उसके क्या प्रोसेंट है, क्या उसके बीच में क्या के हम बना लेते हैं कि भाई एक अलग यूनिट बन गई है, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा अप टू 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, वॉट एवर जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, लेकिन हम कैसे फैमिली में पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने क्वेश्चंस में रेज करने में कोई संकोच ना करें। हमारे दोनों अपने स्पीकर से आपकी सभी शंकाओं का बारे में बताएंगे और सक्सेशन प्लानिंग हम सोचते ही नहीं है, कहेंगे भाई ठीक है क्या करना सक्सेशन प्लानिंग, लेकिन आज कोविड में देखिए मतलब थोड़ा सा अटपटा लग सकता है लेकिन दिस इज हार्ड फैक्ट कि भाई हम सक्सेशन प्लानिंग अपनी हम आज ही बनाएं के बारे आगे चल के हमें क्या करना है अपनी एस्टेट का। एस्टेट ड्यूटी अब नहीं रही लेकिन प्लानिंग हमें रखनी चाहिए कि हमें क्या करना है, तो उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है वेद जी से जरूर रखिए। और संजय गुप्ता जी तो एक सदाबहार हमारे NGO में एक्सपर्ट हैं और FCRA रजिस्ट्रेशन, FCRA में क्या क्या चेंज आए हैं और NGOs में तो अभी जैसे अभी जो बजट में आया था कि भाई जून में आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, सारे जो है पुराने सारे आपके 12A 80G सब खत्म, तो उसका क्या नया आज की डेट में प्रभाषा है, क्या हमको करना चाहिए, वो संजय जी उस पर प्रकाश डालें आप थोड़ा सा। और FCRA और फंडिंग पे तो बहुत बहुत स्वागत। और मैं विनीत सिंघल जो पीछे से हमको सपोर्ट कर रहे हैं टेक्निकली, ये जो वेबिनार का अरेंजमेंट करना सारा, सबकी अटेंडेंस वगैरह ध्यान रखना, तो
विनीत सिंघल जी का भी स्वागत और सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए, अपने पार्टिसिपेंट्स का वेलकम करते हुए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वेद मित्तल जी से कि अपना डेलीब्रेशन चालू करें। सीए वेद मित्तल जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आई थैंकफुल टू ईस्ट दिल्ली स्टडी सर्किल गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली संदीप जी, डीटी अग्रवाल जी एंड विनीत सिंघल जी एंड आवर को स्पीकर श्री संजय गुप्ता जी। आज का जो डेलीब्रेशन है आ रहा है सर, उस पे आ गए स्क्रीन? हाँ, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है। फॉर्मेशन एंड टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ। जैसे हम देखते हैं कि एचयूएफ एक अलग इनकम टैक्स में अलग एंटिटी है, अलग पर्सन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एचयूएफ की क्या सिचुएशंस होती है, किन सिचुएशन में बनता है, इसका पार्टीशन कैसे होता है, क्या इनकम टैक्स के फॉर्म है, क्या हिंदू लॉ है। तो बेसिकली क्या है कि जो एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से है, ये हमारा हिंदू लॉ अलग से है। अब देखते हैं क्या है कि एक्सप्रेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड, तीन वर्ड है, हिंदू अनडिवाइडेड एंड फैमिली। हिंदू शब्द का मीनिंग कैसे हम जानते हैं कि हमारा कंट्री के हिसाब से जो हमारी पूजा पद्धति है उसी के हिसाब से हमारा रिलीजन डिसाइडेड होता है। तो हिंदू का मीनिंग जो हिंदू पूजा पद्धति में विश्वास रखता हो वो हिंदू कहलाता है। अनडिवाइडेड का मतलब है कि फैमिली, अनडिवाइडेड का मतलब जो भी फैमिली है वो साथ साथ रह रही हो, और फैमिली का मीनिंग फैमिली है। तो एचयूएफ के लिए तीन वर्ड बहुत जरूरी है, हिंदू अनडिवाइडेड और फैमिली, मीन्स एक ऐसी हिंदू फैमिली जो साथ साथ रहती हो, जिसको हम एचयूएफ मीनिंग करेंगे। अब देखते हैं कि मीनिंग क्या है हिंदू का। एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 स्टेटेड दैट इट शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बुद्ध जैन एंड सिख, मीन्स हिंदू बुद्ध जैन और सिख को हिंदू सक्सेशन के हिसाब से हिंदू ही कहते हैं। इट इज अप्लाइड टू एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड इनटू द सेट रिलीजन बट नॉट क्रिश्चियन पारसी और ज्यू बाय द रिलीजन, मीन्स अगर कोई हिंदू किसी और धर्म में यदि कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्ट होकर दोबारा रिकन्वर्ट होता है जिसको हम घर वापसी बोलते हैं, तो वो भी हिंदू की डेफिनेशन में आता है, या और कोई रिलीजन अपना धर्म कन्वर्ट करके हिंदू में आता है वो भी एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू कहलाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एचयूएफ। अब देखते हैं अनडिवाइडेड मीन्स दैट विच इज नॉट डिवाइडेड और विच इज यूनाइटेड और जॉइंट और ए कॉमन और ए मैस और द इनकम, मीन्स क्या कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि अभी तक हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो यहाँ मतलब अनडिवाइडेड का भी मतलब यही है कि हम एक जॉइंट फैमिली में कॉमन गोल के साथ रहें। The word family denote a group of person, normally parent, children, forming household set of parent, children, all descendant, a common ancestor. A single person, male or female, does not constitute a family. जैसे हम जानते हैं single person एक family को create नहीं कर सकता, तो यहाँ इन्होंने एक family का meaning दिया। अब हम देखते हैं जैसे कि हमने पिछली स्लाइडों में देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसा हिंदू, एक ऐसे हिंदू परिवार जो अनडिवाइडेड एक फैमिली के साथ में रहता है वो अपना एक एचयूएफ क्रिएट कर सकता है। अब इसमें दो परिभाषा दी हुई है, दो एक डिफरेंट मान्यता है जिसको हम टाइप ऑफ स्कूल बोलते हैं एचयूएफ में, मिताक्षरा और दयावाका। द मिताक्षरा लॉ अप्लाइड टू द ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, बंगाल में दयावाका लॉ चलता है और रेस्ट में मिताक्षरा लॉ चलता है। इसमें क्या, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या था, सन एक्वायर द बर्थ इन इंटरेस्ट ऑफ द एंसेस्टर प्रॉपर्टी। इसमें कहता हूँ जैसे ही आपका सन से मतलब सन या ऑन एनी डॉटर ऑल्सो, जैसे ही वो पैदा होता है उसका, जैसे ही पैदा होने के बाद ही उसका जॉइंट प्रॉपर्टी पर राइट क्रिएट हो जाता है एज पर द मिताक्षरा लॉ। दयावाका लॉ क्या कहता है, द सन डज नॉट एक्वायर एनी राइट बाई बर्थ पर उसे कोई राइट नहीं होता अपनी इनसेटर प्रॉपर्टी पर। द सन इज राइट अराइजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द फादर, जैसे फादर की डेथ होती है उसी के बाद उसका राइट क्रिएट होता है। ये बेसिकली दो डिफरेंस है मिताक्षरा और दयावाका लॉ। अब आता है एक को पार्सनल फॉर द पर्पस ऑफ द एचयूएफ, मीन्स एनी मेंबर हु हैज गॉट द राइट ऑन डिमांड पार्टीशन एंड एचयूएफ ऑफ ए पर्सन हु एक्वायर बाई बर्थ एंड इंटरेस्ट। को पार्सन का मतलब है जैसे ही बच्चा जन्म लेता है चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेने के बाद ही जॉइंट प्रॉपर्टी पे उसका राइट हो जाता है। तो
उसको बोलते हैं कोपार्सनर। जब आगे हम देखेंगे तो दो वर्ड आते हैं, कोपार्सनर और मेंबर। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है, कोपार्सनर का मतलब होता है कि जो एक फैमिली से पैदा हुआ हो और पैदा होने के बाद ही उसका राइट क्रिएट हो जाता है जॉइंट प्रॉपर्टी का, जिसको कोपार्सनर बोलते हैं। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आफ्टर द अमेंडमेंट अमेंडमेंट, अब इसमें क्या चेंज आया था, पहले जो राइट होता था वो केवल सन को होता था, डॉटर को राइट नहीं होता था। अब 2005 में जैसे एक हाई कोर्ट का केस, एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, उसके बाद इन्होंने एक्ट में भी चेंज ला दिया कि अब डॉटर को भी वही राइट है जो सन को होती है, डॉटर को भी वही राइट है जो सन को होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब सन और डॉटर में कोई डिफरेंस नहीं रखा, यदि डॉटर भी पैदा होती है तो उसको वही राइट है जो आज की डेट में सन को। तो 2005 में ये चेंज आ गया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हिंदू एचयूएफ जो बनती है वो हमारे एक हिंदू लॉ है, जैसे हमारे हिसाब से जैसे हिंदू के हिसाब से हिंदू लॉस अलग हो गए, मुस्लिम के हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हो गए। तो अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग जितने भी रिलीजन है सबके अपने 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 ओन एक्ट है। तो ये जो गवर्न करता है ये हमारा हिंदू लॉ गवर्न करता है। इसमें दो एक्ट क्रिएट होते हैं फॉर द एचयूएफ पॉइंट ऑफ व्यू पर। नंबर वन इज हिंदू मैरिज एक्ट, सेकंड इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, कि हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है एट द टाइम जो जो हमने यहाँ वर्ल्ड देखा ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली तो फैमिली कब क्रिएट होगी, जब एक मेल की शादी होगी। अब शादी का इन्होंने बता दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि यदि जो लड़की जिसके साथ में शादी हो रही है वो भी एक हिंदू हो, यदि नॉन हिंदू है तो यदि नॉन हिंदू के बाद में पहले वो हिंदू में कन्वर्ट होगी उसी के बाद उसको वाइफ का दर्जा मिलेगा, ये इस पर हिंदू के हिसाब से है। हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है कि प्रॉपर्टी जो अपने पास में जॉइंट प्रॉपर्टी है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इट इज कॉल्ड द हिंदू सक्सेशन। नाउ हाउ टू क्रिएट द एचयूएफ अंडर इनकम टैक्स, बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुझे एक एचयूएफ क्रिएट करनी है मैं कैसे क्रिएट करूं। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, वन इज बाय विल, सेकंड इज बाय गिफ्ट, थर्ड वन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, फोर्थ वन डिक्लेरेशन इटसेल्फ बाय करता। अब देखते हैं कि विल क्या होती है, विल से क्या होती है। जैसे एक फादर है, फादर के पास में प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है जनरली अब दो वे में देखते हैं, या तो वो एचयूएफ को ट्रांसफर होनी है या इंडिविजुअल कैपेसिटी पर ट्रांसफर हो जाती है। तो एट द टाइम ऑफ अगर किसी ने बिल लिख दिया और बिल में ये लिख दिया कि ये जो भी प्रॉपर्टी है ये मैं जॉइंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, यदि ऐसा बिल है, बिल में लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं जॉइंट हिंदू फैमिली में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो इस टाइप की विल में जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो खुद ही वो एचयूएफ क्रिएट हो जाएगी। दूसरा होता है बाय गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब है एनी टाइम आप किसी को गिफ्ट दे के एचयूएफ भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड वन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, अगर मेरी कोई इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी जो मेरी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, कि उस प्रॉपर्टी को इनकम में लेते हुए आज मैं आज की डेट में अपने में एचयूएफ क्रिएट कर सकता हूँ। फोर्थ वन इज डिक्लेरेशन इटसेल्फ बाय करता, अगर एक फैमिली है, फैमिली हो गई है और वो चाह रहे हैं आज की डेट में मैं अपनी एचयूएफ बना लूँ, तो एक सिंपल डिक्लेरेशन करने के बाद जिस डेट में आप डिक्लेरेशन देंगे उस डेट से आपकी एचयूएफ क्रिएट हो जाएगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ध्यान रखें एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जैसे ही आपकी शादी होती है आपकी फैमिली क्रिएट हो जाती है, शादी के बाद आपकी एचयूएफ ऑलरेडी क्रिएट हो गई, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो क्रिएट होती है वो इन चारों के हिसाब से होती है, या तो विल के हिसाब से होगी, या गिफ्ट के हिसाब से होगी, या कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपकी आ रही है जिस पर जो इनकम आ रही है वो इनकम आप इनकम टैक्स में ऐसे एचयूएफ प्रॉपर्टी या एचयूएफ इनकम टैक्स के हिसाब से होगी, या करता ने कोई डिक्लेरेशन दी होगी, ये एज पर इनकम टैक्स चार वे होते हैं एचयूएफ को क्रिएट करने के। अब हम देखते हैं कि एक बिगर एचयूएफ होती है, स्मॉलर एचयूएफ होती है। बिगर एचयूएफ क्या होती है, जैसे एक दादा है, उसके बाद में फादर है, फिर अपना बेटा है, तो दादा की अपनी अलग फैमिली है, फादर की अलग फैमिली है, बच्चे की अलग फैमिली है। तो जो दादा की फैमिली है उसमें कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, कोपार्सनर फादर हो सकते हैं, उनका सन भी हो सकता है, तो जो इस टाइप की है तो वो तो बिगर एचयूएफ हो गई। और एक स्मॉलर एचयूएफ जो हुई, फादर की एचयूएफ स्मॉलर हो गई और जो सन है उसकी एचयूएफ स्मॉलर एचयूएफ होगा। देखते हैं क्या लिखते हैं। बिगर एचयूएफ जनरली रेफर टू द एचयूएफ कंसिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, एंड स्मॉलर एचयूएफ रेफर टू ए ब्रांच ऑफ द फर्स्ट फैमिली व्हिच इज कार्व्ड आउट ऑफ द बिगर एचयूएफ।
Thus, the bigger HUF and the smaller HUF can simultaneously function without any hindrance and simultaneously to be assessed as one complex. यदि कोई bigger HUF है तो वो भी हो सकती है, वो भी अपना return अलग से file करेगी, और smaller HUF है वो भी अपना return अलग file करेगी, दोनों अलग अलग. ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने फादर की HUF में मेंबर भी हूँ और मैं अपनी HUF में करता भी हूँ. नो प्रॉब्लम, हो सकता है. ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि मैं अपने फादर की HUF में भी करता हूँ और अपनी इंडिविजुअल HUF में भी करता हूँ. कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक पर्सन इंडिविजुअल पर्सन दो जगह भी करता हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. अब हम देखते हैं पार्टीशन HUF का. ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से आपको सुनाने की बात कर रहे हैं. पार्टीशन, टोटल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन. देखते हैं टोटल पार्टीशन क्या होता है. इन द केस होल प्रॉपर्टी ऑफ ए HUF अंडरगो टोटल डिवीजन एंड सेम विल बी डिवाइडेड टू द ऑल को-पार्टनर एंड द फैमिली. जैसे ही पार्टीशन होता है पूरी प्रॉपर्टी जो भी है वो सब को-पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो उनकी, अब डिपेंड करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिस्ट्रीब्यूट होगी. जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी पर मिलेगी, या डिपेंड करता है ये भी सब फैमिली मेंबर डिसाइडेड हो गए नहीं, जो प्रॉपर्टी आ रही है पार्टीशन होने के बाद हम उसको फर्दर HUF क्रिएट करके नई HUF क्रिएट करके स्मॉलर HUF वो प्रॉपर्टी वहां भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन. पार्शियल डिविजन जो था वो अब इन्होंने बंद कर दिया है. क्या बंद कर दिया है? 1972 में बंद कर दिया था. इट मे बी पार्शियल रिलेटेड टू द को-पार्शनर ऑफ द प्रॉपर्टी द अनडिवाइडेड फैमिली. मींस इसका पार्शियल डिविडेंड का मतलब है जैसे एक प्रॉपर्टी, जैसे एक HUF में 10 प्रॉपर्टी है, तो पहले क्या होता था 5 प्रॉपर्टी का डिवीजन अब कर दिया, 5 का बाद में कर दिया. अब नाउ द इनकम टैक्स एक्ट एज पर सेक्शन 171(9) इट इज नॉट रिकॉग्नाइज. आपको करना है तो आपको टोटल पार्टीशन ही करना पड़ेगा. पार्शियल पार्टीशन एज पर इनकम टैक्स नॉट अलाउड. Assessment of the partition of a HUF family. Section 171 of the Income Tax Act 1960 provided once the income of a joint family is assessed in the hand of the HUF, it will continue to be assessed in a such until one or more co-partners claim the partition of the family. The income under the consideration till date of the partition will be assessed the income of the HUF. जैसे मैंने कहा था जिस डेट में पार्टीशन हो रहा है उस डेट तक जो भी इनकम आ रही है HUF की वो HUF में assessed होगी. उसके बाद जो इनकम, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हुई है और उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम अराइज हो रही है उसके बाद में जो इनकम होगी वो इंडिविजुअल की को-पार्शनर की इंडिविजुअल इनकम में मानी जाएगी. इफ एनी रिसिपिएंट ऑफ द इनकम आफ्टर द पार्टीशन फ्रॉम अनदर HUF विद हिज वाइफ सन देन द इनकम विल बी असेस्ड इन द HUF. जैसे मैंने कहा कि यदि वो चाहते हैं सारे लोग कि जो बिगर HUF की पार्टीशन के बाद में हम कोई नई HUF क्रिएट कर लेते हैं और जो जितनी की प्रॉपर्टी मिली हुई है बिगर HUF से वो स्मॉलर HUF में ट्रांसफर हो सकती है और उसके बाद जो इनकम होगी वो स्मॉलर HUF की आएगी. मीन्स अब आप अपने पास में जब पार्टीशन होगा तो हमारे पास दो अल्टरनेट हो गई. फर्स्ट, आप चाहे तो जितनी भी को-पार्टनर है उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी पर जो भी प्रॉपर्टी आ रही है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर भी जा सकती है. दूसरा ऑल्टरनेट, वो चाहे कि हम उस प्रॉपर्टी को दोबारा एक फर्दर स्मॉलर HUF में ट्रांसफर कर लें तो वो भी स्मॉलर HUF में ट्रांसफर कर सकते हैं. जिसमें आपने ट्रांसफर किया हुआ है उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो उसमें दोनों में अलग अलग सेपरेट असेस इंडिविजुअल में ट्रांसफर की है तो वो इंडिविजुअल मानी जाएगी, इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी. और यदि आपने नई HUF क्रिएट करके उसमें ट्रांसफर की है तो आगे जो इनकम होगी वो नई HUF की मानी जाएगी. अब हम देखते हैं PPF अकाउंट क्या है. इट में बी नोटेड दैट PPF अकाउंट कैन नो लॉन्गर ओपन. अब क्या है, HUF का सन 2005 में इसमें डेट दी हुई, नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है. एक नोटिफिकेशन आ गया था 2005 में कि अब HUF का PPF अकाउंट नहीं खुलता. जो पुराने खुले हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, नया कोई PPF अकाउंट HUF का अब आज की डेट में नहीं खुलता एज पर दिस नोटिफिकेशन. सेविंग बैंक एंड डीमैट अकाउंट, जैसे हम जानते हैं कि HUF का आज की डेट में सेविंग बैंक अकाउंट भी खुल सकता है, और यदि कुछ HUF शेयर का काम करना चाह रही हैं तो उनका डीमैट अकाउंट भी खुल सकता है, खोलते हैं. हम लोग भी आज की डेट में HUF बनाई हुई है और शेयर का काम इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना करके HUF में करते हैं तो HUF का भी डीमैट अकाउंट खुल सकता है.
इनकम ड्राइव फ्रॉम द फंड ऑफ द एचयूएफ वेदर इंडिविजुअल इनकम और फैमिली इनकम, जैसे मैंने एक यहां क्वेश्चन डाला हुआ है, यदि मेरी कोई एचयूएफ से इनकम हो रही है क्या मेरी वो इंडिविजुअल इनकम मानी जाएगी एचयूएफ इनकम मानी जाएगी? यदि मेरी कोई इनकम फंड ऑफ एचयूएफ, या वर्ड आ रहा फंड ऑफ एचयूएफ, यदि मेरी कोई एचयूएफ के फंड से कोई इनकम आ रही है, जैसे सपोज मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली हुई एचयूएफ और उस एचयूएफ उस फंड को मैंने एचयूएफ के अकाउंट से दिया हुआ है, तो ये मेरी जो इनकम होगी वो मेरी एचयूएफ की इनकम होगी, नॉट इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट आता है गिफ्ट बाई एचयूएफ टू इट्स मेंबर। अब रिसेंटली एक चंडीगढ़ बेंच का एक केस आया है, इसमें ये इन्होंने बताया हुआ है कि यदि एचयूएफ कोई गिफ्ट देता है अपने मेंबर्स को, एचयूएफ यदि कोई गिफ्ट देता है अपने मेंबर्स को, और जो कि सेक्शन 2 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के हिसाब से है, सेक्शन 10 2 क्या कहता है कि एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द एचयूएफ, यदि कोई एचयूएफ के मेंबर ने एचयूएफ से कोई अमाउंट रिसीव हुआ है और वो सेक्शन 10(2) के हिसाब से है, तो उसे जो पैसा मिला हुआ है वो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के हिसाब से एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो यहाँ ये नट सेल में दिया हुआ है, एक चंडीगढ़ बेंच में भी केस आया था ITAT का, इसमें कि एक मेंबर ने HUF से गिफ्ट ली थी। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 52 में क्या ये टैक्सेबल है नहीं, तो वहाँ उन्होंने पूरा एनालिसिस करके बताया था, लेकिन उसमें कंडीशन जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में दी हुई है वो उन्होंने फॉलो की हुई थी। तो ITAT चंडीगढ़ ने रिसेंट जजमेंट दिया हुआ है, ये जो गिफ्ट रिसीव हुई हुई है मेंबर्स को ये एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 के हिसाब से। नाउ अनदर क्वेश्चन इज वेदर एचयूएफ कैन बी पार्टनर, क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म में एचयूएफ पार्टनर हो सकता है? तो ये इनका केस लॉ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट राम लक्ष्मण सुगर मिल वर्सेस CIT ऑब्जर्व दैट एचयूएफ इज अनडाउटली ए पर्सन, नो डाउट पर्सन है सेक्शन 2 सेक्शन 31 में, इट इज हाउएवर नॉट ए जुरिडिक्शन पर्सन ऑल द ऑड पर्पस एंड कैन नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप आइदर अनदर एचयूएफ और इंडिविजुअल। मींस या कहने का मीन है कि अब आज की डेट में एचयूएफ एज ए पार्टनर, एचयूएफ होल एज ए पार्टनर नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। ऐसे करता तो पार्टनर हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ कोई एज ए पार्टनर नहीं हो सकती। वेदर एचयूएफ कैन बी प्रोपराइटर, आंसर इज यस, एचयूएफ एक आज की डेट में बिजनेस भी कर सकता है, एक अपनी फर्म भी बना सकता है, GST का नंबर भी ले सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो आंसर इज यस, एचयूएफ कैन बी प्रोपराइटर ऑफ एनी फर्म। वेदर एचयूएफ कैन बी ए ट्रस्टी ऑफ सेटलर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कोई एचयूएफ ट्रस्टी हो सकती है या कोई सेटलर हो सकती है? अब देखते हैं क्या इसका, ये ट्रस्ट में बी क्रिएटेड बाई एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन, पर्सन मीन्स जैसे 2 सेक्शन 31 में दिया हुआ है, HUF being a competent to contract and being a association of person very well settled a trust, reference to the regard can be had in the decision of the apex court CIT version Ratilal, ये केशलो दिया हुआ है। इसके बेस पर उन्होंने कहा हुआ है कि HUF भी ट्रस्टी बन सकता है, सेटलर भी बन सकता है, क्योंकि ट्रस्टी और सेटलर बनने के लिए दो चीज दी हुई है कि पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए और एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही एलिजिबल टू ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है, तो इट मीन्स HUF कैन बी ए ट्रस्टी और सेटलर ऑफ एनी ट्रस्ट। अब आती पावर ऑफ कर्ता इन रिलेशन टू HUF, क्या क्या पावर्स हैं? ही कैन बोरो एंड लेंड मनी ऑन बिहाफ ऑफ द HUF, ही कैन इन्वेस्ट द मनी ऑन बिहाफ ऑफ द HUF, ही कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द HUF, he has to right to receive the income of the HUF, he has the right to represent the HUF, he can buy or sell the property on behalf of the HUF, he can gift any property belonging to the HUF, gift le sakta hai, he can receive remuneration of the HUF for the corpus। ye bada kya question aata hai, kya koi karta ek remuneration le sakta hai HUF se? agar sare members taiyar hain, agreement hai, to karta can take the remuneration on किसी और को
जैसे कि एक एचयूएफ में कोई डॉटर है, अनमैरिड है, उसकी शादी का खर्चा करना है, क्या वो क्वेश्चन आता है कि एचयूएफ शादी का खर्चा कर सकता है जो एक डॉटर है जो कि मेंबर है? आंसर यस, कर सकता है। तो ये भी राइट एचयूएफ को भी है। नाउ अनदर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये फीमेल कर्ता हो सकती है? पहले जब हम पढ़ते थे शुरू में तो नहीं था कि साहब एक फीमेल को पार्षद भी नहीं हो सकती, तब को पार्षद नहीं हो सकती तो कर्ता कैसे हो जाएगी। लेकिन जब हम अभी हमने पहले देखा था कि एक 2005 में चेंज आया है, चेंज क्या आया है कि जैसे सन को राइट है वैसे डॉटर को राइट है, जब एक डॉटर को पार्षद हो सकती है तो एक कर्ता भी हो सकती है। वो पार्टनर ही करता है, तो अब जब एक डॉटर को पार्टनर हो सकती है तो एक डॉटर या फीमेल एक करता भी हो सकती है। तो आंसर इज यस, एक फीमेल भी करता हो सकती है। अब हम देखते हैं कि मीनिंग डिफरेंस क्या है को पार्टनर और मेंबर से। जब हम एचयूएफ की बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत बार वर्ड आता है को पार्टनर मेंबर मेंबर। बेसिकली हम देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। एक को पार्टनर इज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ हु कैन क्लेम द पार्टीशन। को पार्टनर को यदि हम एक ब्रॉड मीन से देखा जाए तो को पार्टनर इज ए पर्सन जो कि एक फैमिली से ही जनरेट हुआ हो। मीन्स जैसे सन है, डॉटर है, तो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया बाई बर्थ उनके राइट्स हो गए। जैसे ही सन या डॉटर में से कोई हुआ तो बाई बर्थ उनका राइट हो गया। जैसे ही राइट हुआ वो कोपार्टनर बन गया। और जैसे कि अच्छा फैमिली में हम देखते हैं कि आज की डेट में मैंने एचयूएफ बनाई, आज की डेट में ये इशू है, उसके बाद में एचयूएफ बनाने के बाद में चार इशू और हो गए, तो वो जो भी इशू हो रहे हैं वो खुद ही बाई बर्थ कोपार्टनर की डेट हो जाते हैं और वही एक मेमोरी भी होता है। वेयर ए मेंबर कैन नॉट क्लेम द पार्टीशन। दूसरा है कि कोपार्टनर तो क्लेम कर सकता है पार्टीशन के लिए, लेकिन मेंबर क्लेम नहीं कर सकता। या मेंबर से मतलब क्या है? मेंबर से मतलब है जैसे मैंने बताया दो तरह की, एक कोपार्टनर होता है एक मेंबर होता है। कोपार्टनर वो होता है जो प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है, कह सकता है आज मुझे पार्टीशन करना है, लेकिन मेंबर्स को ये राइट नहीं होती। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कोपार्टनर एंड मेंबर। जैसे मैंने ऊपर बताया ये बेसिक डिफरेंस है। ऑल द कोपार्टनर आर द मेंबर ऑफ द एचयूएफ बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मींस कोपार्टनर मेंबर तो हो सकता है लेकिन मेंबर कोपार्टनर नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। वाइफ कैन नॉट क्लेम ए पार्टीशन बट इट इज ए पार्टीशन बिटवीन द हस्बैंड एंड चिल्ड्रन एंड सी इज इक्वल राइट। इक्वल मींस क्या मतलब है कि जो वाइफ होती है वो कोपार्टनर नहीं होती, वाइफ हमेशा मेंबर्स होती, चाहे वो अपनी वाइफ हो चाहे वो सन अपने सन की वाइफ हो, तो वो हमेशा मेंबर रहेंगे, कोपार्टनर नहीं बन सकती। लेकिन यदि हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो सारे कोपार्टनर के राइट वाइफ को ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में वाइफ भी कोपार्टनर हो सकती है और उसे फिर राइट है अपनी प्रॉपर्टी का डिविजन करने का, पार्टीशन, और उसको भी इक्वल राइट मिलता है जो बच्चों को मिलता है। अब आता है जी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, वेयर हम देखते हैं कि जहाँ कंट्रोल और मैनेजमेंट, अगर एक करता है वो बाहर रह रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो एचयूएफ का स्टेटस एनआरआई हो गया। नो, यदि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से है तो उसका रेजिडेंस स्टेटस रेजिडेंट होगा, यदि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तो उसका रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होगा। इसमें कर्ता का चाहे वो इंडिया में रहे या इंडिया से बाहर रहे इररिलेवेंट, कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखते हैं कंट्रोल और मैनेजमेंट केवल। अब बड़ा इशू आता है जी कि मुझे एक एचयूएफ फॉर्मेशन करनी है तो उसकी डेट कौन सी होगी? एस पर इनकम टैक्स, यहाँ बात कर रहा हूँ एस पर इनकम टैक्स। क्या डेट ऑफ मैरिज होनी चाहिए, या डेट ऑफ फर्स्ट मेल मेंबर होना चाहिए, या डेट ऑफ फर्स्ट फीमेल मेंबर होना चाहिए, या एनी अदर डेट? अब यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मिस्टर ए उनकी शादी हुई बी के साथ, एज पर हिंदू एक्ट के हिसाब से आपकी फैमिली क्रिएट होगी शादी होने के बाद, चाहे आपका इशू अभी हो चाहे ना हो चाहे बाद में हो, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से जो आपकी फैमिली बनती है वो क्या इनकम टैक्स वर्ल्ड है? लीनियर डिसेंडेंट। लीनियर डिसेंडेंट के बाद का मतलब ये कि उसके बाद जो इशू हो रहे हैं वो एक होना एक जरूरी है, तभी आपकी एचयूएफ क्रिएट हो पाती है। लेकिन कुछ केस लॉ ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मैं आगे बात आपको बताऊंगा
उन्होंने लिखा हुआ डेट ऑफ मैरिज के बाद यू कैन क्रिएट एन एचईएफ। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ये था कि डेट ऑफ मैरिज, क्या हस्बैंड वाइफ की डेट के बाद ही एचईएफ क्रिएट हो सकती है? आंसर इज यस। दूसरा आता है कि डेट ऑफ फर्स्ट मेल मेंबर, अभी तक क्या था जैसे मैं बता 2005 में लॉ चेंज हो गया, 2005 में से पहले क्या था, मेल मेंबर होने के बाद ही एचईएफ क्रिएट होती थी, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ था टू मेल मेंबर इज टू बी रिक्वायर्ड, दो मेल मेंबर होने जरूरी है एचईएफ क्रिएट के लिए। लेकिन जब से 2005 में चेंज हुआ है, हो सकता है पहला इशू आपकी डॉटर हो, तो क्या इस केस में मैं एचईएफ क्रिएट नहीं कर सकता? आंसर इज नहीं कर सकते, यदि 2005 के बाद हुआ है, 2005 से पहले नहीं कर सकते थे, 2005 के बाद अब लॉ चेंज हो गया, तो ये भी हो सकता है कि मेरे अगर फर्स्ट बेबी हुआ है, फीमेल हुआ है, तो मैं एचईएफ को क्रिएट कर सकता हूँ। या कोई एनी अदर डेट हो सकता है कि शादी को 20 साल हो गए, मुझे नहीं ध्यान, मुझे एचईएफ बनानी है अपने क्लाइंट की, तो मेरे पास में दो ऑप्शन, या तो मैं पुरानी बैक डेट से बनाऊँ या करंट डेट पर बनाऊँ, तो आप करंट डेट में भी एज पर इनकम टैक्स हिसाब से एचईएफ बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देनी है और उसके हिसाब से पैन नंबर अप्लाई करना है, आप एचईएफ भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर द इनकम टैक्स। अब ये केस लॉ जो मैंने आपको बताया था, एचईएफ नीड नॉट कंसिस्ट टू मेल मेंबर फॉर द एचईएफ इज द टैक्सेबिलिटी एंटिटी, ये टू मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, ये दोनों केस है ना 2005 से पहले के, उस समय दो मेल मेंबर चाहिए थे, लेकिन अब इन्होंने ये क्या हुआ कि कोई जरूरी नहीं है दो मेल मेंबर की जरूरत है, उस समय सिचुएशन दो मेंबर की थी, मेल से मतलब ये है कि आपका सन होना जरूरी है और एक खुद करता, तो दो मेल मेंबर हो गए, इन्होंने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं जी इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर एक मेल मेंबर है और आपकी शादी हो गई है तो आप एचईएफ क्रिएट कर सकते हैं। सी कृष्णा प्रसाद वर्सेस सीआईटी और दूसरा केस है गोली बंदना, ये दो केस लो है सुप्रीम कोर्ट के, बड़े लीडिंग केस लो है, इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि दो मेल मेंबर हो, आप एक एक मेल मेंबर है तो उसमें भी आप एचईएफ क्रिएट कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, केस लो इनकम टैक्स का है, तो एज पर इनकम टैक्स। अब नेक्स्ट सेल में क्या हुआ, शादी होने के बाद आप एचईएफ क्रिएट कर सकते हैं एज पर लॉ। एक एचईएफ में कंसिस्ट सिंगल मेंबर वाइफ और अनमैरिड डॉटर, क्या एक क्वेश्चन है, क्या एक सिंगल मेल मेंबर है और उसकी वाइफ है और अनमैरिड डॉटर, क्या एचईएफ क्रिएट हो सकती है? अब इसमें तो दोनों फीमेल मेंबर है, लॉ में हम देख रहे थे इन सब मेल मेंबर होना जरूरी है, यहाँ केवल दोनों फीमेल मेंबर है, क्या वाइफ और अनमैरिड डॉटर एचईएफ को क्रिएट कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है। ए सिंगल को पार्टनर कैन एलिनेट द को पार्टनर प्रॉपर्टी बाय सेल ऑफ गिफ्ट और सन बॉर्न लेटर देन ही इज नो राइट ऑफ द सच प्रॉपर्टी इन जॉइंट प्रॉपर्टी, क्या एक कोपार्टनर कुछ प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है अदर्स मेंबर को? आंसर इज यस, कोई इशू नहीं है। ए सिंगल पर्सन मेल और फीमेल कैन नॉट कंस्टिट्यूट एचईएफ, फैमिली शुड बी देयर, यदि एक सिंगल पर्सन है क्या वो एचईएफ क्रिएट कर सकता है चाहे वो मेल और फीमेल? आंसर इज नो, क्योंकि एक्ट में क्या हुआ है फैमिली होना जरूरी है, फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ, तो दोनों में से या तो हो सकता है कि दो। अब यह क्वेश्चन आता है क्या एक मेल और फीमेल आपस में रिलेविंग रिलेशन में रह रहे हैं तो क्या वो एचईएफ क्रिएट कर सकते हैं? हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, हिंदू मैरिज एक्ट, क्या उनकी शादी दोनों की हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है? आंसर इज नो, यदि आप यदि कोई मेल और फीमेल उसमें रहते हैं लिविंग रिलेशन में तो दे कैन नॉट क्रिएट एचईएफ। When the family is reduced by a single female and sees adoption, क्या एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एक फीमेल पर्सन है जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए और वो बाद में एक क्या एक सन को अडोप्ट कर लेती है, एक सन को अडोप्ट कर लेती है, तो क्या उस केस में एचईएफ क्रिएट हो सकती है? आंसर इज यस, और जो सन अडोप्ट किया हुआ है वो जॉइंट प्रॉपर्टी में कोपार्टनर हो सकता है। दिस इज नट सेल में मैंने अलग अलग सिचुएशन आपको यहाँ दी हुई है कि ये अलग अलग सिचुएशन अगर ऐसे भी होती है तो इन सिचुएशन में आप एक एचईएफ को क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक डीड का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये बिल्कुल एक्चुअल में है, डीड ऑफ फॉर्मेट क्रिएशन ऑफ एचईएफ देखते हैं, आई सन आई रिसीव, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था एचईएफ आप कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, ये एक फॉर्मेट है जिसमें उन्होंने एक फादर से गिफ्ट ली हुई है, ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप निकाल सकते हैं,
और निकालने के बाद में ये आपका फॉर्मेट हो गया कि एच यू एफ प्रेजेंट करता खुद हो गए या उनकी वाइफ हो गए या इनकी बेटी हो गई, माइनर है, अगर नहीं हुई है तो भी कोई इशू नहीं है। फादर से आप 1000 रुपये की गिफ्ट लें, ये गिफ्ट डीड बनवाएं 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, इसको नोटरी कराएं, नोटरी कराने के बाद में पैन नंबर अप्लाई कराएं और पैन नंबर जैसे आ जाएगा उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाएं, आपकी एच यू एफ क्रिएट होगी। ये फॉर्मेट है, ये एक्चुअल फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट है ये, इसमें ये भी एक डोनर का है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या एच यू एफ क्रिएट करने के लिए फादर से गिफ्ट लेनी चाहिए, आप किसी से भी ले सकते हैं, एनीवन, ये कोई जरूरी नहीं है फादर से, आप अपने फ्रेंड से भी ले सकते हैं, आप अपने किसी भी रिलेटिव से ले सकते हैं। ये दूसरी गिफ्ट दी हुई है, इसमें किसी अनरिलेटेड पर्सन से आपने गिफ्ट लिए और गिफ्ट के बेस पे गिफ्ट में लिखा जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एच यू एफ में गिफ्ट दे रहा हूँ, और उसमें जिस डेट में गिफ्ट दी है उसी डेट में डेट ऑफ क्रिएशन मानी जाएगी एज पर इनकम टैक्स। तो आप करंट में भी किसी की क्लाइंट की एच यू एफ नहीं बनी है तो आप ये देखकर आप एच यू एफ बना सकते हैं, और दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगी। हमारे लिए तो एक फाइल बनेगी और दूसरे के लिए अपनी जो असेसी है उसके लिए अपनी कैपिटल फॉर्मेशन का एक रास्ता निकलेगा जो आगे उसके बिजनेस में काम आएगा। तो वी कैन क्रिएट द एच यू एफ प्रेजेंट आल्सो। अब आता है इसमें क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64। इन द केस ऑफ मेंबर एच यू एफ ट्रांसफर हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टू एच यू एफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और कन्वर्टेड सच प्रॉपर्टी इनटू एच यू एफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी शैल बी क्लब इन द हैंड ऑफ द इंडिविजुअल। सपोज एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टी जिसको हम वर्ल्ड बोलते हैं हॉचपॉच, क्या एक इंडिविजुअल अपनी या मेंबर या करता उस प्रॉपर्टी को हॉचपॉच करता है इन द शेप इन द बास्केट ऑफ एच यू एफ, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एच यू एफ के बास्केट में डाल देता है, तो इस केस में सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजन लागू होंगे। उस बास्केट में जो प्रॉपर्टी डाली हुई है उससे जो इनकम होगी वो सेक्शन 64 में कवर होती है। अब आता है बिजनेस इनकम बाय ए करता। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे साथ में आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या एक सीए जिसके पास में सीओपी है क्या वो स्पेकुलेशन, क्या वो बिजनेस इनकम कर सकता है? पहले देखते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं क्या सिचुएशन होती है। कैन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी कैन डू स्पेकुलेटिव बिजनेस शेयर इनकम एज द करता ऑफ एच यू एफ, हैविंग ए बिजनेस एज ए एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म एंड गेट द रेमुनरेशन, हैविंग ए सैलरी इनकम ऑफ ए डायरेक्टर, वो एक्टिंग डायरेक्टर है, क्या वो सैलरी ले सकता है? इशू क्या आता है, इनकम टैक्स में कहीं भी कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक करता कुछ भी काम कर सकता है, अपना स्पेकुलेशन काम भी कर सकता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आ सकता है, एज ए पार्टनर मैं बात कर रहा हूँ करता की, एज ए पार्टनर भी हो सकता है फर्म में, रेमुनरेशन भी ले सकता है, सैलरी इनकम भी ले सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन क्या इशू क्या आता है कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी इनकम बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अब बिजनेस इनकम क्या क्या हो सकती है, अगर मैं किसी एच यू एफ में करता हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने अपना शेयर का सारा काम एच यू एफ में करता हूँ, नो डाउट करते हैं सारे लोग। अब क्वेश्चन आता है कि वहाँ मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस या एफ एंड ओ का काम कर सकता हूँ, इनकम टैक्स के हिसाब से कोई इशू नहीं, बस सब्जेक्ट टू क्या है, आपको एक परमिशन लेनी है सीए इंस्टीट्यूट से, आपको सीए इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी है कि मैं अपनी एच यू एफ में स्पेकुलेटिव बिजनेस करना चाह रहा हूँ, एफ एंड ओ में काम करना चाह रहा हूँ, सीए इंस्टीट्यूट आपको परमिशन दे देगा। जैसी परमिशन मिल जाएगी आप शेयर का काम कर सकते हो। तो बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि साहब सीए चार्टर अकाउंटेंट जो सीओपी ले रखा है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं कर सकता, शेयर का काम नहीं, शेयर का काम तो कर सकता है, शेयर से का मतलब है आपकी इनकम ऐसे कैपिटल गेन हेड में आ रही है। यहाँ क्वेश्चन आता है कि बिजनेस इनकम में आपकी क्या हेड इनकम आ रही है, चाहे वो एज ए करता एच यू एफ में आ रहा हो, चाहे वो एज ए पार्टनर आ रहा हो, चाहे एज ए डायरेक्टर सैलरी आ रहा हो, मतलब यहाँ सीओपी का इनका कहने का मतलब है सीए इंस्टीट्यूट का कि आप यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के साथ साथ और कोई काम नहीं कर सकते, ये इनका व्यू है। और जब और कोई आप ऐसे बिजनेस काम करेंगे तो आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमें इनकम टैक्स में रेस्ट्रिक्टेड नहीं करता। इसका वे आउट है, आप सीए इंस्टीट्यूट को लिखिए जो हमारी कमेटी है और उनको आप एक लेटर लिखिए सर मैं ऐसे ऐसे अपनी एच यू एफ में, वो परमिशन दे देगी, अलाउड है। इनकम टैक्स में कहीं किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अभी चैप्टर 6 में यदि मेरे एच यू एफ है तो
तो क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलते हैं। एटीसी का बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी पेड ऑन लाइफ ऑफ द मैं किसी एक किसी भी मेंबर्स की इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकता हूँ। पैसा कहाँ से जाना चाहिए, एचईएफ से, तो मैं एटीसी का बेनिफिट ले सकता हूँ, एटीडी का भी बेनिफिट ले सकता हूँ। मेरी मेडिकल क्लेम पॉलिसी है, मैं किसी भी फैमिली मेंबर्स या पूरे फैमिली की मैं करना चाह रहा हूँ, मेडिकल क्लेम पॉलिसी है। पैसा कौन दे रहा है, एचईएफ ले सकते हैं, एटीडब्ल्यूडी का भी ले सकते हैं, एटीजी का भी ले सकते हैं, मैं डोनेशन दे रहा हूँ ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि एचईएफ कोई बिजनेस कर रही है तो वो एटीआईए एटीआईबी बीसी आईडी आईई डबल जे का भी बेनिफिट ले सकती है यदि वो बिजनेस कर। तो चैप्टर 6 में हम देखते हैं एचईएफ को पूरे पूरे बेनिफिट दिए। अब इसका आता है कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। यदि मेरी इनकम केवल हाउस प्रॉपर्टी की और अदर इनकम है तो मैं आईटेट 2 भरूंगा। यदि मेरी कोई बिजनेस इनकम है तो मैं इसकी आईटेट 3 भरूंगा। और मेरी कोई ऐसी 44 एडी या एई में ऐसी इनकम है जो प्रीएग्जम्पशन बिजनेस की कैटेगरी में है तो इसके लिए मैं आईटीआर 4 भरूंगा। आईटीआर 1 इसलिए नहीं भर सकते, वो सैलरी क्लास के लिए है। आईटीआर 5 भी नहीं भर सकते, 6 भी नहीं भर सकते, 7 इसलिए नहीं भर सकते, 6 इसलिए नहीं भर सकते वो कंपनी है, 5 इसलिए नहीं भर सकते वो केवल एओपी के लिए लागू होती है, और 7 इसलिए नहीं भर सकते तो वो ट्रस्ट के लिए होती है जिसके जिन पर सेक्शन 12 का एग्जेम्पशन होता है। इनके लिए अब 3 ही फॉर्म है, 2, 3, 4। यदि मेरे हाउस प्रॉपर्टी और अदर इनकम है तो आईटी 2 फाइल होगा मेरे लिए, बिजनेस इनकम है तो 3 फाइल होगा, और प्री एग्जेम्पशन बिजनेस की कोई इनकम है तो आईटी 4 फाइल करेगा। अब आता है कैपिटल गेन। अब आता है कि क्या एचईएफ को कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है, आंसर इज यस। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट अवेलेबल टू, हम देखते हैं जैसे इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलता है वो 90% सारे बेनिफिट एचईएफ को भी मिलते हैं। यदि मेरी कोई असेट्स है मैंने बेची हुई है तो मुझे इंडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, कैपिटल गेन 20% लगेगा। मैं फर्दर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ तो सेक्शन 54 और 54F का भी बेनिफिट मिलेगा। यदि मेरी कोई एचईएफ में कोई एग्रीकल्चर लैंड है मैं 54D का भी बेनिफिट ले सकता हूँ। इसके बाद मैं कैपिटल गेन बॉन्ड भी खरीद सकता हूँ 54EC में। एक नया सेक्शन उन्होंने 54GB डाला था फाइनेंस एक्ट 2012 में। यदि मेरी पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि एचईएफ की है और मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो बिजनेस में यदि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पूरा बेनिफिट मिल जाता है, तो 54GB का भी मुझे बेनिफिट मिल सकता है इंडिविजुअल। अब आती है जी मैं एचईएफ की इनकम कहाँ से क्रिएट करूँ, मैं एचईएफ की कैपिटल कहाँ से क्रिएट करूँ, देखते हैं कैसे क्रिएट होती है। रेंटल इनकम फ्रॉम द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यदि मेरे को एंसेस्टर प्रॉपर्टी है मेरे पास पड़ी हुई है जो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, आप उसकी रेंटल इनकम डाल के एचईएफ की फाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो इनकम हो रही है वो एचईएफ में शो कर सकते हैं। सेकंड 56(2) में क्या है, 50,000 तक की आपको छूट दी गई है। मींस यदि आप किसी अनरिलेटेड पर्सन से कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो 50,000 तक तो वैसे ही छूट है, इंडिविजुअल को भी छूट है तो एचईएफ को भी छूट है, तो 50,000 तक की कोई भी गिफ्ट हम डाल के ले सकते हैं। ओपन ए डीमैट अकाउंट एंड शेयर इनकम, हम उसका डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और डीमैट में शेयर इनकम की इनकम ले सकते हैं। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन एंड शो द इनकम, जैसे मैं हूँ मेरी अच्छी बनी हुई है मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए की किसी से गिफ्ट ले ली अनरिलेटेड पर्सन, तो 50,000 तक की तो मुझे 56(2) में तो एग्जम्पशन है ही। अदर इनकम जो रेस्ट जो बची वो मैंने इनकम अनाउंस कर दी, जैसे सब उसमें 3.5 लाख रुपए की गिफ्ट ले ली किसी अनरिलेटेड पर्सन से, लेकिन गिफ्ट हो मतलब सामने वाला पर्सन जो है वो आपका मीन्स उसकी रोजनीशन हो, ऐसा ना हो कि 115 में मटक जाए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए हाँ मैंने गिफ्ट ली। लेने के बाद में सब उसमें अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ 3.5 लाख रुपए की मैंने उससे गिफ्ट ले ली, 50,000 की छूट हो गई 56(2) में, 3 लाख रुपए की मैंने इनकम सरेंडर कर दी, 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन छूट है, रिमेनिंग पर जो मेरा टैक्स लगा टैक्स नहीं दिया कोई इशू नहीं, बेसिक एग्जेम्पशन पर 2.5 लाख की मिल गई। यदि मैं और ज़्यादा गिफ्ट ले रहा हूँ किसी में भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से इंश्योरेंस कर सकता हूँ, फैमिली का इंश्योरेंस भी कर सकता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस, या भी मुझे 80C/80D की छूट मिलेगी। और यदि कोई मेरी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने बेची हुई है तो मैं फर्दर प्रॉपर्टी खरीद कर 54 का भी बेनिफिट ले सकता हूँ। तो ये अभी मैंने आपको बताया इनकम और कैपिटल जनरेट कैसे करते हैं एचईएफ।
अब ये तो अभी मेरा पहला चैप्टर क्लोज हो गया एचईएफ का, या मैं चाहूंगा संदीप जी से एचईएफ के बारे में यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं इसको कवर करूं, फिर आगे नया टॉपिक शुरू करता हूं। संदीप जी सर फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा तो मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैं इसमें दो मिनट का नटशेल में बता देता हूँ पूरा, जो क्रैक्स जिसको बोलते हैं। HUF एक हिंदू एज पर हिंदू के हिसाब से अपनी HUF क्रिएट कर सकता है। बड़ा क्वेश्चन आता है कि HUF में कैसे कब क्रिएट करूँ, तो शादी होने के बाद आप HUF क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद में फिर आता है एक बिगर HUF हो गई, स्मॉलर HUF हो गई। बिगर HUF में एक जो फादर की HUF है वो बिगर HUF हो गई, मेरी जो पर्सनल HUF है वो स्मॉलर HUF हो गई। मैं उसमें चैप्टर 60 का भी बेनिफिट ले सकता हूँ, कैपिटल गेन का भी बेनिफिट ले सकता हूँ। और बात आती है कि यदि मैंने किसी की नई HUF बनानी है, तो जहाँ मैंने आपको बताया गिफ्ट के थ्रू या सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू आप HUF क्रिएट कर सकते हैं, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में गिफ्ट लीजिए और एक अपनी सेल्फ रेगुलेशन दे दीजिए, पैन नंबर अप्लाई कराइए, पैन नंबर आ जाता है, पैन नंबर के उससे बैंक अकाउंट खोल लीजिए और उसके बाद में अपनी सिंपल गिफ्ट लेके अनरिलेटेड पर्सन से आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, कैपिटल भी आपकी बन सकती है जो जो एसएससी के लिए काम आती है। तो ये नक्सल में मैंने आपको एक HUF का बताया। अब मैं नया चैप्टर लेके चलता हूँ, इंडिविजुअल एंड बिजनेस सक्सेशन प्लान। वेद जी। जी सर। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक क्वेरी आई है। जी। सुरेश कृष्णन जी है, पूछ रहे हैं कि प्लीज कमेंट ऑन गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल टू HUF। अच्छा, इंडिविजुअल टू HUF, जैसे मैंने बताया था कि सेक्शन 64 के जो क्लबिंग प्रोविजन है वो लागू हो जाते हैं। यदि कोई इंडिविजुअल अपनी HUF को गिफ्ट देता है तो सेक्शन 64 के क्लबिंग प्रोविजन हो जाएंगे उसमें, और यदि कोई उससे इनकम आ रही है तो वो, क्योंकि क्या होता है हम सेक्शन 56(2) यदि हम देखते हैं तो उसमें रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है, और जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है वो इंडिविजुअल की दी हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं अगर मैं HUF को गिफ्ट दे रहा हूँ तो वो जो HUF को गिफ्ट दे रहा हूँ वो मेरे फादर भी इसमें मेंबर है, मेरी वाइफ भी इसमें मेंबर है, मेरे बच्चे भी मेंबर है, तो ये नहीं हो सकता। वो जो 56(2) की बात करता है वो करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी को। तो यहाँ यदि आप गिफ्ट देते हैं तो HUF की वो 64 में भी क्लब हो जाएगा और उसकी इनकम भी मानी जाएगी, मीन्स इट इज नॉट कवर अंडर 56(2). जी आवाज नहीं आ रही संदीप जी आपकी। सर एक दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, कृष्ण मूर्ति जी पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल फॉर कर्ता ऑफ HUF टू इंडिविजुअल बीइंग ग्रैंडसन। हाँ विल 56 राइट। जी अब इसमें देखते हैं कि HUF जो HUF में जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है उसमें राइट 4 स्टेज तक होती है, मींस ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और सन। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में ग्रैंडसन मेंबर हो सकता, आंसर इज यस। जॉइंट प्रॉपर्टी जो होती है वो चार तक जा सकती है, चार लिनियर डिसेंडेंट तक जा सकती है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर और सन। आई मीन शायद क्वेश्चन शायद आंसर क्लियर हो गया। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी दोस्तों, आज का जो टाइम है बड़ा क्रूशियल टाइम है, कोविड का काम चल रहा, टाइम चल रहा है, अनसर्टेनिटी बहुत है, क्लाइंट के फोन आते हैं, साहब मैं मेरी ये 65, 60, 70 ईयर है, पता नहीं कोविड का चल रहा है, मैं क्या करूं, मैंने अभी तक कोई सक्सेसफुल प्लानिंग नहीं की। तो बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस कोविड पीरियड में, तो आप देखते हैं कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं एज ए प्रोफेशन अपने क्लाइंट के लिए, तो क्या प्लानिंग कर सकते हैं इस पर वी आर गिविंग दिस डेलीगेशन। हम ये देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होती है। देखते हैं क्या सक्सेशन एक्ट। व्हेन ए पर्सन डाई इंटेस्टेड विदाउट ए बिल, मींस अगर कोई पर्सन डाई हो जाता है बिना बिल के लिखे हुए, यदि कोई पर्सन डाई हो जाता है बिना बिल के लिखे हुए, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टेड,
द असेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट एज पर योर रिलीजन. मीन्स कि इंडियन जो सक्सेशन एक्ट है वो गवर्न करता है होल, और उसके हिसाब से फिर अलग अलग रिलीजन के हिसाब से, जैसे हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम के लिए अपना उनका अलग लॉ है, क्रिश्चियन के लिए अपना अलग लॉ है, तो उसके हिसाब से अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसकी प्रॉपर्टी यदि उसने बिल नहीं लिखी है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टेट, यदि उसने बिल नहीं लिखी है तो उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होगा. अब हम देखते हैं कि हिंदू एक्ट के हिसाब से, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या कहता है. इफ ए मेल डाई विदाउट ए बिल, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ विदाउट ए बिल, बिल लिख दिया तो बिल के केस में तो जिसके नाम बिल लिखी है उसको प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ बिल के हिसाब से वो ट्रांसफर हो जाएगी यदि बिल लिखी है. तो क्वेश्चन आता है यदि बिल नहीं लिखी है तब क्या करें, तो यदि बिल नहीं लिखी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के, मैं बात हिंदू की कर रहा हूँ, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से 1956 के हिसाब से प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी. अब ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने फोर क्लासेस, चार कैटेगरी दी हुई है. फर्स्ट पहले कैटेगरी के पर्सन देखेंगे, यदि एक पर्सन ने अपनी, यहाँ अगर एक क्वेश्चन आता है मेल, यदि कोई मेल डाई हो जाता है विदाउट रिटन ए बिल तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, तो उसकी जो लीगल आयर है वो क्लास वन, अच्छा पहले क्लास वन को होगी, क्लास वन नहीं है तो टू को होगी, टू नहीं है तो थ्री को होगी, थ्री नहीं है तो फोर होगी, इस हिसाब से डिवाइडेड होगी. तो देखते हैं क्लास वन में कौन कौन से इसके लीगल आयर है. वन इज विडो, अगर मेल डाई हुआ है तो उसकी विडो है. सेकेंड इज मदर. थर्ड इज सन या डॉटर. फोर सिचुएशन है सन और डॉटर ऑफ ए प्री डिसीज सन, यदि उसका बेटा है वो बाई चांस फादर से पहले एक्सपायर हो जाता है तो उसके सन या डॉटर को होंगे. सन डॉटर ऑफ द प्री डिसीज डॉटर, सन डॉटर ऑफ द प्री डिसीज डॉटर, यदि कोई मेल है, फादर है, उसकी बेटी है, बेटी बाई चांस एक्सपायर होगी लेकिन वो मैरिड है, उसके सन और डॉटर है तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट होगी. उसके बाद में विडो ऑफ द प्रीसीडिंग सन, कोई सन है पहली बाई चांस एक्सपायर हो गया फादर से तो उसकी विडो. सन डॉटर ऑफ द प्रीसीडिंग सन ऑफ, ये इन्होंने क्लास वन में कैटेगरी दी हुई है कि पहले इन लोगों को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी और जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इक्वल शेयर पर होगी. सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिस्टर ए मेल है वो एक्सपायर हो गया, उसके पीछे उनकी बी, मिस्टर बी विडो हो गई, सी बेटा हो गया, डी बेटी हो गई या उनकी मदर भी है. तो अभी ये इस केस में कितने लोग हुए, विडो उनकी, उनका बेटा, उनकी बेटी और मदर, चार लोग हैं तो चारों को इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी. यहाँ कहने का मतलब ये है, या बाई चांस सन है, सन एक्सपायर हो गया तो सन की बेटा बेटी है तो उनको ट्रांसफर हो जाएगी, सन की विडो है तो उसको ट्रांसफर हो जाएगी. तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ है. तो पहले हम देखते हैं अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बिना किसी बिल के तो पहले क्लास वन हायर को उसको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. अगर क्लास वन नहीं है कोई तो फिर वो क्लास टू देखी जाएगी. क्लास टू में कौन कौन से आते हैं, फादर, सन्स डॉटर, अगर उसके भाई बहन है तो उनके बच्चे, डॉटर सन, डॉटर सन, ब्रादर सन, डॉटर सिस्टर, सन्स डॉटर, फादर्स के फादर या फादर्स की मदर, फादर्स विडो, ये सब हायरार्की सिस्टम है. तो उसके हिसाब से अगर क्लास वन नहीं है तो क्लास टू वालों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी. बाई चांस ना क्लास वन है ना क्लास टू है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना क्लास वन है क्लास टू है, तो उनके एग्नेट और कॉग्जनेट को ट्रांसफर हो. एग्नेट का मतलब है जो यदि मेल मेंबर उसका कोई दूर का कोई रिश्तेदार, वो कहे कि मैं इनके ब्लड रिलेशन में आता हूँ, चाचा का, ताऊ का बेटा और भी कोई दूर के रिलेशन में, तो यदि मेल के केस में एग्नेट होता है, फीमेल के केस में कॉग्जनेट होता है. अगर इसके बाद में कोई भी नहीं है, ना उसका एग्नेट है ना कॉग्जनेट है, तो वो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है. ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से एक सिस्टम है कि आपका फर्स्ट क्लास वन लीगल हायर को मिलेगी, वो नहीं है तो सेकेंड को मिलेगी, वो भी नहीं है तो एग्नेट को मिलेगी, वो भी नहीं है तो कॉग्जनेट को मिलेगी, कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट. ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ये हाईलाइट की. अब आती है बिल.
बिल में क्या है, ए विल कंसीडरेबल रिड्यूस द चांस ऑफ द लिटिगेशन एंड गिव द राइटफुल ओनर ए चांस टू एंजॉय द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस। मींस कि एक तो क्या है कि अगर बाई चांस बिल नहीं लिखी तो लिटिगेशन आप देखते हैं कितना होगा, वो कहेगा जी मैं इसका वारिश हूँ, वो कहेगा मैं इसका वारिश हूँ, आपस में लिटिगेशन हो जाते हैं, फिर वो फिर जो भी बैंक होती है या जहाँ भी आपका पैसा है वो कहता है जी आप कोर्ट से जाके अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, वो सारे इशू हैं। तो इन सब को बचने के लिए इट इज़ बेटर हर एक आदमी को अपनी एक बिल लिख देनी चाहिए, और अगर आपने बिल लिख दी है तो किसी भी तरह की कोई जो आपके हायर है उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बिल आफ्टर डेथ अफेक्ट होती है तो पैसा उनको बिना किसी कोर्ट के चक्कर काटने या बिना किसी लिटिगेशन या बिना किसी खर्चे के वो प्रॉपर्टी उसको खुद ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा क्या, बिल में जरूरी नहीं है कि ये मैं प्रॉपर्टी अपने बेटे या अपने रिलेटिव को भी देना चाहूँ, आप किसी अनरिलेटेड के नाम से भी बिल लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। If no bill was written, then the legal heir will be the typically have to spend large amount of the acquired mandatory document like a succession certificate or letter of administration in order to the transfer title, cash, investment, asset, property by applying the high court or magistrate. जैसे मैंने कहा यदि बिल लिख के नहीं गया है कोई भी चाहे मेल मेंबर हो चाहे फीमेल मेंबर हो, अब वो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर अगर जैसे मेरी बैंक में एफडी आ रहे हैं और वो कोई अपना बिल लिख के नहीं गया या नॉमिनेशन लिख के नहीं गया, आगे हम बात करेंगे नॉमिनेशन की, तो वो पैसा किसको मिलेगा? तो बैंक या जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो कहेंगे जी आपको सीधे सीधे कहते हैं जी आप कोर्ट से आप हमें एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिया है। ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट या तो हाई कोर्ट से बनता है या आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है, वहाँ से बनता है, लेकिन अननेसेसरी का लिटिगेशन में पैसा भी खर्च हो जाता है और उसमें टाइम भी लग जाता है, 4 से 5 महीने तक लग जाते हैं इसको लेने के लिए। ये बिल एनेबल यू टू डिसाइडेड विच असेट यू वांट टू गिव टू विच हायर इन व्हाट पोर्शन एंड विदाउट वन। ये भी हो सकता है कि बिल में आप लिख रहे हैं तो किसको कितना शेयर देना है यू कैन डिटरमाइन। हो सकता है आपके 4 बेटे हो, एक बेटा थोड़ा सा फाइनेंशियली साउंड नहीं है, आप चाहते हैं उसको मैं 50% शेयर दे दूँ, यू कैन। आप इसमें अनइक्वल शेयर भी हो सकते हैं, आपके 4 बेटे हैं आप 3 बेटों को देना चाहें तो आप 3 को दे सकते हैं, लेकिन इंडियन सक्सेशन के हिसाब से आप सिर्फ बिल नहीं लिखी तो वह चारों के राइट इक्वल होंगे, लेकिन बिल के हिसाब से आप अनडिटरमाइंड आप पोर्शन में आप शेयर में आगे पीछे भी कर सकते हैं। विदाउट ए असेट्स असेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर हिंदू एज पर द सक्सेशन एक्ट एज पर योर रिलीजन। अब आता है बिल, मेक श्योर यू एंटर ऑल द एसेंशियल पर्सनल डिटेल इन। अब आते हैं जब बिल को ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए, बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं अपने प्रैक्टिस में तो बिल को आपस में ही फाइट करने लगते हैं, नहीं मेरी बिल पहले थी, ये मेरी सही बिल है, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस में बिल बनाई, बहुत सारे लिटिगेशन हैं। तो यहाँ का जो बिल की ड्राफ्टिंग बड़ी काम आती है कि आपने बिल को किस हिसाब से ड्राफ्ट किया हुआ है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसमें बिल में होने जरूरी है। जैसे असेंशियल पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल का मतलब है आप किस आपकी खुद की डिटेल, नाम, फादर नेम, एज, पेन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, आधार कार्ड भी मेंशन कर सकते हैं, ये जिसके नाम में बिल लिखी हुई है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, केवल ये नहीं कि मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ, बेटे का नाम होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए, उसका पेन नंबर हो तो पेन नंबर भी मेंशन कर देना चाहिए, आधार हो तो आधार नंबर भी मेंशन, जिससे वो ईयर मार्क हो जाए हाँ यही है कोई और नहीं है। इसके बाद में उसका एड्रेस, प्लेस, किस डेट किस जगह आप बिल बना रहे हो तो प्लेस होना चाहिए, किस डेट में बना रहे हो, ये सब करेक्टली होने चाहिए, अगर इसी में थोड़ी सी फेरबदल हो जाती है तो वो लिटिगेशन का बन जाता है। उसके बाद में जिसको आप बिल ट्रांसफर कर रहे हैं बेनिफिशियरी, उसका आपका रिलेशन क्या है, सन है, बेटा है, बेटी है, नाइस है, नेफ्यू है, जो भी आपका रिलेशन है आप वो उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद में असेट जो आप प्रिसाइज होनी चाहिए, जैसे आपके पास मकान है तो आपने मकान नंबर लिख दिया, ये लोकेशन है लोकेशन लिख दी, आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया, बैंक का नाम लिख दिया, लॉकर है तो लॉकर भी लिख दिया, ये लॉकर इस बैंक में है, शेयर है तो शेयर भी लिख दिया, मतलब ईच एंड ये नहीं है कि मेरी सारी असेट इसको ट्रांसफर हो रही है, इसमें फिर लिटिगेशन हो सकता है, तो असेट भी पूरी प्रोसेसाइज पे एक मेंशन होनी चाहिए।
इसके बाद में ट्रू बिटनेस होने चाहिए, ट्रू बिटनेस बहुत जरूरी है। ये बिटनेस भी अपने आप खासकर अपने ही बंदे होने चाहिए। जब लिटिगेशन होता है तो ये कोर्ट में जब प्रोवाइड कराते हैं बिल को, तो इन्हीं दोनों विटनेसों को बुलाते हैं, भाई यहाँ आपके सामने हुई आप बताओ विटनेस को, तो कहीं ऐसा ना हो ये विटनेस बाद में इधर उधर हो जाए। तो ये दो विटनेस अपने खास बंदे ही होने चाहिए एंड साइन अलोंग विद द विटनेस और देयर डिटेल। विटनेस के इसमें साइन होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बिल लिखते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इक्वली इंपॉर्टेंट आर द थ्री डिक्लेरेशन दैट यू आर इवोकिंग और अर्लियर बिल। यदि आपने हो सकता है कोई अर्लियर बिल किसी ने लिखा लियो, आपको नहीं पता, आपने गुड फेथ में किसी ने साइन करा लियो वैसे, तो ये भी मेंशन करना चाहिए यदि कोई अर्लियर बिल लिखी हुई है तो वो एवोक की जाती है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, लिख देना चाहिए। उसके बाद में दैट यू आर साउंड माइंड, आप साउंड माइंड में है। कभी कभी क्या होता है बिल्कुल चैलेंज कर देते हैं, यार ये तो इन्होंने अनसाउंड थी तब इन्होंने बिल लिखवा ली, ये भी लिख देना चाहिए अनसाउंड साउंड माइंड में है। और ये भी आना चाहिए कि यू आर नॉट मेकिंग एनी अंडर अनड्यू प्रेशर, क्योंकि जब बिल को चैलेंज की आती है तो इन्हीं तीनों वे में चैलेंज की आती है कि नहीं साहब ये अनसाइंड अमाउंट माइंड थी, उस समय इनको कुछ होश आवाज नहीं था, उस समय इन्होंने बिल लिखवा ली या किसी प्रेशर में लिखवा ली, तो ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए एक बिल। अब आता है जी नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या है? नॉमिनेशन इज ए प्रोसेस वेयर ए पर्सन ऑथोराइज समवन टू रिसीव द असेट ऑन और हर बिहाफ आफ्टर डेथ। इट कम इनटू द ऑपरेशन आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर, द स्पेसिफाइड असेट इज ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द नॉमिनी। बेसिकली क्या होता है बिल और नॉमिनेशन में क्या फर्क है? नॉमिनी जैसे आपने देखा होगा बैंक अकाउंट है या शेयर्स हैं या कंपनी के शेयर हैं, तो वो वेट नहीं करती चीजों को। जैसे क्या होता है अब तो प्री नॉमिनेशन पहले ही करा लेते हैं सारे बैंक अकाउंट, आपने देखा FDR में कंपलसरी हो गया ऐसा नॉमिनेशन आप कीजिए, डीमेट अकाउंट में कंपलसरी हो गया आप नॉमिनेशन पहले ही कर दीजिए, शेयर सर्टिफिकेट में भी अब जो प्राइवेट कंपनी के शेयर है उसमें भी नॉमिनेशन। तो जहाँ जो जिसके पास में इन्वेस्टमेंट है वो वेट नहीं करती, जैसे ही पता लगा परसेंटेज एक्सपायर्ड उनका डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और वो पूरी की पूरी असेट उस नॉमिनेशन जो नॉमिनी पर्सन उसको ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एनी हेल्प। अब लेकिन क्या आता है, क्या नॉमिनेशन करने के बाद जो प्रॉपर्टी नॉमिनी को मिलती है वो उसका लीगल ओनर है या ऐसे कस्टोडियन है? दिस इज द इशू। द नॉमिनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द असेट, इज मेनली ट्रस्टी हु होल्ड फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल हायर ऑफ द नॉमिनी। जनरली अपने केसों में क्या होता है जो नॉमिनी होता है वो लीगल हायर होता है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉमिनी जो है वो लीगल ओनर नहीं होती है, वो केवल एक कस्टोडियन होता है, और जब तक उसका लीगल हायर नहीं मिल जाता तब तक वो उस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन रहता है। लीगल हायर मिलने के बाद में नॉमिनेट जिसको दिया हुआ जो नॉमिनेटर है वो प्रॉपर्टी लीगल हायर को ट्रांसफर कर देता है, और यदि दोनों एक ही है फिर तो कोई इशू है नहीं। अब हम देखते हैं नॉमिनेशन कौन कौन सी जगह पे होता है। एक फ्लैट है हाउसिंग सोसाइटी का है, अगर हम हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रह रहे हैं तो मेरी सबसे एडवाइस है कि अभी एक नॉमिनेशन फॉर्म भर के कर लें, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है जब होती है तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, नहीं साहब ये मेरी बुआ जी हैं, ये मेरी चाची हैं, ये मेरी समथिंग रिलेशन है, तो वो काउंटर कर लेती हैं। लेकिन आपका यदि नॉमिनेशन है तो सोसाइटी फ्लैट बिना किसी, चाहे आप कितना भी सामने वाले कितना भी कुछ बोलता रहे, तो बिना किसी हर्डल्स के वो जो भी नॉमिनेशन है वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अब तो खैर मैंडेटरी हो गया है, ये नॉमिनी जैसे भी इशू आता है कोई डेथ होती है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको पैसा ट्रांसफर हो जाता है। PPF अकाउंट में भी सेम इशू होता है। बैंक सेविंग में FDR म्यूचुअल फंड में शेयर ऑफ द कंपनी, इन सब में यदि नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कृपया सबसे रिक्वेस्ट है कि नॉमिनेशन करके अपनी शांतिपूर्वक जो आगे की आपके बाद जो लाइफ है उनकी शांतिपूर्वक लाइफ है, इसलिए नॉमिनेशन इज मस्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनेशन क्या है, बिल क्या है, और यदि किसी ने बिल नहीं लिखी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। अब आती है कि आप प्लानिंग कैसे करेंगे। एक तो प्लानिंग जैसे कहा कि नॉमिनेशन हो गई, एक प्लानिंग हो गई बिल की प्लानिंग हो गई। थर्ड इशू आता है कि सक्सेसर प्लान थ्रू ए प्राइवेट ट्रस्ट। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है लेकिन हम बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट बना के आप अपनी सक्सेसन प्लानिंग कर सकते हैं। क्या है सक्सेसन?
सक्सेशन थ्रू ए प्राइवेट ट्रस्ट मैकेनाइज इज ए कॉमन मोड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ असेट ऑफ ए ट्रस्ट प्रोवाइडेड बेटर लीगल प्रोटेक्शन सर्टेनिटी फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो ए प्रैक्टिस इन ए एक्सेप्ट मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सक्सेशन प्लान. क्या जी क्या स्टेप्स लेते हैं इसमें? सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक फैमिली ट्रस्ट है जिसको हम प्राइवेट ट्रस्ट बोलते हैं, फैमिली ट्रस्ट बोलते हैं, एक फैमिली ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट बन जाता है. और जो फैमिली का ओनर है या जिसके नाम में प्रॉपर्टी है वो ऐसे सेटलर बन जाता है और जो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट के नाम में ट्रांसफर कर देता है. ट्रस्ट के नाम में ट्रांसफर करने के बाद जो उसकी फैमिली मेम्बर है वो उसके बेनिफिशियरी बन जाते हैं. और चाहे वो खुद ट्रस्टी भी हो सकता है सेटलर या किसी भी बेनिफिशियर को ट्रस्टी बना सकता है, वो उसके ट्रस्टी बन जाते हैं. और ये परपेक्चुअल नेचर में ये चीज़ चलती रहती है. अब देखते हैं ये कैसे बनता है. द सेटलर कंट्रीब्यूट हिज और हर आइडेंटिफाई एसेट टू ए प्राइवेट ट्रस्ट फॉर व्हाट दिस पर्पस. सेटलर अपॉइंटेड ट्रस्टी कैन बी इंडिविजुअल कैन बी ए कंपनी. आज तो आज की डेट में तो ट्रस्टी के लिए कंपनी भी काफ़ी कंपनी आ गई हैं जो आपकी असेट मैनेजमेंट करती हैं. ये खुद भी ट्रस्टी बन सकता है, सेटलर बन सकता है टू मैनेज द ट्रस्ट प्रॉपर्टी. ट्रस्ट को मैनेज प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए ट्रस्टी. द ट्रस्ट डीड विल लिस्ट नेम एंड परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ द बेनिफिशियरी इन केस ऑफ द स्पेसिफिक ट्रस्ट. दो तरह के होते हैं जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं, तो स्पेसिफिक ट्रस्ट होता है, दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. स्पेसिफिक ट्रस्ट में क्या होता है कि बेनिफिशियरी और उनके शेयर डिटरमाइंड होते हैं. जैसे मिस्टर ए बी सी ये बेनिफिशियरी हो गए, उनके शेयर हो गए 25%, 30%, 40%, ये शेयर हो गए, तो दोनों डिटरमाइंड है, ये बाद में आप कभी चेंज नहीं कर सकते. तो ये तो हो गया स्पेसिफिक ट्रस्ट. तो एक होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में क्या होता है, बेनिफिशियरी है भी और ना भी. ना भी से मतलब है आपने एक ट्रस्ट बनाया किसी अपने बेटे के लिए, बेटे की बाई चांस अभी शादी नहीं हुई, तो शादी नहीं हुई तो उनका इशू भी नहीं हुआ. उस केस में एक ट्रस्ट ऐसा भी हो सकता है कि जब इसकी शादी होगी, शादी होने के बाद जब इसका इशू होगा वो इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी होंगे. तो ये एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट हो गया जिसमें बेनिफिशियरी अभी डिसाइडेड नहीं है. और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है बेनिफिशियरी डिसाइडेड है ए बी सी, लेकिन उनका शेयर डिटरमाइंड नहीं है, तो ये भी एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहलाएगा. ये दो बेसिकली डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक ट्रस्ट और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. Once the property is contributed by a settlor to the trust, then the property would be owned and controlled by the trustee and on behalf of the benefit of the beneficiary. The property can be any assets or to be cash or may be movable or any. जो property जो transfer की है वो cash भी हो सकता है, movable भी property हो सकती है, immovable भी हो सकती है. Before the executing the succession planning, once need to examine the various tax, commercial and regularity implication to preserve and protect the value of the asset being transfer or transaction of the next generation. Generally, अब हम देखते हैं जब से एक बिजनेस में हमने देखा कि बड़े बड़े उद्योग जो है उनमें आपस में डिस्प्यूटेड होता है, तो इन सबको डिस्प्यूटेड ना हो तो आजकल ये टैक्स प्लानिंग बड़ी चल रही है. और जो जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रस्ट को ट्रांसफर हो जाती है, बेनिफिशियर डिसाइडेड हो जाते हैं. बेनिफिशियर बाय चांस आप चाहते हैं कि बिजनेस एक मेरा कंटिन्यू चलता रहे, फैमिली बिजनेस चलता रहे, तो उसमें जो अभी जनरेट नहीं हुआ है, जो अभी इशू नहीं आया हुआ है, वो भी इसमें बेनिफिट वो भी इसमें बेनिफिशियरी बन जाता है. तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ लॉ है, जैसे सबसे पहले लॉ आता है स्टाम्प ड्यूटी एक्ट का. हम इसमें स्टाम्प ड्यूटी एक्ट जो लगता है वो अपने स्टेट के हिसाब से लगता है, हर स्टेट का अपना स्टाम्प ड्यूटी एक्ट लगता है. अब ये देखते हैं जो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर की है ट्रस्ट को, क्या उस पर स्टाम्प ड्यूटी एक्ट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, स्टाम्प ड्यूटी हमें देनी पड़ेगी. वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है. और भी कुछ सेबी के, यदि कोई अपने एसेट ट्रांसफर की है तो क्या सेबी के प्रोविजन है, वो सब जो लोकल लॉ है या कुछ सेंट्रल के लॉ, उनको भी हमें देखते हुए एक प्लानिंग करनी चाहिए. क्या मैंने जो असेट ट्रांसफर किया है किसी ट्रस्ट को, या ट्रस्ट के माध्यम से मैं कोई सक्सेशन प्लानिंग कर रहा हूँ, तो कुछ उन एक्टों को भी ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए. सक्सेशन प्लानिंग थ्रू द ट्रस्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैकेनाइज टू प्रोटेक्ट द वेल्थ बींग सब्जेक्ट टू द स्टेट ड्यूटी ड्यूरिंग द स्टेट ड्यूटी डेज. अब क्या है, जैसे हम सुन रहे थे बीच में के साहब एक स्टेट ड्यूटी एक्ट आ रहा है, उसमें जब डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी अब उनको बटेगी लीगल आयर, तो उस पर टैक्स आएगा जिसको स्टेट ड्यूटी एक्ट बोलते हैं.
लेकिन ट्रस्ट के केस में यदि आपने ट्रस्ट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो उसमें जो स्टेट ड्यूटी एक्ट लागू नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये प्लानिंग बड़ी सक्सेस रहेगी क्योंकि इसमें स्टेट ड्यूटी एक्ट लागू नहीं होता। जैसे मैंने बताया था टाइप दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक ट्रस्ट, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, एक होता है इसमें रिवोकेबल ट्रस्ट, एक होता है इरिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब है कि जब सेटलर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो अपने हिसाब से उसको वापस भी ले सकता है, तो उसमें एक क्लबिंग प्रोविजन लग जाते हैं जिसको रिवोकेबल ट्रस्ट बोलते हैं। दूसरा नेक्स्ट होता है इरिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब है जैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है उसको फिर वापस नहीं ले सकता कभी, तो उसको बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रस्ट। अब टैक्स, इसमें टैक्स की देखते हैं कि प्राइवेट ट्रस्ट में किस हिसाब से टैक्स लगता है। If the individual share of the beneficiary has ascertainable, the tax rate to be individual. Means, यदि कोई आपका specific trust है, तो उसके case में जो income होगी trust की, वो as a individual rate के हिसाब से, उसको taxation लगेगा, means basic exemption की छूट मिलेगी और celebrate का benefit मिलेगा। The tax assessment being made either directly on the beneficiary or the trustee as the representative of the beneficiary. Means section is 160, 161 or 166, three section applicable होते हैं, जिसमें ये है कि जब trust की return भरी जाएगी तो who will be, किसके नाम assessed होगा, तो उसमें ये कि beneficiary के नाम भी हो सकता है और trust के नाम भी हो सकता है और trustee उसका representative assessee माना जाएगा as per section 166. However, if the trust has income from the business, यदि कोई trustee की business income है तो डायरेक्ट उसमें मैक्सिमम मार्जिन रेट एप्लीकेबल है, चाहे आपका ट्रस्ट स्पेसिफिक हो चाहे डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट हो। व्हेन द इंडिविजुअल शेयर ऑफ द बेनिफिशियरी आर इंडिटरमाइंड, जैसे मैंने कहा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो इस केस में भी मैक्सिमम मार्जिन रेट जो इंडिविजुअल भी एप्लीकेबल है वो लगता है। अब नेक्स्ट आता है फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली सेटलमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक प्लानिंग होती है असेट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इसमें क्या है, फैमिली अरेंजमेंट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, आपने देखा मेंबर ऑफ द सेम फैमिली होनी चाहिए, इंटेंडेड और टू बी जनरली एंड रीजनेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली आइदर बाई ए कम्प्रोमाइज डाउटफुल और डिस्प्यूटेड राइट और बाई प्रिजर्विंग द फैमिली प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक फैमिली है उसमें चार बेटा सन और डॉटर हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसके नाम में कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है क्योंकि वो पहले आया है तो कैपिटल के हिसाब से उसके नाम से प्रॉपर्टी होगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर छोटा है वो कहता है मेरे नाम, तो हालांकि उसका राइट इक्वली बनता है तो उसमें बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, या कोई प्रॉपर्टी ए के नाम है उसमें बी रह रहा है, प्रॉपर्टी सी के सी बिजनेस कर रहा है लेकिन ऑल लीगल वो प्रॉपर्टी डी, ये तो बड़ा क्रिएट हो जाता है। उस केस में गवर्नमेंट ने क्या, एक फैमिली सेटलमेंट डीड है, फैमिली सेटलमेंट डीड में क्या होता है जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सब पहले हॉचपॉच एक बास्केट में डल जाती है, फिर जिसको जो प्रॉपर्टी देनी हो चाहे वो ए के नाम हो चाहे वो बी के नाम हो चाहे सी के नाम हो डी के नाम, हार्डली मैटर, वो जो भी प्रॉपर्टी है एक बास्केट में डल जाती है, फिर जिसको जो प्रॉपर्टी देनी है वो उसको दे दी जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी के नाम सही ऑन लीगल आए लीगल डॉक्यूमेंट हार्डली मैटर, उसके बाद में वो प्रॉपर्टी जिसको जो देनी है प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती है और एक फैमिली सेटलमेंट डीड बन जाती है, और वो फैमिली सेटलमेंट डीड करके आप कोर्ट से रजिस्टर करा सकते हैं, उसके बेस पे वो उसके उसमें ना तो कोई स्टाम्प ड्यूटी लगेगी या ना किसी तरह का कोई आगे प्रॉब्लम आएगी। जैसी वो फाइनल हो जाता है कोर्ट से करा लेते हैं, कोर्ट के बाद में जिसके नाम जो प्रॉपर्टी आई है वो उसका फिर वो लीगल ओनर बन जाता है और इसमें किसी भी तरह की कोई स्टाम्प ड्यूटी वगैरह कोई भी नहीं लगती। बस प्री कंडीशंस क्या है, ये कुछ प्री कंडीशंस है, यही होना चाहिए तभी आपका फैमिली सेटलमेंट होगा। नंबर वन, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डिस्प्यूटेड और डिफरेंस बिटवीन द मेंबर ऑफ द फैमिली इन रेस्पेक्ट देयर राइट, जैसे मैंने कहा या तो कोई उस प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूटेड राइट हो किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो और विद इन फैमिली हो, एग्जिस्टिंग ऑफ क्लेम ऑफ सब क्लेम ऑफ द क्लेम ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ द, ये भी सेम इशू है, resolving the said claim by the family settlement arrived between the members of the family including the guardian of the minor, agar minor hai to wo to is case mein bhi ek family settlement ho sakta hai, to ye iski preconditions kya hui isme ki ek to family ho, aisa na ho ki main apne padosi ke sath mein family settlement kar raha hu, ye nahi ho sakta, aapki family honi chahiye, family ka matlab husband wife bhaiyon mein ho sakta hai aur sisters mein ho sakta hai, ek family ho jaise
जो ब्लड रिलेशन की लीन है डिसेंडेंट वाली फैमिली, और कोई फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, ये कह रहा है साहब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ बिजनेस लेकिन सी के नाम है, इस टाइप का कोई डिस्प्यूट है, और करने के बाद फैमिली सेटलमेंट में डीड लिख जाती है, डीड के नाम में जो प्रॉपर्टी होती है उसके नाम हो जाती है, इसको रजिस्टर करा लेते हैं, उसके बाद में वो एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, स्टाम्प ड्यूटी की इसमें फर्दर जरूरत नहीं होती। ये सेम इशू है जो मैंने अभी डिस्कस किया, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट असेट दैट आर पार्ट ऑफ द कॉमन पूल, कॉमन पूल पूल में डाल दी जाती है, मस्ट बी राइट ओवर, ये सब इशू है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ द आवर प्रेजेंटेशन इज कम्प्लीट, अब मैं रुके चाहूँगा किसी का कोई क्वेश्चन हो इस मैटर पे तो वी कैन कंटिन्यू। एंड वेद जी, इट मींस जो फैमिली सेटलमेंट है वो तभी होगा जब कोई डिस्प्यूट होगा जी किसी को, मेंबर्स को किसी क्लेम के बारे में। हाँ, यस यस, तभी सेटल उनका दूसरा बेटा उसके नाम में दो प्रॉपर्टी है, अब सी कहता नहीं जी मुझे तो इक्वल राइट चाहिए, तो इस केस में डिस्प्यूट क्रिएट हो गए ना, क्योंकि राइट तो मिलना चाहिए इक्वल, लेकिन उसके नाम में ज्यादा प्रॉपर्टी, छोटे नाम कम प्रॉपर्टी है। सेटलमेंट डीड को बनाएगा कौन, कोई आउटसाइडर या आपस में बैठ के बना सकते हैं? नहीं, आपस में बैठ के जो डीड राइटर होते हैं वो बना लेते हैं, आपस में बना लेते हैं, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, वो सभी को बना लें और वो उसमें विटनेस भी चाहिए। हाँ, दो जितने भी डीड या जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो बिल हो, चाहे वो फैमिली सेटलमेंट हो, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑन लीज, आप देखते हैं हर एक में दो विटनेस की जरूरत होती है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। ओके ओके, और उसमें कोर्ट में ले जाके आप उसको प्रेजेंट कर दो, कोर्ट में फिर वो क्या कर, जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ही कर देते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ जाके इसको सेटल कर दो, वो क्या करते हैं सबको एक एक कर से बुलाते हैं, वो कहते हैं हाँ साहब आर यू एग्री, उसको अपने करके स्टाम्प लगा के रजिस्टर करके आपको दे देते हैं। ओके जी, चलिए अब पॉइंट आता है सर। संदीप, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन दिमाग में है। हाँ जी, हाँ जी, आप वेद जी कह रहे थे कि ये स्टाम्प पेपर, संदीप? हाँ जी, सुन रहा हूँ। वेद जी? जी बताए। वेद जी, एक आपने उसमें जो प्रोफॉर्मा बता रहे थे जो एचयूएफ फॉर्मेशन के लिए, उसमें 10 रुपए का स्टाम्प पेपर भी आपने बताया और 100 रुपए का भी बताया। जी, तो 10 रुपए का किस केस में है, जब वो सेल्फ कन्वर्ट कर रहा है या डोनेशन बाहर से ले रहा है? जनरली क्या है कि ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर बन जाती है, तो स्टाम्प का जो ड्यूटी एक्ट है ना, वो ये डिपेंड करती है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज किसी ने ₹1,000 की वो दी, गिफ्ट दी, तो 1,000 के हिसाब से जो गिफ्ट दी स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के हिसाब से 3% की ड्यूटी लगती है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो 3% तो स्टाम्प ड्यूटी कितने पे लगेगी, ₹1,000 पे, तो 30 रुपए की हो गई, ठीक है सर, तो 10 रुपए की तो अकाउंट नहीं करेगी, तो स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के हिसाब से इसमें लगाई हुई है, तो जनरली जब गिफ्ट देते हैं तो स्टार्टिंग में कम ही पैसे की देते हैं, बाद में फिर ज्यादा भी दे देते हैं, तो इनिशियल लेवल पे जो आपने दिया हुआ उसी पर ही ड्यूटी लगेगी, तो इसकी मतलब 10 रुपए का रिलीवेंट नहीं है, फिर मतलब 100 रुपए का ही बेटर है किसी का भी एचयूएफ बनाए, जैसे माना 1,000 रुपए का भी अगर दिया, 1,000 का 3% 30 रुपए हो गए, जी जी, अगर 10,000 का देते हैं तो फिर 300 रुपए हो जाएंगे। हाँ, तो 300, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है, जब आप क्रिएट करते हैं तो इनिशियल में अमाउंट कम रखना चाहिए, जिससे हमारे स्टाम्प ड्यूटी भी कम लगे, उसके बाद में फर्दर ट्रांसफर करेंगे तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। ओके, एक बार बन गया तो फिर नहीं लगती जी। और अगर बंदा जो करता है वो सेल्फ ही अपने को एचयूएफ बनाना कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो अपना उसने 1,000 रुपए का दिया तब भी 100 रुपए का स्टाम्प पेपर ही ठीक है? हाँ, बिल्कुल। नहीं, जनरली जो गिफ्ट दी जाती है वो आउटसाइडर, आप बात कर रहे थे उसकी, मैं अग्रवाल से एक कह रहा हूँ, गिफ्ट तो दी जाती है वो आउटसाइडर दी जाती है, आउटसाइडर से मतलब है मैं करता हूँ तो मैं अपनी फादर से ले लूंगा, मदर से ले लूंगा, भाई से ले लूंगा, आप लोगों से ले लूंगा, इन्हीं मैं खुद गिफ्ट नहीं दे सकता ना, वो बाद में फिर हॉचपॉच कहलाता है, वो सेक्शन 64 में कवर है। आपने बोला था कि जो 56(2) में अप टू 50,000 तो छूट है ही है
जी गिफ्ट फ्रॉम एनीवन अनरिलेटेड पर्सन जी तो उसमें फिर वो उसमें तो उसमें आएगा नहीं 64 तो अटैक होगा नहीं उसमें नहीं फिर नहीं आएगा 64 आता है हमेशा रिलेटेड पर्सन में ओके अगर 50,000 फादर ने उसको कर्ता को दे दिए जो एच यू एफ बना रहा है अपना तो तब भी 64 अप्लाई हो जाएगा सब सब 50 60 अप्लाई हो जाएगा 50,000 तक की छूट है ओके उसके बाद में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ठीक अच्छा एक प्रश्न आया था कि आपने कहा जी एच यू एफ का एक प्रश्न है फिर जी जैसे माना 3,00,000 की गिफ्ट दे दी जी किसी रिलेटेड पर्सन ने लेकिन उसपे टैक्स भी दिया कर्ता ने एचयूएफ ने कर्ता ने टैक्स भी दे दिया जो टैक्सेबल आ रहा है इन स्पाइट ऑफ दैट तब भी वो जो है 64 अप्लाई होगा नहीं 64 का मैं बताऊं क्या होता है गिफ्ट और उसमें फर्क होता है यदि किसी रिलेटेड पर्सन ने कोई गिफ्ट दी है एचयूएफ को अब उसमें फिर देखना पड़ेगा क्या वो 64 में कवर 64 में आप देखेंगे 3 लोग कवर है यदि किसी फादर ने किसी माइनर को दी है या फादर ने अपने बेटे की मिसेस को दी है तो वो कवर है 64 बाकी कवर नहीं क्लबिंग प्रोविजन में केवल दो रिलेशन जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए या सन माइनर सन हो गया या बेटी की बहू हो गई तो ये 3 केवल रिलेशन में 64 कवर है बाकी में 64 कवर नहीं है ठीक 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 अंडरस्टैंड अच्छा अब बात आई कि जो आप कह रहे थे कि जैसे एचयूएफ का और जो सोपी होल्डर है चार्टर्ड अकाउंटेंट जी तो एचयूएफ फॉर्म करने के लिए तो इंस्टीट्यूट की परमिशन की आवश्यकता नहीं नहीं है बिल्कुल नहीं है अगर बिजनेस करता है हाँ। बिजनेस करता है तब है लेकिन अगर वो केवल शेयर जो कर लेकिन अगर वो शेयर परचेज कर रहा है हाँ। उसमें और केवल इन्वेस्टमेंट नहीं मैं बताऊं क्या है या इंस्टीट्यूट को इनकम टैक्स में कोई इंस्टीट्यूट को ये इशू है यदि आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है तो आप एज ए किसी भी चाहे वो आप करता है चाहे वो आप पार्टनर है चाहे वो डायरेक्टर आप बिजनेस इनकम नहीं ले सकते दिस इज द इशू फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहा हूँ यस यस चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीओपी होल्डर है उसकी एचयूएफ है जी एग्जांपल मेरी है और मैंने डीमैट अकाउंट खोला हुआ है मैं उसमें बिजनेस नहीं करता शेयर्स का लेकिन इन्वेस्टमेंट करता हूँ डिविडेंड आता है इंटरेस्ट आता है कभी कभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है लॉन्ग फ्यूचर ऑप्शन और ये जो चीजें हैं वो नहीं करते तो तब तो शायद परमिशन की आवश्यकता नहीं है कौन से आवश्यकता है नहीं नहीं तब परमिशन की जरूरत है परमिशन तब है जब आपकी बिजनेस हेड में इनकम आ रही है अदर देन बिजनेस हेड में इनकम आ रही है तो बिजनेस हेड में आ रही उसके लिए भी एक वे आउट कर सकते हैं कि आप चाहे तो कर्ता चेंज कर सकते हैं अपने आप को आप चाहें तो कर्ता खुद ना करके अपने किसी सन को भी कर्ता बना सकते हैं इट इज परमिटेबल आप अपनी बेटी को कर्ता बना सकते हैं आप अपने बेटे को कर्ता बना सकते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है इसके पास सीओपी नहीं है आप कर सकते हैं कोई इशू नहीं है या आप अपनी वाइफ को कर्ता बना सकते हैं समझ गए क्योंकि कोर्ट ऑफ एथिक्स ये कहता है आप नहीं कर सकते ऐसे कर्ता लेकिन मेरी वाइफ तो ऐसे कर्ता कर सकती है आप वाइफ को कर्ता बना लें नहीं नहीं मेरा प्रश्न दूसरा है कर्ता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीओपी होल्डर है वो कर्ता है एचयूएफ है पुरानी लेकिन वो शेयर ट्रांजेक्शन कर रहा है एज ए इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस तो वो तो कैपिटल गेन में आया बिजनेस हेड में नहीं आया ना इनकम जो भी बिल्कुल तो उस केस में आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना उसकी नो 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 तब कोई वायलेशन नहीं है ना कोड ऑफ एथिक्स का किसी भी तरह का कोई वायलेशन नहीं है अब बात आई थी इसमें मेंबर्स एंड कोपार्टनर्स जी कोपार्टनर्स जो भी उसके फैमिली मेंबर हैं दे आर co-partners and co-partners are member but member not co-partner मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं हूं ठीक है मेरे बच्चे हैं तो मेरे मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो बाय बर्थ जॉइंट प्रॉपर्टी पर राइट बन जाता तो बाय बर्थ किसका राइट हुआ मेरे बच्चों का अब मेरी जो वाइफ है वो co-partner नहीं है वो मेंबर है तो ये डिफरेंस है बेसिकली co-partner और मेंबर में आज की डेट में मेरी वाइफ चाहे के साथ मैं एचयूएफ में पार्टीशन करा दूं तो इसको राइट नहीं है क्योंकि वो मेंबर है लेकिन मेरे जाने के बाद में जो कोपार्टनर के राइट है वो मेरी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएंगे बेसिकली ये डिफरेंस है मेल कोपार्टनर और मेंबर्स में चलिए
अब एक आया सक्सेशन प्लानिंग में, आपने बताया टाइप वन, टाइप ए और टाइप टू बी जी, उसमें एक सीरीज है 1 2 3 जैसे भी है सिस्टम, तो माना एक फर्स्ट सीरीज पहले पॉइंट पे कोई नहीं है क्लेमेंट, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, तो वो सेकंड पे आके रुक जाएगा सक्सेशन या आगे बढ़ेगा? नहीं नहीं, पहले सेकंड के पास आगे रुक जाएगा, जिस पे जो मिल गया वहीं आगे रुक जाएगा, अगर फर्स्ट मिल गया तो मतलब, आगे फिर सेकंड थर्ड ओके ओके, मतलब अगर वो पहला कवर नहीं हो रहा है तब दूसरे पे पहुंचेंगे, तब दूसरे पे जाएंगे, दूसरा नहीं होगा जब तीसरे पे पहुंचेंगे, ये एक वाटरफॉल एक तरह से। यस यस ओके बिल्कुल। चलिए थैंक यू वेद जी, मेरे पास जो थे वो मैं आपसे क्वेश्चन कर लिए, थैंक यू वेरी मच। संदीप जी, नाउ योर टर्न, आपको भी कुछ क्वेश्चन करें। हाँ जी वेद जी, कई सारे क्वेश्चंस हैं। संदीप जी आप देख लीजिए क्वेश्चंस वगैरह जो आए हैं कोई भी। हाँ जी, हाँ जी, कई सारे आए सर। जी सर, तो पहला क्वेश्चन सुरेश कृष्णन जी का है, बट ये क्लियर नहीं है, इट्स अ सर टू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स नॉट। सुरेश जी ये क्वेश्चन अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन प्लीज रिपीट करें। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ सर, कृष्णमूर्ति जी ने भेजा है, इन द केस ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट इज इट पॉसिबल फॉर द सेटलर Also to be one of the trustee and beneficiary? Yes. देखो क्या होता है, इसमें तीन कैटेगरी होती है, एक सेटलर होता है, एक ट्रस्टी होता है, एक बेनिफिशियरी होता है। Correct. ट्रस्टी कैन बी ए सेटलर, ठीक है, ट्रस्टी कैन बी ए बेनिफिशियरी, बट सेटलर कैन नॉट बी ए बेनिफिशियरी। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन संजय शर्मा जी का है, वट इज द रेशियो ऑफ शेयर बिटवीन को पार्टनर, Can it be changed while formation of HUF? नहीं, HUF में क्या रहता है, जो भी प्रॉपर्टी बढ़ती है वो इक्वल शेयर बढ़ती है, ever, as per norms के हिसाब से। लेकिन यदि आप चाहें कि इनइक्वल करें तो बाद में एक एग्रीमेंट बन जाता है जिसमें रिलिंक्यूज डीड बोलते हैं, कि मैं अपने जैसे कोई बेटी है वो चाह रही है मैं अपने अपने भाई को दे दूं, तो वो रिलिंक्यूज डीड के हिसाब से अपना जो शेयर है वो दूसरे को दे सकती है, लेकिन एज पर लीगल इक्वल शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगंदा जी का, इन केस ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट इफ द बेनिफिशियरी इज माइनर एंड पेरेंट्स आर ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट? नहीं, जनरली जो एक्चुअली बेनिफिशियरी जो होते हैं वो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। तो अब आज की डेट में हम देखते हैं जैसे माइनर के ट्रस्ट बनते हैं, तो बेनिफिशियरी तो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। ट्रस्टी जो होते हैं वो ऐसे कस्टोडियन की तरह काम करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेनिफिशियरी माइनर है या मेजर है, हार्डली मैटर। बस अगर माइनर है तो उसका लीगल ऑफ कोर्ट जो है वो जब तक कोई भी डिसाइडेड नहीं होगा, वो जनरली गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद में फिर उसको अपना राइट मिल जाता है एज ए मेजर होने का। जी, सुरेश जी ने क्वेश्चन भेज दिया फिर से अमेंड करके, तो सुरेश जी का क्वेश्चन था कि इफ क्लास 1 और क्लास 2 और एग्नेट और कॉग्नेट रिलेटिव्स आर नॉट अवेलेबल then it goes to central government or state government? ये generally property का जो right होता है वो state government के right में होता है। और last question आ रहा है हर्ष अरोड़ा जी का, what will be the position of HUF in term of tax planning if the HUF is formed after the death of individual elder male member or for example grandparent in whose name property is registered and he did not write any will? देखिए क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होती है, जॉइंट प्रॉपर्टी जो होती है वो या तो HUF के नाम ट्रांसफर हो, या तो HUF के नाम होती है, जैसे शेयर भी हम देखते हैं HUF के नाम, या कर्ता के नाम से होती है। लेकिन क्या रहता है, यदि प्रॉपर्टी कर्ता के नाम से होती है उसमें लिखा जाता है मिस्टर ABC कर्ता ऑफ ABC HUF, केवल ऐसा नहीं है केवल ABC लिख दे, मिस्टर ए कर्ता ऑफ ABC HUF ये लिखा जाता है हमेशा डॉक्यूमेंट, और पैसा जो दिया जाता है वो HUF से दिया जाता है। यदि दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सपोज हमने लिख दिया कर्ता का नाम लिख दिया मिस्टर ए और पैसा हमने HUF से दे दिया, तो इस केस में भी प्रॉपर्टी HUF की मानी जाएगी। तो बेटर ये है कि क्या होता है, अब हम देखते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें पैन नंबर जाता है, अब क्वेश्चन आएगा कि पैन नंबर किसका जाएगा, कर्ता का जाएगा या HUF का जाएगा। यदि आपने इंडिविजुअल नाम लिख दिया और उसके आगे कर्ता नहीं लिखा तो वो कहेगा पेन नंबर इंडिविजुअल का दो, तो वो इंडिविजुअल में आ जाएगी, फिर इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप क्या लिखते हैं कि मिस्टर ए कर्ता ऑफ HUF और पेन नंबर HUF का देते हैं। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर आपका म्यूट है। हाँ जी चलिए, ये चैट में भी है, व्हाट विल हैपन इफ द बेनिफिशियरी इज माइनर, उसके लिए तो क्लियर बोल ही दिया कि उसमें गार्जियन जो भी होगा या ट्रस्टी होगा वो उसका ध्यान रखेगा। राइट, एंड व्हाट इज इनकम टैक्स प्रोविजन ऑन फैमिली सेटलमेंट? नहीं, फैमिली सेटलमेंट किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता, नो कैपिटल गेन, नो स्टाम्प ड्यूटी, नथिंग एल्स। वो सेक्शन 247 तो जिस बंदे के पास जो प्रॉपर्टी आ गई फैमिली सेटलमेंट के बाद में, तो वो उसका ओनर हो गया, लीगल ओनर हो गया, लीगल ओनर, उसके बाद से जो इनको उसकी टैक्स क्या होता है, जैसे कुछ चीजें होती हैं जहां हम पास्ट ओनर की देखते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह देखते हैं ना, वो सेम प्रोविजन लागू। ओके सर, एक क्वेश्चन आ रही है, एक और प्रश्न है कि ये जो HUF फॉर्म हो गई और वहां से जो कुछ खर्चे वो जो फैमिली में कर रहा है, चाहे वो फैमिली की ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब जी बच्चे की शादी में उसने कुछ खर्चा कर दिया, कुछ ज्वेलरी खरीद ली, कुछ ये कर दिया, तो वो कर सकता है? करता है या नहीं कर सकता है? विद द परमिशन टू ऑल मेंबर्स। तो क्या होता है, जैसे कि मैं किसी अच्छी फैमिली का मेंबर हूँ, को-पार्टनर हूँ, मेरा राइट 25% का, सब वो चार मेंबर है उसमें, तो मैं कर्ता को बोल तो सकता हूँ, भाई आपने मेरा पैसा क्यों दे दिया, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि पैसा तो मेरा राइट है जब पार्टीशन होगा उसमें। फिर क्या करते हैं, विद द परमिशन टू ऑल मेंबर आप फिर पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो उस फाइल में वो परमिशन लेके रखनी चाहिए, इसका मतलब? नहीं, ले लेना चाहिए। देखो क्या होता है, वैसे तो देखो जैसे डॉटर की शादी हो रही है तो भाई तो चाहेगा भी डॉटर की शादी हो, तो लिटिगेशन ना हो इसके लिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो HUF है, फैमिली है, तो कोई बात नहीं है, बात लीगल वाली बात कर रहा हूँ। लीगल वाली बात ये है कि एक रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं जिसमें चारों को साइन, जो भी फैमिली मेंबर है साइन हो, सभी मेंबर साइन कर दें। यस। अच्छा, अब ऑर्डिनरी कोर्स में जैसे कि भाई हम घर के खर्चे के लिए माना 10,000 रुपया या उससे वहां से निकालते हैं, या वहां से बिजली का बिल दे देते हैं, या वहां से ग्रोसरी का पेमेंट कर देते हैं, तो इट कैन बी विदाउट परमिशन और शुड टेक परमिशन? उसके लिए बस नहीं, दो परमिशन तो जहां आप किसी दूसरे का शेयर खर्च कर, क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हो वो कर्ता कर रहा है, तो लीगल लायबिलिटी कर्ता की बन जाती है, तो बेटर वो है कि एक रेजोल्यूशन पास करके रखते हैं, वो हमेशा के लिए काम आएगा। ओके, हर साल आपको पास करने की जरूरत नहीं है। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच संदीप। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब HUF का पार्टीशन होता है तो प्रॉपर्टी जो आती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आती है, पार्टीशन के बाद वो डिपेंड करता है कि आप यदि चाहे मैं हॉचपॉच करके HUF में कर दूं, स्मॉलर HUF में आप कर सकते हो, लेकिन आता वो है जो आपके यहाँ से। सर ये सुरेश कृष्णन जी की है क्वेरी, relinquishment deed is not valid when we take from female members, please comment। नहीं, family member तो को मैं starting में जैसे मैंने बताया था, जैसे family settlement तो relinquishment deed की जरूरत है ही नहीं। relinquishment deed की तब जरूरत है जब आपका HUF की property transfer हो रही हो, और उसमें वैसे तो equal share मिलना चाहिए, लेकिन आप चाह रहे हो भाई ठीक है किसी को ज्यादा मिल जाए, किसी को सब मिल जाए, सबकी अपनी सहमति से, तो उस रेट में आप relinquishment deed बना सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सर, है ना, बहुत ही पेशेंटफुली आपने एक तो प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेंट एज वेल, कि पार्टिसिपेंट ने भी बहुत ही अच्छे अच्छी क्वेरीज की, अपार्ट फ्रॉम दैट डीडीजी ने भी बहुत अच्छी इनसे परमिशन ग्रांट करा लो, ये जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी इनकी, इट कैन बी सर्कुलेटेड। अरे बिल्कुल, आपकी प्रॉपर्टी मैं भेज देता हूं आपको, दोनों भेज देता हूं अभी, परमिशन लेनी जरूरी है सर, आपका कॉपीराइट है। थैंक यू सर। संदीप प्लीज कैरी ऑन आगे। थैंक यू जी, वीर जी थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा, इट वाज नाइस वंडरफुल, और जिस सिंपल वर्ड्स में आपने इस पूरे HUF की को समझाया है, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा सुन के, आई वाज थ्रू आउट द सेशन, मैं यहीं पे था,
और अच्छा लगा सुन के, और साथ ही साथ जो निटिग्रिटी है बात, काफी एक ओल्ड तरीका है वेल्थ प्लानिंग का। आई मस्ट नॉट से कि इट्स अ टैक्स प्लानिंग वे, बट वेल्थ प्लानिंग का बहुत ही अच्छा तरीका है और सक्सेशन प्लानिंग का, जो कि एक्चुअली आज के डेट में रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच वेद जी। संदीप सर बिल्कुल यूनिक सर, वे सर थैंक यू सो मच, बहुत ही यूनिक नॉलेज थी, थैंक यू सो मच, बहुत सारी चीज सीखने को मिली। चलिए जी धन्यवाद। सर नमस्कार। नहीं मैं आपका भी डेलीवरेशन सुनूंगा, जरा मुझे अनबुक कर दें फिर। सर ये तो मेरा ये तो मेरा लक है कि आप मेरा सुपरविजन करें, कहीं मैं गलत ना हूं, क्योंकि मैंने तो आपसे ही सीखा है सारा। सर इट्स माय प्लेजर। ठीक है थैंक यू। अब तो मुझे कोई डर ही नहीं है, आप बैठे हैं तो फिर तो कुछ भी बोलो। ठीक है थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट संजय गुप्ता जी, सर आप प्लीज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिकॉज आपके आपके पास बहुत सारा कुछ सामान होता है सुनाने को, लास्ट में हमेशा बच जाता है, हम हर बार सेमिनार में मिस करते हैं। आई वांट टेक मच टाइम, आई रिक्वेस्ट कि सर प्लीज डिलीवरेट करें अपने सेशन को, वी आर वेरी ईगर टू लिसन टू यू सर। सर प्लीज। थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा संजय जी के बारे में बोल दूं थोड़े। जी जी संजय जी की जो एनर्जी है ना, इट इज वंडरफुल। हमने लाइव जब इन्होंने ये जब डेलिब्रेशन देते हैं तो देखा है इनको, और आज बहुत बात इनके दर्शन हो रहे हैं, हमें कोरोना के चक्कर में दर्शन नहीं हो पाए, तो इनका नॉलेज वंडरफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इनका ये हम्बल है कि वो कह रहे हैं वेद जी को कि भाई आप मेरे को जरा देखते रहना, कहीं गाइड कर देना कुछ गलत बोल लूं तो, लेकिन ऐसा नहीं है। संजय जी इज ए वंडरफुल स्पीकर ऑन दी एनजीओस ट्रस्ट फेमा एंड जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जैसे वेद मित्तल जी का था। तो संजय जी इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, और थैंक यू, शुरू करें। और ये बड़ा फायदा है कोरोना के दौरान कि हमारा जो 3 घंटे का सेमिनार है वो 3 घंटे से ज्यादा ही चलता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, और पार्टीज में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, बड़ा अच्छा हमारे इनपुट मिलता है। जो डिलीवरी होती है वो बहुत अच्छी होती है मेंबर्स के लिए, और मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज डोंट हेजिटेट टू मार्क टू रेज एनी क्वेश्चन, हमारे ये दोनों स्पीकर हमारे अपने हैं। बिल्कुल, तो वेलकम संजय जी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अग्रवाल सर और संदीप जी। और आज तो मेरा मतलब जितने मैंने सेशन लिए लास्ट 1 मंथ में, कम से कम ये 4th है जो मैं सीए के पैनल पे मतलब बोलने का मुझे मौका मिला, और टुडे इज ए यूनिक डे फॉर मी, क्योंकि मेरे जो वेद मित्तल जी हैं वो सामने बैठे हुए हैं, तो मेरी लर्निंग में भी इंक्रीज होगा और कॉन्फिडेंस में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मुझे चेक करने के लिए वो बैठे हुए हैं। और स्पेशल थैंक्स मेरे पार्टिसिपेंट जो आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं तो आपको नहीं देख पा रहा, और जिन्होंने मेरा सेमिनार इससे पहले करा होगा, ज्वाइन करा होगा, क्योंकि इस दिल्ली सर्कल में तो सर मुझे कितने चांस दे चुके। मैं तो कहता हूँ मुझे बोलने का जो तरीका सिखाया वो डीडी अग्रवाल जी ने सिखाया, सारा क्रेडिट ही नहीं का है। जब मैंने 2001 में, मैंने पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, 2001 में जब मैंने सीए की थी तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी थी वो सर ने दी थी मुझे पैनल पे, और तभी से मतलब इनका आशीर्वाद और इनका जो प्यार है वो मिलता रहता है और मुझे लर्निंग मिलती रहती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मुझे पता है आप जितने भी पार्टिसिपेंट 60 पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका बहुत वैल्यूएबल टाइम है, 1 मिनट अगर मैं वेस्ट करूंगा तो 60 मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो बहुत वैल्यूएबल टाइम आपका बेकार होगा। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और पीपीटी को जैसे आप जानते हैं कि मेरा तो जो लेक्चर होगा वो पीपीटी बेस्ड होगा। आई थिंक सर आप पीपीटी ओपन जस्ट ए मिनट शेयर। सर आप देख पा रहे हैं पीपीटी आ गई? संदीप हाँ जी आ रही है सर। आ रही है सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अगेन गुड इवनिंग, और सब जो बैठे मैंने जिनका भी थैंक्स कहा, आपका स्पेशल थैंक्स है, आप लोगों की वजह से मेरी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है। आप क्वेश्चन पूछते हैं और आपके क्वेश्चन में हर सेमिनार में बताता हूँ, आपके क्वेश्चन ही मेरी असेट्स हैं, है ना। तो मैं उम्मीद भी करूंगा कि इस सेशन के बाद आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मेरी नॉलेज में भी इंक्रीज हो, मुझे भी कुछ फायदा मिले, इस उम्मीद के साथ मैं ये स्टार्टिंग करूंगा। और दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि आज का जो टॉपिक है मेरा, एनजीओ की जब भी हम वर्किंग करते हैं, जब भी हम सेमिनार लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं एनजीओ में। कोई कहता है, पहले स्टार्टिंग में मैंने सुना था, जब पहले मैं वर्कशॉप करता था या सेमिनार्स पे मुझे बुलाया जाता था कि सर एनजीओ में है क्या, सेक्शन 11 12 और 13 ही तो है, इससे ज्यादा और एनजीओ में है क्या? सर कैन यू बिलीव, मैं 3 दिन भी अगर लगातार एनजीओ पे बोलूंगा ना तो भी कम पड़ जाएगा। और प्रोफेशनली इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है एनजीओ में, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप मन से इसमें करें और
आप मेरा कभी मौका मिले तो पूरा सेशन जो फॉर्मेशन टू फंडिंग का है, फुल डे का जो होता है, कभी किसी को मौका मिले तो तब सुनना, तब आपको पता लगेगा कि एज ए सीए कितनी सारी इसमें अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों जब भी मैं अपनी ये वर्कशॉप के बारे में या जो भी सेमिनार्स तो दो घंटे का हम सेशन साथ साथ ले रहे हैं, पूरी एनजीओ की वर्किंग को मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ, फिर उसमें से सिलेक्ट करूंगा कि आपको दो घंटे में मुझे क्या देना है। और मेरा पर्पस हमेशा वो वाला रहेगा कि जो मैं आपको प्रैक्टिकल शेयर करूं। थ्योरेटिकल तो आप नेट पे भी जा सकते हैं, आप अच्छी तरह से रीड भी कर सकते हैं, बुक्स में भी जा सकते हैं, सेक्शन पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने लिया, जो प्रॉब्लम्स मुझे आई, वो आप लोगों को शेयर करो, सो दैट आप उसे टैकल कर सके, क्लाइंट के सामने टैकल कर सके और आपको यूनिक चीज मिल सके। तो दोस्तों इसी कड़ी में दो तरह के मैंने एनजीओ में वर्किंग डिवाइड करी हुई है। एक करी हुई है टैक्सेबिलिटी ऑफ एनजीओ, नंबर एक इनकम टैक्स जैसे टैक्स जीएसटी के प्रोविजन, जीएसटी के जो क्वेरीज आती हैं, और इनकम अंडर सेक्शन 115 टीडी जो एक आजकल यूनिक है और बड़ा टिपिकल सेक्शन है, एक पार्ट ये वाला टैक्सेबल वाला जहाँ पे आप और सेमिनार्स वर्कशॉप करते रहते हैं, काफी सारे स्पीकर्स उस पर बोलते हैं, वहां से आप लर्निंग ले सकते हैं, सेल्फ भी ले सकते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन एंड अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दी एनजीओ। सबसे जो मेजर है वो ये वाला पार्ट होता है, वो इतना पार्ट नहीं है, वो तो सेक्शन 11, 12, 13 में इसमें कवर हो जाता है, लेकिन जो वाइड अपॉर्चुनिटीज है और वाइड जो वर्किंग है वो इस वाले पार्ट में आती है। आपको पता होगा काफी, क्योंकि आजकल तो एनजीओ की काफी वर्कशॉप सेमिनार्स होने लगी हैं, काफी टॉपिक आप फैमिलियर हो गए हैं। जब हम स्टार्टिंग में ये करते थे तब तो फैमिलियर ही नहीं था, पता ही नहीं था कि इसकी वर्किंग करनी कैसे होती है। तो दोस्तों दूसरा पार्ट हमारा है इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन एंड अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। 12A का रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है, 12A एंड इट इज द बैकबोन ऑफ द एनजीओ, है ना। FCRA का रजिस्ट्रेशन हुआ, एनजीओ दर्पण का हुआ, 17B का हुआ, नेशनल ट्रस्ट एक्ट का हुआ, ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स कि आपने अभी सुने भी नहीं होंगे शायद, मुझे मतलब ऐसा फील होता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ठीक है। इंटरनेशनल एक्टिविटीज ऑफ एनजीओ, आजकल क्योंकि एनजीओ जो है इंडिया की बाहर भी वर्किंग कर रही है, बाहर की एनजीओ इंडिया में वर्किंग कर रही है, तो इंटरनेशनल एक्टिविटी ऑफ एनजीओ का एक छोटा सा टॉपिक अलग बन जाता है। मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो FCRA में इसे कवर करूंगा, अगर टाइम बचेगा तो क्या फॉर्मेलिटीज है। प्रैक्टिकल बेस है, सारा प्रैक्टिकल बेस है सर, कोई भी मतलब थ्योरेटिकल बेस आप बुक्स में नहीं निकाल पाएंगे, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल बेस इसमें बताऊं। सर जो टुडे टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम करेंगे क्या, क्योंकि करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं ना। तो पहला तो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ एनजीओ। सर ये डन, आपको जैसे आपने ये टॉपिक देखा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ एनजीओ, इसमें ना आपको लगेगा इसमें क्या है, इसमें तो बड़ी छोटी सी चीज है। नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके एक एक मिनट की मैं वैल्यू रखूंगा। इसमें मैंने आपके लिए नॉर्मली क्या होता है, जब मैं दिल्ली स्टडी सर्कल में तीन चार बार दे चुका, तो पहला ना एक बेसिक चीज होती है एनजीओ होती क्या है और एनजीओ की कैटेगरी क्या होती है, और मुझे आगे का जब टॉपिक लेना होता है तो एक डेढ़ घंटा दो घंटे उसी में निकल जाते हैं और बार बार वही रिपीटेशन हो जाता है। आज मैं वो वाली चीज रिपीट नहीं करूंगा, आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगा इसमें भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ एनजीओ में बीइंग ए प्रोफेशनल आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, समझ रहे। तो पहला ये वाला पार्ट लेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हम रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA लेंगे जो बहुत रेयर है और काफी मतलब मैंने सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करी है कि आप लोगों को इसमें समझाऊं और जो रेलिवेंट इश्यू है उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूं। तो दोस्तों हमारा टारगेट दो होगा, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड कंसेप्ट ऑफ एनजीओ और दूसरा होगा रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA एक्ट। और अगर टाइम बचा तो मैंने आगे PPT में और 17(1) का जो बिल्कुल यूनिक है, जो आपने 17(1) का जो रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल्स के लिए होता है, नीति आयोग का जो रजिस्ट्रेशन है उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो मैंने आपको आगे स्लाइड्स में रखे हुए हैं, टाइम बचेगा तो रखेंगे, अदरवाइज इसी टॉपिक पे हम यहाँ तक हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनजीओ दोस्तों, ये मैं एक बार नहीं हर कितने पैनल पे बता चुका हूँ, सॉरी मैं कितने पैनल पे ये बता चुका हूँ कि एनजीओ का मीनिंग, और हर व्यक्ति हर प्रोफेशनल जो है जो पार्टिसिपेंट है वो फैमिलियर भी होंगे। नॉर्मली एनजीओ का कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, मैं थोड़ा सा तो बेस दूंगा, मैं आपको थोड़ा सा बेस दूंगा, फिर उसके बाद मैं वो वाली चीज बताऊंगा जो मैंने आपको आज तक नहीं बताई इस टॉपिक में, कंसेप्ट ऑफ एनजीओ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दी एनजीओ। तो दोस्तों एनजीओ में नॉर्मली कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी कि एनजीओ होती क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। लेकिन जब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो सिंपल हम एक व्यू से समझते हैं कि अगर हम कोई लीगल, ये तो आपको पता ही है ना कि एनजीओ सोशल एक्टिविटी के लिए काम करती हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। अभी COVID-19 की प्रॉब्लम आई तो नीति आयोग में जो रजिस्टर्ड थी एनजीओ उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लेटर आए थे, अगर आपके किसी क्लाइंट के पास आया, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने SDM ऑफिस पे जाओ और हमारी हेल्प करो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, है ना। तो एनजीओ का जो काम होगा दोस्तों वो एक सोशल डेवलपमेंट होगा, उसमें कोई भी एक्टिविटी जो आप सोशल डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करेंगे, प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे, वो सारी एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी में आती है।
गवर्नमेंट को ये पता है कि भाई ये जो एनजीओ होती है वो सोशल एक्टिविटी के लिए होती है, देश के डेवलपमेंट के लिए होती है, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम आपको काफी स्कीमें फंड प्रोवाइड कराएंगे, आप हमारे साथ मिलकर काम करो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी सोशल डेवलपमेंट है और एनजीओ का ऑब्जेक्टिव भी सोशल डेवलपमेंट है, हम आपको कुछ फंड देंगे, पैसा देंगे, हमारे साथ मिलकर आप काम करो। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि लाओ जी, हम सपोज करो मैं इंडिविजुअल हूँ और मैंने कहा कि लाइए मुझे पैसे दीजिए, मैं आपके लिए सोशल वर्क कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम बताएंगे हम केवल एनजीओ को पैसे देंगे। हमने कहा ये एनजीओ क्या होती है, गवर्नमेंट ने कहा हम बताएंगे कि एनजीओ की कैटेगरी कौन कौन सी है और एनजीओ के क्या रूल रेगुलेशन है डिफरेंट एक्ट में, कि आप एनजीओ की डेफिनेशन में है, हमारी नजर में आप एनजीओ हो और फिर हम आपके साथ मिलकर काम करें। हमने कहा ठीक है। तो एज ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि एनजीओ क्या है, सोशल वर्क को अगर सिस्टमेटिकल वे और लीगल वे में करेंगे तो वो हमारा एनजीओ है, सिस्टमेटिकल वे में और लीगल वे में करेंगे। क्यों, इसकी डेफिनेशन क्लियर करने की क्यों जरूरत है फ्रेंड्स, इसलिए डेफिनेशन की क्लियर, इसका कंसेप्ट इसलिए क्लियर करने की जरूरत है कि अगर आप डेफिनेशन एनजीओ की डेफिनेशन में नहीं है और सपोज करो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है और वो एनजीओ के लिए है और आप एनजीओ की कैटेगरी में नहीं है तो उस स्कीम के लिए आप एलिजिबल होंगे नहीं। कितना कंफ्यूजन मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कितना कंफ्यूजन देखा, लोग ये सोचते हैं कि हम एनजीओ रन कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट भी लगा देते हैं, उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। कितने है? एक नहीं, पता नहीं कितने केस देखे हैं। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, बीइंग ए कंसल्टेंट, हमें ये बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ एनजीओ क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनजीओ की कैटेगरी में आ सकता है। ये मैंने पहले भी सेमिनार में कितनी बार रिवाइज करा है, कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे होंगे जिन्होंने सेम चीज सुनी होगी, उन्हें याद आया होगा इस चीज का, लेकिन मैंने भी यहाँ पे मिनिमम वर्ड ये वो लिए हैं जो आपको बताने के लिए जरूरत है। तो दोस्तों किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम एनजीओ कहें या ना कहें उस वो डिपेंड करता है कि वो कैटेगरी कौन सी है, एनजीओ की कैटेगरी कौन सी है और इसे हमने जो इसके रूल रेगुलेशन बनाए हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि एनजीओ में आते हैं या नहीं आते। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनजीओ की डेफिनेशन में आने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत है। सपोज करो मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उन्होंने कहा कि जी मुझे ये काम करना है। मैंने कहा क्या काम करना है, उन्होंने कहा हेल्थ से रिलेटेड काम करना है। मैंने कहा ठीक है, अब हेल्थ से रिलेटेड काम तो दोनों हो सकते हैं, मैं कॉमर्शियल एंटिटी में भी कर सकता हूँ, कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप में भी कर सकता हूँ और सोशल एंटरप्रेन्योर में भी कर सकता हूँ, दोनों में हेल्थ से रिलेटेड वर्क कर सकता हूँ, COVID-19 की प्रॉब्लम चल रही है। अब मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताओ आप कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हो या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहे हो, दो तरह का एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ने डिफाइन करा है। तो कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप जब हम गवर्नमेंट को लिख के देते हैं कि भाई सिंपल है हमारा मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो एनजीओ वाला पार्ट है उसमें हम ये लिख के देंगे कि हमारा मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो अब क्लाइंट से मैंने ये पूछा कि भाई आप बताओ कि कौन से में कराना चाह रहे हैं, वो पूछेगा मेरे से कि भाई मुझे तो सोशल वर्क करना है, ठीक है गवर्नमेंट के साथ हम वर्किंग करेंगे, अब हम कह रहे हैं मुझे प्रॉफिट मोटिव के लिए करना है तो कमर्शियल एंटिटी में हम काम करेंगे। लेकिन ये जानने के लिए कि उसका ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में आएगा या नहीं आएगा, वो दो मेन कंडीशन कौन सी है जिससे वो क्वालिफाई कर जाता है कि उसकी वर्किंग एनजीओ में चल रही है, एनजीओ में वर्किंग करेगा और एनजीओ की डेफिनेशन में वो कवर हो सकता है। पहले वो क्वालिफाई करे अपनी एक्टिविटी को कि एनजीओ की एक्टिविटीज है और फिर उसके बाद लीगल एंटिटी में कन्वर्ट करें, आइदर सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी में, तब वो एक एनजीओ का फॉर्मेशन कंप्लीट माना जाता है। तो दोस्तों एनजीओ में वो दो चीजें कौन सी हैं कि जिससे क्वालिफाई करके वो एनजीओ को आइडेंटिफाई होता है, तो एक तो है सर प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए और मैं इसे थोड़ा सा जल्दी इसलिए ले रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज आपको पता होगी, ये चीज आपको आती होगी, है ना। तो एक तो पर्पज है कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा है पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर आपकी एक्टिविटी में है तो आप एनजीओ की एक्टिविटी कर सकते हैं, एनजीओ की डेफिनेशन में आ सकते हैं। सर प्रॉफिट मोटिव का क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट मोटिव हमारा नहीं है, एक्चुअल में प्रॉफिट आ जाए तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे एनजीओ में चलते हैं, आइदर सोसाइटी, आइदर ट्रस्ट, आइदर सेक्शन 8 कंपनी, सारे के सारे जितने भी फिफ्थ क्लास के, 8th के, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, टेक्निकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, सारे के सारे वो एनजीओ में चलते हैं और हमें ये लिख के देना पड़ता है बाय वे ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन एट कंपनी और सोसाइटी, ये बाय वे ऑफ, ये मतलब सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन एट कंपनी की, ये जो है हमारे प्रॉफिट मोटिव नहीं है हमारा। फ्रेंड्स बस एक मिनट, मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, बार बार कॉल आ गया ना उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज एक मिनट बस। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि जो दो मेन फीचर्स हैं एनजीओ की एक्टिविटी को क्वालिफाई करने के लिए, एक तो हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए
और दूसरा पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए। अब पब्लिक एट लार्ज क्या है, ये डिसाइडेड केस के ऊपर बात है कि हमें ये पब्लिक एट लार्ज में कवर है या नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सेंस में आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी स्पेसिफाइड चीज को एक्सप्लेन ना करें, हमने कहा ये काम 100 लोगों के लिए होगा, ठीक है, या पब्लिक के लिए होगा, उसमें कोई भी व्यक्ति इंक्लूड है, तो पब्लिक एट लार्ज को जो हमें डिफाइन करना है, जो इसका पब्लिक एट लार्ज का मीनिंग समझना है, वो लीगली क्या समझना है, मतलब बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिसीजन कि वो उसका कंसेप्ट पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए, यूज जो होना चाहिए वो पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी में ये दो चीजें कवर होती हैं तो आप एनजीओ को फॉर्म कर सकते हैं, एनजीओ को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसमें मेन दो चीजें आती हैं। एक बार क्वालिफाई होने के बाद फिर हमारे पास तीन तरह की लीगल एंटिटी आती हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी एनजीओ को बनाने के लिए आपके पास एक तो प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए, ये दो कंडीशन आपकी जरूरी है। तो मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि मार्केट एसोसिएशन जो होती हैं, क्या वो एनजीओ की कैटेगरी में आ सकती हैं? ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट एसोसिएशन क्या एनजीओ की कैटेगरी में आ सकती है। तो दोस्तों, मार्केट एसोसिएशन में प्रॉफिट मोटिव तो नहीं होता, क्योंकि जो मार्केट एसोसिएशन होती है उसमें मार्केट में जो शॉप्स होती है उनसे मेंबरशिप ली जाती है और उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम होता है, लेकिन वो पब्लिक एट लार्ज नहीं है। तो पब्लिक एट लार्ज है तो वो एनजीओ की कैटेगरी में नहीं आएंगी। RWA, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, वो एनजीओ की कैटेगरी में नहीं आएंगी, म्यूचुअलिटी के कंसेप्ट में आएंगी वो। क्यों? RWA में भी क्या होता है, जितनी भी फैमिली एक सोसाइटी में रहती है उनसे पैसा इकट्ठा किया जाता है और उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए उसे यूज कर दिया जाता है, यानी कि मेंबरों के बेनिफिट के लिए ही यूज हो रहा है, तो ये उसमें एनजीओ की डेफिनेशन में नहीं आनी चाहिए। क्लब्स, जितने भी क्लब्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी एनजीओ की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि वो जो क्लब्स है वो मेंबरों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, पब्लिक के लिए काम नहीं करे, जो मेंबर बनेगा उसे ही हम ये फैसिलिटीज देंगे, तो क्लब भी हमारी एनजीओ की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे भी काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी एनजीओ की कैटेगरी में आएगी नहीं आएगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों आप जानते ही होंगे, जैसे अमूल है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें मेंबर वर्क करते हैं और कुछ भी मेंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो तो है ही प्रॉफिट मोटिव के लिए और मेंबरों के बेनिफिट के लिए, तो वो भी हमारी एनजीओ की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, नहीं आती है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, कुछ एग्जांपल देके कि हमारी एनजीओ की कैटेगरी में कौन सी एक्टिविटी आती है। तो अब हम उसमें एनजीओ में कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? सर अनलिमिटेड एक्टिविटी कर सकते हैं, बस कंडीशन दो है कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए, नंबर एक, और नंबर पब्लिक एट लार्ज होना चाहिए। तो जैसे ही ये दो चीज होंगी हमारी क्वालिफाई हो जाता है कि हम एनजीओ की वर्किंग करते हैं। दोस्तों, जब भी हम एनजीओ की वर्किंग करेंगे ना, एनजीओ की प्रैक्टिस करेंगे, मैं वर्किंग नहीं कह रहा, प्रैक्टिस, क्योंकि सारे सीए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो हैं, तो सर ये मैं बार बार हर सेमिनार में बताता हूँ कि ये मैंने एक स्लाइड्स अपने पार्ट पे बनाई हुई है, अपने प्रैक्टिकल बेस एक्सपीरियंस के बेस पे बनाई हुई है, फॉर्मेशन टू फंडिंग। जब भी एक एनजीओ का जो फाइनल टारगेट होता है वो मैक्सिमम फंडिंग लेके और लोगों की सेवा करना होता है, मैक्सिमम फंडिंग आए और लोगों के लिए वो यूज हो, डेवलपमेंट के लिए यूज हो। लेकिन इस फंडिंग तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर प्रोसीजर है, वो मैंने उसे नाम दिया हुआ है फॉर्मेशन टू फंडिंग ऑफ एनजीओस। तो जब मैं कहता हूँ कि भाई आप एनजीओ पे तीन दिन भी मेरे से बुलवाओगे, तो उसमें ये सारी स्लाइड्स कवर करता हूँ। क्या चीज है दोस्तों? सबसे पहले है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? सर एनजीओ का फॉर्मेशन। एनजीओ मतलब क्या? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट के मोटिव नहीं है, पब्लिक एट लार्ज है, उसकी लीगल तीन एंटिटी है, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 25, सेक्शन 8 कंपनी आप समझ ही गए होंगे। तो इनका फॉर्मेशन, अब आपको पता क्या होता है, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको पता होगा कि मैं ना हर स्टेट में सेमिनार देता हूँ, हर स्टेट में सेमिनार, महाराष्ट्र में, यूपी में, मेरा मतलब ये लॉकडाउन से पहले मेरा हर महीने एक स्टेट में सेमिनार जरूर होता था। उसका पर्पस क्या था कि मुझे उस स्टेट के लोग पता लगते थे और मेरा जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो इंक्रीज होता था और मुझे मतलब उसे उस चीज को मैं कंटिन्यू कर रहा था। दोस्तों, फॉर्मेशन में मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा कि फॉर्मेशन के टाइम में इतनी सारी गलतियां होती हैं कि आप जब फंडिंग के लिए, क्योंकि फंडिंग के लिए नॉर्मली 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप CSR में देखेंगे तो भी 3 साल की एक रिकमेंडेशन होती है कि भाई 3 साल वाली सोसाइटी को आप दें। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की देखेंगे तो सारी स्कीम में, मोस्टली क्या, सारी स्कीम में ये होता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो। स्टेट गवर्नमेंट की देखें तो भी उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब नॉर्मली 90% मेरे सामने कैसे केस आते हैं कि फॉर्मेशन में इतनी मिस्टेक होती है, क्यों? जो पहले जो फॉर्मेशन होता था ना, जब ये एनजीओ का जो एरिया था वो प्रोफेशनलिज्म नहीं था उसमें, तो लोग क्या करते थे, इनकॉर्पोरेट जितने भी कॉलेजेस बने हुए हैं, पुराने कॉलेज स्कूल बने हुए हैं, तो इनके फॉर्मेशन में कट कॉपी पेस्ट चलता था, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन नहीं आते थे, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आती थी, फंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती थी, FCRA रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, 1280G में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब आप फॉर्मेशन करेंगे तो फॉर्मेशन अपने आप में ही इतना टेक्निकल है
कि एक एक पॉइंट आपको ये प्रैक्टिकल बेस है सारा कि भाई एक कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे आप ट्रस्ट फॉर्म करें, सोसाइटी फॉर्म करें और सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करें। आज से पहले जितने भी मैंने NIRC में या इस डेली स्टडी सर्कल में सेमिनार दी तो पहला पार्ट लेता था मैं, और नॉर्मली जब भी हम क्लाइंट को एडवाइस करेंगे कि भाई हम वो NGO बनाना चाह रहा है तो कैसे बनाए, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, ट्रस्ट क्या होती है, ट्रस्ट की सिचुएशन क्या होती है, किस सिचुएशन में ट्रस्ट बनती है, इसके मेरिट क्या है, इसके डीमेरिट क्या है, सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के मेरिट डीमेरिट क्या है और ये किस सिचुएशन में बनती है, सेक्शन 8 कंपनी के मेरिट डीमेरिट क्या है, ये किस सिचुएशन में बनती है, इसका एनालिसिस करके हमें एडवाइस देनी है। तो लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ये पता लगा मोस्टली कंसल्टेंट ने सेक्शन 8 कंपनी को एडवाइस किया है। तो हमें इन तीनों को जब हम फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन के टाइम इन तीनों को जरूर पता रहना चाहिए और डेप्थ में पता रहना चाहिए बीइंग ए प्रोफेशनल। अगर इससे पहले मैंने कभी इतना जोर नहीं दिया, मैं इस चीज को क्यों जोर दे रहा हूँ दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस में ये चीज देखते हैं ना, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ये पता लगा कि लोग मतलब ये भी नहीं पता होता कि जब हम ट्रस्ट फॉर्म करेंगे तो कौन से एक्ट अप्लीकेबल होंगे, सोसाइटी फॉर्म करेंगे तो कौन से एक्ट अप्लीकेबल होंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैंने आज यही चेंजेस लेके आया हूँ आपके लिए कि कुछ डिफरेंट, मैं आज इन तीनों के फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा जो नॉर्मली मैं इतनी सारी सेमिनार में बता चुका, आज मैं आपको इसका लीगलाइजेशन बताऊंगा कि इनकी लीगलाइजेशन कौन से एक्ट अप्लीकेबल होंगे, कौन से एक्ट में हमें रेफरेंस लेना पड़ सकता है जब हम ये NGO का फॉर्मेशन करेंगे। तो फॉर्मेशन पार्ट बता रहा हूं मैं केवल आपको, जब आपका फॉर्मेशन परफेक्ट हो गया ठीक है, उसके बाद हम गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, जो लीगल कंप्लायंसेज एंड रजिस्ट्रेशन आप PPT में देख रहे होंगे, ये दो तरह से होते हैं दोस्तों, एक होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। ऑप्शनल का मतलब है आप लेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं लेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा है कंपलसरी, आप अगर लेंगे तो ही आपको फंडिंग मिलेगी, क्यों, हर NGO का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें फंडिंग मिले, और फंडिंग मिले तो हम काम करें भाई। कमर्शियल में तो क्या होता है, हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, हमने सोशल एक्टिविटी के लिए करा हुआ है, और सोशल एक्टिविटी जब होगी, जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होगी, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होगी, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो इसके लिए हमारे पास जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं वो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, उसमें दो भागों में डिवाइड करा हुआ है, ऑप्शनल और कंपलसरी। ऑप्शनल का मतलब मैंने बता दिया है कि भाई 12A, अच्छा 12A का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऑप्शनल है, सर ऑप्शनल है, जरूरी कोई ना लेना, आप टैक्स दे दीजिए, लोगे तो बेनिफिट है, नहीं लोगे। लेकिन नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन आपने सुना होगा, NGO दर्पण का रजिस्ट्रेशन हर NGO के लिए कंपलसरी है, अगर वो फंड लेना चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड लेना चाह रही है, तो हर NGO को नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसकी भी मैंने PPT लगाई हुई है, टाइम बचेगा तो मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। और फंडिंग तीसरा, जब आपका फॉर्मेशन परफेक्ट हो जाता है, आपका कंप्लायंस परफेक्ट हो जाता है, तब हम फंडिंग की बात करते हैं, इंडियन फंडिंग और इंटरनेशनल फंडिंग, दोनों फंडिंग के लिए। और इंटरनेशनल फंडिंग के लिए मैंने आपको आज FCRA का टॉपिक लेने वाला हूं आपके साथ। अब जो एज ए कंसल्टेंट आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो ये नॉर्मल क्वेश्चन आता होगा और आया होगा कि सर मुझे ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में से बताइए कि कौन सी बनानी है, सिंपल। और नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि सेक्शन 8 कंपनी हम प्रेफर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों इसे एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा NGO का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो गवर्नमेंट से फंडिंग ले सके, ये ऑब्जेक्टिव है, वो इंटरनेशनल फंडिंग ले सके, ये तो ऑब्जेक्टिव है। तो आपको उसको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपने क्लाइंट को आपको एडवाइस करना है कि तीनों में से कौन से लेंगे। और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग पता कैसे क्रिएट होती है, कुछ लोग ये कहते हैं सर सेक्शन 8 कंपनी में बहुत फंडिंग मिलती है, मतलब मैं आपके टच में नहीं हूँ, मैं आपको देख नहीं सकता, अगर ये सेमिनार हमारी हॉल में होती तो मैं आपसे यस और नो का भी आंसर ले लेता, और मैं तो अब भी उम्मीद करूंगा कि अगर आप चैट पे आंसर दे सके इस चीज का कि हाँ सर ऐसे ही है। कि नॉर्मली हम क्या एडवाइस देते हैं कि सर सेक्शन 8 कंपनी में सबसे ज्यादा फंडिंग होती है, सोसाइटी ट्रस्ट में नहीं होती, सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 1% ऐसा नहीं है, मैं आपको भी लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम एज ए कंसल्टेंट भी कितनी बार ऐसी एडवाइस दे देते हैं कि कंपनी बना लो, सेक्शन 8 कंपनी बना लो, और सेक्शन 8 कंपनी में ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो तीनों में क्या कंपेरिजन करना है वो आपको डेप्थ में आना चाहिए, और तब आप एडवाइस करेंगे कि भाई तीनों में से कौन सा सिलेक्शन करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी, एक फंडिंग स्कीम का मैंने आगे PPT लगाई हुई है कि उसमें बताइए तीनों में से कौन सा बेटर रहेगा, क्योंकि हम मोस्टली सेक्शन 8 कंपनी को प्रेफर कर देते हैं, है ना। चलिए अब मीनिंग ऑफ NGO, मैंने आपको कहा कि भाई जो मीनिंग ऑफ NGO कहीं डिक्शनरी में नहीं है और उसका दो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल अब क्योंकि डेफिनेशन तो क्लियर नहीं है एक्ट में, तो अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और बीइंग ए CA हमें ये पता भी रहना चाहिए। तो मैं एक मिनट लूंगा इसके लिए। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ NGO जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये भी हम NGO कहेंगे, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ये भी NGO कहेंगे, वॉलंटियर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी NGO कहेंगे, और नॉन गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी हम NGO ही कहेंगे।
मैंने आपको क्यों बताया, मेरे पास ना उड़ीसा से क्वेश्चन आते हैं, कोलकाता से आते हैं, बिहार से आते हैं, अलग अलग से क्वेश्चन आए। अब कोई मेरे से कह रहा है कि यार एक डीओ बनाना है, वीडियो बनाना है। अब मुझे, अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे पता रहना चाहिए वो एनजीओ के बारे में बात कर रहा है। केवल मैंने इसलिए शेयर करा आपको, तो अलग अलग स्टेट में, क्योंकि इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, एक यूनिक नाम नहीं है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वी शुड नो दिस थिंग, तो ये मैंने आपको शेयर किया है। अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक है, आपकी एक्टिविटी एनजीओ की तो हो गई, एनजीओ क्वालिफाई कर गई, अब इस एक्टिविटी को लीगल एंटिटी में कैसे कन्वर्ट करें, तो सर इसके तीन पार्ट होंगे, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी। नॉर्मली ये तीन पार्ट होते हैं लीगल एंटिटी को क्रिएट करने के लिए, कि आप एक सोशल डेवलपमेंट, सोशल वर्क कर रहे हैं। सोसाइटी दो तरह से होगी सर, एक स्टेट लेवल होगी और एक ऑल इंडिया लेवल की होगी। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल, तो आपका आंसर सिंपल आ जाएगा कि सर स्टेट का मतलब होता है स्टेट में काम करना, और ऑल इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया वर्क करना। ये डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको कुछ और भी डेप्थ में बताऊंगा कि प्रैक्टिकल बेस, ये फंडिंग के पर्पस से डिफरेंस होता है। नॉर्मली तो आपने बता दिया, क्लाइंट को आप बता दोगे कि स्टेट लेवल और ऑल इंडिया में ये डिफरेंस है, लेकिन प्रैक्टिकली फंडिंग के लिए कैसे डिफरेंस वो होता है, मतलब क्या इनमें डिफरेंस फंडिंग के पर्पस से कैसे होता है, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर अबाउट दिस, है ना। ट्रस्ट तीन तरह की होती है, एक होती है चैरिटेबल, एक होती है रिलीजियस, और एक होती है प्राइवेट ट्रस्ट, जैसे सर ने बताया था अभी मित्र सर ने। क्वेश्चन ये होता है कि क्या इन तीनों ट्रस्टों को एनजीओ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, नहीं सर बिल्कुल नहीं डाल सकते। प्राइवेट ट्रस्ट एनजीओ का पार्ट नहीं होती, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ का पार्ट होती है, क्योंकि उसमें दो कंडीशन पाई जाती है, एक पब्लिक एट लार्ज और एक प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन रिलीजियस में पाई जाएंगी और चैरिटेबल में, लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट में वो कंडीशन नहीं पाई जाएगी, इसलिए वो एनजीओ का पार्ट नहीं होती, और एनजीओ का कोई भी प्रोविजन प्राइवेट ट्रस्ट पे अप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 8 कंपनी को आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, है ना। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या इन तीनों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एक्ट में, तो इसमें कुछ टिपिकलनेस है नहीं। कंपनी का आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन होना है, ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रस्ट में वर्किंग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपको आगे तक दिक्कत आएगी। एनजीओ सेक्टर में सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन आगे के 3 सालों में चलते रहते हैं, कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, और हमें आगे तक को देख के तब एडवाइस करनी होगी कि भाई हमें कौन सा बनाना है और क्या रजिस्टर्ड कराना है नहीं कराना। तो ट्रस्ट वैसे तो ऑप्शनल है, आप रजिस्टर्ड कराओ मत कराओ, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही काम करेंगे। सोसाइटी, यस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है 1860 में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है सर। जो CSR का आपने देखा होगा, CSR के प्रोविजन आपने देखे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया एनजीओ का जो मेन पर्पस होता है वो फंडिंग का पर्पस होता है, कि उन्हें मैक्सिमम फंडिंग मिले और वो मैक्सिमम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसमें से जब फंडिंग का जो डिफरेंट फंडिंग होती है, उसमें से एक होती है CSR फंडिंग, और CSR फंडिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कंपनी खुद वर्किंग नहीं कर रही, सोशल एक्टिविटी नहीं कर रही, जो 2% उसे कंज्यूम करना होता है, तो उन्हें रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू करना पड़ेगा, ये आपको पता ही होगा। तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए तीनों। हालांकि अभी एक ड्राफ्ट आया है जिसमें ये रिकमेंडेशन दी है कि सेक्शन 8 कंपनी को ही CSR दिया जाए, है ना, लेकिन मैं ये उसकी बात बता रहा हूँ, ड्राफ्ट की बात नहीं बता रहा, ड्राफ्ट से पहले की बात बता रहा हूँ, जब चेंज होगा जब हम ये चीज देख लेंगे। अब क्वेश्चन क्रिएट ये होता है सर कि जैसे मैं ये वाली भी चीज आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या फॉरनर आपकी सोसाइटी में मेंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, फॉरनर मेंबर हो सकते हैं। क्यों मैंने ये चीज बताई, क्योंकि आजकल जो CSR का प्रोविजन है, भारतीय एनजीओ यहाँ पे जो वर्किंग कर रही है, आपको पता है CSR इज आल्सो एप्लीकेबल टू द फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी में जब CSR एप्लीकेबल होगा, तो जब वो यूटिलाइज करेंगे सोशल एक्टिविटी में अपना 2%, तो भारतीय जो हेड ऑफिस में जो फॉरनर बैठे हुए हैं, वे ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप एनजीओ जो बना रहे हो उसमें मैं मतलब मेंबर बन जाऊं, गवर्निंग बॉडी का मेंबर बन जाऊं या डायरेक्टर बन जाऊं, ये उनकी डिमांड नॉर्मली होती है। अब क्या वो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया जब हम एनजीओ की वर्किंग करेंगे तो आगे तक का विजन देख के चलना है। 3 साल बाद जब हम ये पैसा बाहर से इंडिया में लेके आएंगे, तो हमें एक FCRA की रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, जो मैं लास्ट वाले सेशन में बताऊंगा, और उस FCRA में एक गाइडलाइंस है कि जिससे आप पैसा ले रहे हो अगर वहीं का मेंबर है और अब वो आपकी सोसाइटी में भी मेंबर है, तो FCRA के रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो कितने आगे तक का, 3 साल के बाद का सोच के आपको एडवाइस देनी है। तो थ्योरेटिकली आप फॉरनर को गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप फंड ट्रांसफर करोगे तो FCRA की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये इसका आंसर है कि फॉरनर को जब भी आप एडवाइस दो, तो ये चीज क्लियर करके आप एडवाइस दे देना। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो था बेसिक जो मैंने आपको हर सेमिनार में बताया, जहां पे भी आपने मेरे सुना होगा। पिछले महीने में मैं 3-4 बार CA के पैनल में नितिन तरवर जी के यहाँ पे और अलग अलग जगह मैंने दिया है, तो ये चीज तो मैंने बताई है। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है दोस्तों,
जब एनजीओ की वर्किंग करेंगे तो प्रोफेशनली आपको कौन कौन से एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये मैटर है। और क्यों होनी चाहिए, देखो मैं एक रीजन और बताता हूँ आपको। एक तो प्रोफेशनली हमें पता रहना चाहिए, दूसरा ये कि आपने ये देखा होगा 12A का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बैकबोन ऑफ दी एनजीओ होता है। 12A का एक मस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, होता है, इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है। वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है अगर आपने एनजीओ से रिलेटेड कोई भी जो लोग अप्लीकेबल होता था उसकी कंडीशन को पूरा नहीं करा। पहले नहीं था ऐसा, यानी कि मैं सोसाइटी चला रहा हूँ तो सोसाइटी से रिलेटेड कोई किसी भी एक्ट में मैं वॉयलेंस करूंगा तो 12A का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई हम जो सोसाइटी चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, कौन कौन से एक्ट में हमारी एक्टिविटीज कवर है, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनजीओ पे कौन कौन से एक्ट अप्लीकेबल होते हैं। और मैंने आपको बताया था सर एनजीओ तीन तरह से होती है, एक होती है सोसाइटी, एक होती है ट्रस्ट, एक होती है सेक्शन 8 कंपनी। सोसाइटी दो तरह की बताई थी और ट्रस्ट तीन तरह की बताई थी। मैंने इसे रिवाइज कराया जिससे मुझे एक्ट आपको बता सकूं। अब पहले लेते हैं हम सोसाइटी का, लीगलाइजेशन ऑफ दी एनजीओ एज ए सोसाइटी, नॉट एज ए ट्रस्ट। वर्ष की बात नहीं कर रहा कि इनकी लीगलाइजेशन के लिए हमें क्या पता रहना चाहिए। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें ये पावर दी हुई है कि कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन बना सकता है। एनजीओ इज आल्सो द काइंड ऑफ एसोसिएशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये हमें पावर दी हुई है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो वो है रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे रूल बना सकती हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कौन कौन से लोग रिलेटेड हैं सोसाइटी से, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन कौन से जो एक्ट हैं वो सोसाइटी पे अप्लीकेबल होते हैं, तो क्या प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट मान के एक दो एक्ट का चैट में आंसर दे सकते हैं कि सर ये एक्ट आपके अप्लीकेबल होंगे प्लीज। वही सोसाइटी में आप वर्किंग कर रहे हैं तो एक बार मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने एक्ट आपके नॉलेज में हो सकते हैं कि भाई जो मैक्सिमम आए। चैट बॉक्स कैसे संदीप जी? हाँ जी सर, ये चैट बॉक्स नहीं आ रखा, कैसे आएगा? एक मिनट में बात करता हूँ, आनी चाहिए आई थिंक। हाँ, तेरे पास तो आ रही है। हाँ, मैं एक बार बात करता हूँ। आगे 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 ठीक है सर, थैंक यू सर। आ गया चैट बॉक्स भी। जरा आरिफ को भाई चलिए सर आगे चलते हैं। अभी मतलब मेरा असिस्टेंट आ रहा है वो बता देगा, इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर लो रिलेटिंग टू सोसाइटी कौन कौन से जो लो हैं वो अप्लीकेबल हैं? सर जैसे मैंने बताया कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है तो सेंट्रल भी और स्टेट भी दोनों इस पे बना सकते हैं। अरे जरा एक मिनट ये बताइए इसमें चैट कैसे कहाँ से आएगा, चैट पर क्वेश्चन के लिए और चैट पर मुझे कुछ पूछना है। सर प्लीज एक मिनट, डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, मुझे थोड़ी सी कम नॉलेज है इसकी। ये तो क्वेश्चन आंसर है चैट, ये चैट बॉक्स। सर चैट बॉक्स आपने अलाउड कर रखा है संदीप जी? संदीप जी अलाउ हो गया, मैं एक बार चेक करवा लेता हूं मैं। हां मुझे लग रहा है आपने चैट, अच्छा ओके ठीक है सर, आ गया सर। ठीक है थैंक यू सो मच। ठीक है सर, तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हाँ अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम सोसाइटी की वर्किंग करेंगे तो आप कौन कौन से एक्ट को ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको बताया सर, किसी ने आंसर दिया क्या चैट में? प्लीज रेज ऑल क्वेरी इन द क्वेश्चन आंसर। सर देखना मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मानिए ना। आप चैट बॉक्स में डालिए आप कौन कौन से एक्ट को जानते हैं अगर आप सोसाइटी में वर्क करें, एनजीओ में वर्किंग करें, प्लीज जरा बताइए। चलिए सर, आप शायद या तो मेरे पास नहीं आ रहा या मेरी आवाज आपके तक नहीं जा रही या आप सब बस सुनने में विश्वास कर रहे हैं। चलिए लो रिलेटिंग टू सोसाइटी सर, संदीप जी आपके पास आ रहा है क्या? आवाज आ रही है मुझे सर, मुझे आवाज आ रही है पूरी? नहीं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कोई जवाब नहीं दे रहा यार। नहीं आएगी सर, जस्ट अ मिनट। हाँ प्लीज देखिए जरा मुझे, हाँ ये आया ना विपिन जी का। विपिन जी थैंक यू सो मच, आपने जवाब दे दिया। मुझे तो ये नहीं पता लग रहा था कि मुझे आप सुन पा रहे हैं प्रॉपरली, नहीं सुन पा रहे, मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, मुझे आपसे कनेक्ट होना होता है यार, प्लीज। अच्छा
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, हाँ विपिन जी का आया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और इनकम टैक्स, ठीक है सर। लॉ रिलेटिंग टू सोसाइटी सेंट्रल एक्ट होंगे, स्टेट एक्ट होंगे और सेंट्रल विद मॉडिफिकेशन होंगे। सर नॉर्मली जब भी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सोसाइटी कैसे बनती है तो आप कहते हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बनती है, नॉर्मली ये वाला आंसर आता है। और क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि भाई ये सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों चीजें लिखी हुई है कि सेंट्रल भी बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो सर ये 1860 जो है एक सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉ बना सकती है और सोसाइटी से रिलेटेड वर्क में, सोसाइटी से रिलेटेड वर्क में गवर्नमेंट ने क्या कहा भाई 1860 में आप सोसाइटी फॉर्म कर लीजिएगा, अगर किसी स्टेट को अपना एक्ट बनाना है तो आप अपने एक्ट बना लीजिएगा, और अगर कुछ स्टेट ऐसे हैं ना तो वो अपना बनाए और ना ही वो अडॉप्ट करना चाहे और कुछ चेंजेस के साथ करना चाहे तो वो मॉडिफिकेशन के साथ 1816 को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी, यूपी ने सेंट्रल एक्ट को मॉडिफाई करके मतलब अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन हरियाणा ने 2012 में अपना एक्ट बनाया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टेट में आप सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहे हैं या स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं अभी एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, मैं इसलिए इस पर टाइम दे रहा हूँ सर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जरूर बतानी है कि भाई आप जो सोसाइटी तो आप स्टेट एक्ट में भी बना लेंगे और सेंट्रल एक्ट में भी बना लेंगे, लेकिन कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा मैं ये वाली चीज बताना चाह रहा हूँ आपको। सर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक हमारा सेंट्रल एक्ट है, लेकिन कुछ स्टेट ने अपने स्टेट एक्ट बनाए हुए हैं और कुछ स्टेट ने सेंट्रल एक्ट को लेकर उसे ही मॉडिफाई करा हुआ है ना। अब मैं कुछ स्टेट के नाम दे रहा हूँ आपको कि कुछ किन स्टेट ने अपने अपने एक्ट बनाए हुए हैं। आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006। मैं कुछ नाम स्टेट के वैसे दे रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक रेफरेंस देने के लिए। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जो ये एक्ट बने हुए हैं ना, जितने भी जितने मैंने पढ़े हैं, नॉर्मली सारे के सारे प्रोविजन सेंट्रल एक्ट के ही हैं, 1860 के ही हैं। कुछ जो वो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है केवल वो मोल्ड कर देते हैं, 80-90% जो प्रोविजन है वो सेम रहते हैं। गवर्निंग बॉडी की लिस्ट होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, जनरल बॉडी होनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए, कोरम होना चाहिए, वो सारे सारे जो प्रोविजन है वो सेम है। तो मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कुछ सोसाइटी एक्ट के, आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। जैसे जम्मू कश्मीर का मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे दिल्ली में अगर हम सोसाइटी बनाए सेंट्रल में तो 7 या 8 मेंबर की जरूरत होती है, स्टेट लेवल में और ऑल इंडिया में 8 डिफरेंट स्टेट की मेंबर की जरूरत होती है। जम्मू कश्मीर पर 5 मेंबरों की जरूरत होती है, बस इतना सा चेंज करा उन्होंने और बहुत सारा का सारा ऐसी कॉपी कर रखा है। तो ऐसे करके मतलब कुछ बहुत कॉपी वहीं से कर रखा है सेंट्रल एक्ट से ही। लेकिन मैं अभी से कुछ रीजन की वजह से बता रहा हूँ, बस आप एक रेफरेंस ले लीजिएगा कि कुछ स्टेट ने अपने अपने एक्ट ये बनाए हुए हैं। राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958, जैसे मिजोरम ने बना रखा है, मेघालय ने बना रखा है, अलग अलग ईयर में अपने अपने अलग अलग एक्ट बना रखे हैं, वेस्ट बंगाल ने बना रखा है, हरियाणा ने बना रखा है, तो ये अलग अलग एक्ट बना रखे हैं। अब आपका एज ए कंक्लूजन क्या हुआ, सोसाइटी दो तरह से बन सकती है, एक तो सेंट्रल एक्ट में बन सकती है, एक स्टेट एक्ट में बन सकती है। और यहाँ पे बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मोस्टली जो सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया में बनी हुई है, ठीक है, वो सारी स्टेट एक्ट में है मोस्टली, जहाँ पे स्टेट एप्लीकेबल है, जबकि वो सेंट्रल एक्ट में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेंट्रल एक्ट में जो सोसाइटी बनेगी वो मतलब एक सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत बन रही है और एक स्टेट एक्ट के अंतर्गत बन रही है, अब इन दोनों में क्यों कहाँ पे लॉस होगा, एनजीओ बनने के बाद कहाँ पे लॉस होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दूसरा ये सोसाइटी हुआ, सोसाइटी हमारी सेंट्रल एक्ट में बन गई और स्टेट एक्ट में बन गई। अब आते हैं हम ट्रस्ट पे। सर ट्रस्ट का भी यही मैटर है, कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है तो दोनों रूल बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो सेंट्रल एक्ट भी हो सकते हैं इससे रिलेटेड, स्टेट एक्ट भी हो सकते हैं और अदर एक्ट भी हो सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रस्ट में वर्किंग करेंगे, ट्रस्ट कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ट्रस्ट कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्टली जो आंसर आता है ना, ट्रस्ट एक्ट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, सर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। जो ट्रस्ट एक्ट होती है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट होती है, एनजीओज वाली जो होती है, प्राइवेट ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, इंडियन ट्रस्ट 1882 मोस्टली प्रेफरेबल फॉर प्राइवेट ट्रस्ट, जो प्राइवेट ट्रस्ट के जो प्रोविजंस होते हैं वो 1882 से लिए जाते हैं। लेकिन जो चैरिटेबल वाले जो ट्रस्ट होती है, रिलीजियस वाली जो ट्रस्ट होती है दोस्तों, उस पे बहुत सारे एक्ट अप्लीकेबल होते हैं। और नॉर्मली जो एक्ट है वो जो स्टेट एक्ट बने हुए हैं ना ट्रस्ट से रिलेटेड, उसको अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि ट्रस्ट से रिलेटेड दोनों एक्ट है, सेंट्रल एक्ट भी है, स्टेट एक्ट भी है, लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो स्टेट में कौन सा एक्ट अप्लीकेबल है उसे कवर करके वो ट्रस्ट को बनाया जाता है। मैं थोड़े से आपको एक्ट बता रहा हूँ जो आपको पता रहना चाहिए। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो आपको पता ही है 1860, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसमें ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है, वॉलंटरली रजिस्टर्ड होती है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट अंडर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920,
ये एक सेंट्रल एक्ट है विच अप्लाई टू द रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पब्लिक चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट इस Religious Endowment Act 1863. This act enables the government to divest itself of the management of certain religious institution. Indian Trust Act 1882 is applicable to the private trust, not religious trust. Any charitable activity will be governed by the Public Trust Act applicable to the relevant state. ये मैंने आपको बताया ही है. जैसे बॉम्बे Public Trust Act 1950 बना हुआ है. अब लोग यहाँ पे confused होते हैं कितने? ये मैं आपको बता रहा हूँ. Trust बनी. हमने पूछा किससे ट्रस्ट है तो आप देखना कितने सारे आंसर आपको मिलेंगे. सर ये तो ना बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 में बना हुआ है. सर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट जो एक्ट है ना वो केवल बॉम्बे के लिए है. स्टेट एक्ट है वो. स्टेट पे एप्लीकेबल है. उन्होंने बताया हुआ है इस एक्ट में कि एक चैरिटी कमीशन ऑर्गेनाइज चैरिटी कमीशन बनाया हुआ है. अगर आप कोई एनजीओ की एक्टिविटी करेंगे चाहे वो सोसाइटी में भी कर रहे हैं तो आपको चैरिटी कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी. जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है. तो अपने स्टेट एक्ट के जो वो है ट्रस्ट एक्ट है स्टेट वाइज है. राजस्थान ट्रस्ट एक्ट 1959 बनाया हुआ है जो स्टेट पे एप्लीकेबल है. मोस्ट ऑफ द स्टेट हैज देयर ओन ट्रस्ट एक्ट. अदर लॉ एप्लीकेबल क्या है ट्रस्ट एक्ट में दूसरे लॉ पे क्या है चैरिटेबल एंडोमेंट 1890. देखो मैं केवल नाम दे रहा हूँ कितने सारे एक्ट एप्लीकेबल होते हैं जब हम एनजीओ में वर्किंग करते हैं. वफ एक्ट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1957. सिख गुरुद्वारा जितने भी सिख गुरुद्वारा कमेटी के जो आपने देखे होंगे वो इस एक्ट के अंतर्गत वर्किंग होती है 1925. इंडियन ट्रस्टी एक्ट 1866. ऑफिशियल ट्रस्ट एक्ट 1913. रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट ये सारे ट्रस्ट से रिलेटेड है. और दो तरह के एक्ट देखे हमने सोसाइटी से रिलेटेड देखे और दूसरा हमने देखे ट्रस्ट से रिलेटेड. अब कॉमन एक्ट कौन कौन से अप्लीकेबल है जो एनजीओ में रेलिवेंट है जिनके कुछ प्रोविजन एनजीओ में भी आ सकते हैं वो कौन कौन से जो अलाइड एक्ट है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लिमिटेशन एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन स्टैंप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. तो कितने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013. कितने सारे एक्ट हमें पता रहने चाहिए. डेप्थ में ना हो लेकिन रेफरेंस तो पता रहना चाहिए कि इस वाली प्रॉब्लम के लिए ये वाला एक्ट अप्लीकेबल है, इस प्रोविजन के लिए ये अप्लीकेबल है ना. अब आते हैं दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनजीओ की वर्किंग होती है उसका एक ही टारगेट होता है मैक्सिमम फंडिंग होना. और फंडिंग दो तरह से होती है गवर्नमेंट, एक होती है इंडियन फंडिंग और एक होती है इंटरनेशनल फंडिंग. और जब हम इंडियन फंडिंग की बात करते हैं इंटरनेशनल फंडिंग की तो मैं आपको FCRA कराऊंगा. तो इंडियन फंडिंग में एक एनजीओ के पास डिफरेंट मेथड होते हैं अपने फंडिंग को क्रिएट करने के लिए. जैसे मेंबर फंडिंग हो गई, पब्लिक फंडिंग हो गई, पब्लिक से पैसा कैसे लेना है, कैसे उससे कलेक्शन लेनी है, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग हो गई, CSR फंडिंग हो गई, अदर फंडिंग हो गई. ये ना मेथड ऑफ फंडिंग है अलग अलग. CSR तो आप जानते ही होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सारी मिनिस्ट्री है जो एनजीओ को फंडिंग देती है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इतनी सारी स्कीम्स होती है उसकी. मैंने आपको बताया था कि एनजीओ के केस में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशनली अपॉर्चुनिटी बहुत. किसी एक मिनिस्ट्री में आप एक्सपर्टाइज ले लो और फिर देखो वो मजा आ सकता है आपकी प्रैक्टिस का, समझ रहे हैं. तो सेंट्रल ये डिफरेंट डिफरेंट फंडिंग की एजेंसी होती है. अब मैंने आपको इसकी नॉलेज क्यों दी सर? सर इसकी नॉलेज मैंने इसलिए दी कि जैसे मैंने अभी बताया एनजीओ होती क्या है, एनजीओ की कैटेगरी क्या है और हमें तीनों में से कौन सी एनजीओ ओपन करनी है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है. और हमारे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मोस्ट ऑफ दी जो कंसल्टेंट है उन्होंने ये एडवाइस दी. मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा. सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करने के लिए बनाते हैं ना. अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मैं एक स्कीम मैं वर्किंग कर रहा था. ये स्कीम है, नेम ऑफ द फंडिंग स्कीम है कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज. ये मैं सेपरेट चीज बता रहा हूँ आपको, है ना. अब ये देखो इस स्कीम में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो 10 लाख का प्रोजेक्ट देती है, 10 लाख का देती है अगर आप हेरिटेज कल्चर ऑफ हिमालय के रिलेटेड वर्क कर रहे हो. ठीक है, कल्चर को बचाने के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो 10 लाख का आपको प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं गवर्नमेंट को. लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है देखिए जरा. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये क्रक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना. जो जितना भी मैंने बताया आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये मैं क्रक्स बताने जा रहा हूँ. क्योंकि हमारा फाइनल जो टारगेट है वो गवर्नमेंट से मैक्सिमम फंडिंग लेना है, लोगों से मैक्सिमम फंडिंग लेना है और हम अपने डेवलपमेंट के वर्क कर सके. तो कौन अप्लाई कर सकता है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, वो सोसाइटी वो एनजीओ जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है. दूसरा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, मतलब 1882 नहीं है ये, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है. लेकिन यहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि ये ट्रस्ट 1882 में, ये मोस्टली डिपार्टमेंट में है. तीसरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी अप्लाई कर सकती हैं. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो सारी की सारी एनजीओ में चलती हैं, ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में चलती हैं, है ना. ये अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इस स्कीम को सेक्शन 8 कंपनी अप्लाई कर सकती है?
नहीं कर सकती, लिखा ही नहीं उसमें, उसमें सिंपल ये लिखा हुआ है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। क्या इस स्कीम को वो सोसाइटी अप्लाई कर सकती है जो राजस्थान में या हरियाणा में 2012 में बनी है, उनके अपने एक्ट के अंतर्गत बनी है? नहीं कर सकती। समझ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेवल और ऑल इंडिया? तो जब भी आप एडवाइस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों आपको, अगर आप एनजीओ में वर्किंग कर रहे होंगे। क्यों लोग एनजीओ इसलिए तो बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसलिए तो बन रहे हैं सोशल एक्टिविटी कर सके। सोशल एक्टिविटी का बेस है फंडिंग, पर आप फंडिंग ही ना ले पाए, दो तीन साल मेहनत करके फंडिंग में ही कहीं प्रॉब्लम आ जाए। मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। ऐसे कितने सारे पॉइंट हैं जहां पे फॉर्मेशन में मिस्टेक होती है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मेरे लोगों से मिला हूं मैं। जो एनजीओ महाराष्ट्र में मैंने सेमिनार करी, वहां पे 200 एनजीओ आई हुई थी, मैंने मोस्टली देखा उनकी एक ही प्रॉब्लम, सर हमें फंडिंग नहीं मिलती गवर्नमेंट से। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं मिलती? सर वैसे बस ऐसी होता है कि फंडिंग मिलती नहीं है। और जब हमने वहां पे वर्कशॉप ली, ये सेमिनार लिया, दो तीन घंटे का सेमिनार लिया, तो पता लगा 90% एनजीओ ने गलती कर रखी है। स्टेट लेवल में एक्ट में रजिस्टर्ड है, जब स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से फंडिंग देगी आपको? और भी प्रोविजन, ये तो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो अगर आपको एनजीओ में दोस्तों वर्किंग करनी है, तो मैंने ये करेक्ट इसलिए बताया है कि ये जरूर देखना कि वो रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में है। तो इस केस में आप सेक्शन 85, उसके कोई क्लाइंट आया, आप हमने एडवाइस दे दी कि भाई सेक्शन 8 कंपनी बना लो, कैसे दे दे? मान लिया वो इसी पे वर्क कर रहा है, उन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है जिन प्रोजेक्ट में सेक्शन 8 कंपनी अलाउड ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे? कैसे मतलब हम उसे एडवाइस देंगे? 3 साल बाद उसे पता लगेगा अरे मेरे से तो फॉर्मेशन में गलती हो गई, मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो ये जरूर पता करना है कि भैया उसे एनजीओ की एक्टिविटी सोशल वर्क नहीं। नॉर्मली क्लाइंट आके आपसे कहेंगे हमें सोशल वर्क करना है, भाई ये बताओ क्या करना है, स्पेसिफिक बताओ क्या करना है, सो दैट हम अपनी ट्रू एंड फेयर प्रोफेशनल एडवाइस दे सके। समझ रहे सर? मैं आपको इसलिए ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ये मिस्टेक हुई है, बहुत ज्यादा हो रही है, और यही रीजन है कि 80-90% एनजीओ फंडिंग नहीं ले पाती, प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है सर? तो ये था एक पार्ट हमारा फॉर्मेशन का, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये एनजीओ का कंसेप्ट क्या है और एनजीओ के फॉर्मेशन को ध्यान में क्या क्या चीज हमें रखनी चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ है। इससे रिलेटेड संदीप जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम एफसीआरए मतलब स्टार्ट करते हैं। संदीप जी सर, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। सर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है लोगों को, वेद सर तो मुझे सुन रहे होंगे। वेद सर, सर कोई क्वेरी नहीं आई अभी तक, है ना? ठीक है सर, आप एक बार पहले फिनिश कर ले, आई थिंक लास्ट में क्वेरी आ रही है, वेज जी के टाइम में भी लास्ट में क्वेरी आई सारी। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। दोस्तों अब जैसे जितना पार्ट मैंने आपको बताया है, उसमें एक पार्ट होता है फॉरेन फंडिंग का, है ना, इंडियन फंडिंग एंड इंटरनेशनल फंडिंग। और इंटरनेशनल फंडिंग का जो पार्ट है, उसके लिए अगर हमें बाहर से कोई इंटरनेशनल फंडिंग चाहिए होती है, तो हमें उसमें एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है एफसीआरए का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का, है ना। अब मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में कि भाई हमें फंडिंग लेने के लिए क्या कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है और उसमें क्या प्रोविजंस है, है ना। दोस्तों ऐसा है कि जब हम बाहर से पैसा लेंगे तो उसके दो ऑप्शन होंगे हमारे पास। जब हमारे बाहर से आउटसाइड इंडिया से कंट्रीब्यूशन आएगा, बाहर से पैसा आ रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। नंबर एक होगा कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन और दूसरा होगा अदर देन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सेल परचेज किया, कुछ गुड्स को मैंने ट्रांसफर क्या उसकी रिसिप्ट मिल गई, अगर मैंने कोई सर्विस दी उसकी मुझे प्रोफेशनल रिसिप्ट मिल गई, अगर मैंने लोन लिया, कमर्शियल ट्रांजैक्शन फर्स्ट पार्ट एंड अदर देन कमर्शियल ट्रांजैक्शन इज द सेकंड पार्ट। तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर है तो दोस्तों आपको पता होगा कौन कंट्रोल करेगा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई। लेकिन अगर अदर देन एफसीआर, अदर देन कमर्शियल है, तो हमारा जो दूसरी मिनिस्ट्री का उसमें आ जाएगी और हमें कवर करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये है। अब हमारी जो एनजीओ होती है दोस्तों, एनजीओ में जो कंट्रीब्यूशन या जो डोनेशन आता है वो कहाँ पे कवर होता है? अदर देन कमर्शियल रिसीप्ट, और इसीलिए ये एफसीआरए में कवर हो जाती है। लेकिन कुछ चीजों में आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये कमर्शियल है या ये डोनेशन है, ये कंट्रीब्यूशन है या कमर्शियल है, क्या इस पे एफसीआरए एप्लीकेबल होगा या फेमा एप्लीकेबल होगा, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक देखते हैं कि बेसिक क्या चीज है एफसीआरए का। तो इसका सर इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा दे देता हूं आपको। 1976 में ये बेसिक एक्ट बना था, एफसीआरए एक्ट 1976। और ये एक्ट क्यों बना था 1976 में? सर आपको ये पता होगा कि इंडिया में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो पंजाब हो, ऐसा कुछ चल रहा था। तो हमारी आईबी की जो वो है एजेंसी है, उन्होंने ये कैच किया कि बाहर से कुछ ऐसा पैसा आ रहा है एनजीओ को या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
जो वो पैसा इन एक्टिविटीज में लग रहा है, और उसकी रिपोर्ट आईबी ने गवर्नमेंट को दी, और गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लेते हुए 1976 में एक ये एक्ट बनाया कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अगर आपको अदर देन कमर्शियल रिसीप्ट आ रही है तो सारा का सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करेगी ऑन द बेसिस ऑफ आईबी रिपोर्ट, क्योंकि आईबी ने इसकी रिपोर्ट दी थी, आईबी की रिपोर्ट पे ये वाला एक्ट बनाया गया था। तो 1976 में ये एक्ट बना, और इसका सिंपल सा पर्पज जैसे आपको लग गया होगा कि जो बाहर से पैसा आ रहा है अदर देन कमर्शियल, उस पर मॉनिटरिंग करना, उसे कंट्रोल करना, उसके मतलब उस जिस पर्पज के लिए वो आ रहा है वो डिफीट ना होना, और इसे मतलब दूसरे पर्पज के लिए यूज ना होना, ये इसका पर्पज था। तो 1976 में जब ये एक्ट बना दोस्तों, तो काफी सारी इस एक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मैंने आपको बताया ये जो एक्ट है इसका मेन पर्पज क्या था कि जो एक्ट है वो इंडिया में जो अप्लीकेबिलिटी है टेररिस्ट एक्टिविटी में ना लगे, इंडिया के डेवलपमेंट में जो पैसा है उस वही लगे। तो अवॉइड क्या करना था कि एंटी जो नेशनल एक्टिविटीज होती है उसे अवॉइड करने के लिए एक्ट बनाया, और वो ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लीकेबल था इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि नॉर्मली एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लीकेबल नहीं थे उस टाइम, तो ये इससे रिलेटेड था, तो पूरे कंट्री पे ये अप्लीकेबल था। तो जब ये एक्ट बना तो इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हुए 2010 में नया एक्ट बनाया, अमेंड करा, और एफसीआर एक्ट 2010 हमारे पिक्चर में आया, और जो कमियां पुराने एक्ट में थी वो इसमें रिमूव कर दी गई। जैसे क्या क्या कमियां थी, जैसे टाइम हमने रजिस्ट्रेशन की अप्लीकेशन लगा दी, अब उसमें कोई जवाब ही नहीं आ रहा क्योंकि एक्ट में तो कुछ लिखा नहीं है कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, ये पुराने एक्ट की बात बता रहा हूँ। तो इस चीज को कमी को दूर करा गया नए एक्ट में, लोगों के हिसाब से प्रैक्टिकल वो होता है नहीं होता वो मैं मतलब अलग से बता दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लिमिट दी गई कि भाई इतने दिन में ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं होता। ओनली वन बैंक अकाउंट, पुराने अकाउंट में जो था एक ही बैंक अकाउंट आप खोल सकते थे रिसीव करने के लिए और यूटिलाइजेशन करने के लिए, तो बड़ी दिक्कत होती थी। इंडिया दिल्ली में हमने कोई फंड रिसीव करा, बॉम्बे में हमारी ब्रांच है तो कैसे खर्चा करें, आप अमाउंट तो ट्रांसफर कर नहीं सकते दूसरे अकाउंट में, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, रिजेक्शन का रीजन नहीं पता लगता था, तो इसे रेक्टिफाई करके फिर एफसीआर एक्ट बनाया 2010, और ये सेक्शन वाइज मेरी स्टडी सेक्शन वाइज मैंने लिखा हुआ है 54-56 सेक्शन है इसमें, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन है तो मैंने सारी जो सेक्शन है उसे हाइड कर रखी है सारी शीट को टाइम की लिमिटेशन की वजह से, और वो पॉइंट लिए हुए हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल है। अब आपके लिए क्या वैल्यूएबल है, पहले मैं इस एक्ट को मैंने जो पर्पस बताया, अब इसमें हमें फंड कैसे लाना, मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। ये एक्ट सर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इसे मानता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि ये केवल एनजीओ पे अप्लीकेबल है, जबकि ये हर किसी पे अप्लीकेबल है, कंपनी पे भी अप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म में भी है, एचयू एक्ट पे भी है, इंडिविजुअल पे भी है, सब पे अप्लीकेबल है ये एक्ट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, आपको सबको पता रहना चाहिए। हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं उसमें इस एक्ट का भी पता लगना चाहिए कि क्या कोई अदर देन कमर्शियल रिसिप्ट तो नहीं है, क्या कोई ऐसी कंपनी वो तो नहीं है रिसिप्ट की जो एफसीआरए में आ रही हो, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट क्या है, कब अप्लाई होगा, हम ये देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन रिसीव्ड, देखो मैं ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, हमारा पर्पज क्या है, बाहर से पैसा आ रहा है और अदर देन कमर्शियल ट्रांजेक्शन से आ रहा है, गिफ्ट आ सकता है ना, कंट्रीब्यूशन आ सकता है, और ग्रांट आ सकती है, डोनेशन आ सकता है, वॉलंटरी डोनेशन आ सकता है, तो ये जो आएंगे वो एफसीआरए में कवर होंगे। अब पहले ये देखते हैं कब कवर होगी, एनजीओ कब कवर होगी, हम लोग कब कवर होंगे। इसमें लिखा हुआ है इफ एनी पर्सन रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, दो कंडीशन केवल, कोई भी पर्सन अगर रिसीव करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है और फॉरेन रिसोर्स से करता है, दोनों कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं तो आप इस एक्ट के अप्लीकेबिलिटी में आ जाते हो और इसके प्रोविजन आपके पास अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो मैंने आपको दो चीज बताई है, एक तो बताया फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एक बताया फॉरेन सोर्सेज होना चाहिए, बस इसमें आपकी एक्सपर्टाइज हो गई तो ये एक्ट आपको क्लियर हो गया। तो मीनिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है सर, फॉरेन का कंट्रीब्यूशन क्या है कि बाहर से बाहर वाला पैसा इंडिया में आ रहा है, तो उन्होंने डिफाइन करा डेफिनेशन में कि एक्चुअल जो आप रिसीव कर रहे हैं, अब एक्चुअल तो आप पैसा भी रिसीव कर सकते हैं, कोई आर्टिकल भी रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्टली भी रिसीव कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी रिसीव कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा एक्चुअल रिसीव, कोई आर्टिकल रिसीव कर रहे हो, कोई इंडियन और फॉरेन करेंसी रिसीव कर रहे हो, इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी, ध्यान रखना पॉइंट शुड बी नोटेड, इंडियन करेंसी एंड फॉरेन करेंसी, जरूरी नहीं है कि बाहर से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो फॉरेन करेंसी में हो, अगर इंडिया में इंडियन करेंसी में भी आप किसी से रिसीव कर रहे हो तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, इंडियन और फॉरेन सिक्योरिटी, ये तो हुआ एक्चुअल, सब कुछ कवर होता है इसमें। दूसरा है डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन सा होता है कि जो हमने एक्चुअल में रिसीव तो नहीं करा लेकिन उसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन मानेंगे, वो क्या चीज होती है दोस्तों, जैसे इंटरेस्ट ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आपके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया, आपने एफडीआर बना दी, उस पर इंटरेस्ट आया, तो क्या वो पार्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, बिल्कुल वो पार्ट है,
आपने इंडिया में रिसीव करा, इंडिया की एफडीआर पे रिसीव करा, फिर भी इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट माना जाएगा, डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारी एनजीओ हैं जो मेनली कोलकाता में ज्यादा हैं कि उन्होंने बाहर का फंड लिया हुआ है और उसे एफडीआर बना रखा है और उसके इंटरेस्ट से वो वर्किंग कर रही है, तो बाहर से फंड नहीं आता लेकिन फिर भी उनके एफसीआरए के रिटर्न प्रॉपर्ली फॉरेन कंट्रीब्यूशन में दिखाया जाता है। दूसरी चीज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे, चाहे डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें, वो कवर हो जाएगा। जैसे ए ने रिसीव करा, ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, बी ने सी को ट्रांसफर कर दिया, सी ने डी को ट्रांसफर कर दिया और फिर एंड यूजर ने उसे यूज कर लिया, तो चारों को ही इसमें कवर हो जाएंगे, ए बी सी डी। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कराया, फॉरेन सोर्स से कराया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कर ले। मीनिंग ऑफ फॉरेन सोर्सेज, पहले तो हमने देखा फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एक ना सिंपल लैंग्वेज में ले लो आप, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या चीज है, जो बाहर से किसी भी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आइदर इन कैश और आइदर इन काइंड, किसी भी तरह से बाहर के बाहर का अमाउंट आइदर इन कैश और आइदर इन काइंड, आइदर इन फॉरेन करेंसी आइदर इन इंडियन करेंसी, सब कुछ तो कवर है क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म देख लो कि इसका क्या क्या पर्पस है। मीनिंग ऑफ फॉरेन सोर्सेज, अब फॉरेन सोर्सेज क्या कहेंगे, किस चीज को हम फॉरेन सोर्सेज कहेंगे, सर सब कुछ इंक्लूड है, क्यों डेफिनेशन में इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, एग्जॉस्टिव नहीं है तो इंक्लूसिव है, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड है और जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सब कुछ ही कवर है, एक्सेप्ट कुछ कैटेगरी छोड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करी हुई है, यूएन हो गया, कोई इंटरनेशनल एजेंसी हो गई, उसकी अलग लिस्ट आती है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन नॉर्मल वे में सब कुछ कवर है, इंक्लूसिव डेफिनेशन उसमें दे रखी है। ठीक है, अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सर हम मैंने आपसे कहा था कोई भी पर्सन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करे, फॉरेन सोर्स से रिसीव करे, तो हमारा एफसीआरए एप्लीकेबल हो जाता है और कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, एक दो रुपए की भाई जी 2 रुपए भी रिसीव करें, लेकिन अगर आप डेफिनेशन में कवर हैं तो आप उसमें कवर हो जाते हैं। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपको क्लियर है, आइदर इन कैश और आइदर इन काइंड, इंटरेस्ट इनकम इज आल्सो पार्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, शायद ये क्लियर होगा। अच्छा, अब अदर इनकम ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आपकी अदर इनकम कैसे होगी सर जरा बताओगे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से कोई असेट्स परचेज कर ली और असेट्स को रखकर लैंड परचेज कर ली, पॉसिबल है, लैंड परचेज करी और लैंड को आपने फिर सेल कर दिया, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, वेदर इट इज ए पार्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन और नॉट, सर यस, ये आपका पार्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन का माना जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी परचेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, बट नॉट कवर्ड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज कवर नहीं होंगी, तो जनरली तो आपको मैंने बताया कमर्शियल ट्रांजैक्शन कवर नहीं होंगी, तो फीस रिसीव्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड गुड सप्लाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स, ये तो एक जनरल सी चीज है, वो कवर नहीं होगी। फीस फॉर चार्ज बाय द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सर ये स्पेशल आया था और उसका रीजन क्या था, जैसे आपके नोएडा में या यूपी में या दिल्ली में एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है ना, तो इसमें फॉरेन स्टूडेंट आते हैं, अब वो अपनी फीस दे रहे हैं, तो क्या वो फेमा में कवर होंगे या एफसीआरए में कवर होंगे, क्वेश्चन ये आता है, क्या ये हम बिजनेस रिसिप्ट दिखाएं, क्या ये कॉमर्शियल रिसिप्ट है, तो कॉमर्शियल रिसिप्ट तो नहीं है क्योंकि जो हमारी ट्रस्ट है, जो एनजीओज है, वो बिजनेस तो दिखाते ही नहीं है, ये तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बिजनेस इनकम कहाँ दिखाते हैं हम, ठीक है, तो बिजनेस नहीं है तो इसलिए फेमा कवर नहीं है, और एफसीआरए इसलिए कवर नहीं है क्योंकि ये डोनेशन नहीं है, तो स्पेशल एग्जाम कर दिया कि अगर इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि अगर स्टूडेंट कोई फीस दे रहा है तो हम उसे कवर नहीं करेंगे, एफसीआरए की रिक्वायरमेंट नहीं है, और काफी सारे कॉलेजों का इसका बेनिफिट मिल गया कि उन्होंने एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। लोन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ठीक है ना, लोन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर आप लोन लेते हैं तो वो, अगर आप अनसिक्योर्ड लेते हैं तो वो फॉरेन करेंसी में, अगर सिक्योर्ड लेते हैं तो वो फेमा में कवर हो जाते हैं। फॉरेन डेलीगेशन फीस, सर हमारी ना कितने डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन होती है, जैसे एम्स में काफी सारी एनजीओ बनी हुई है आपको पता होगा, तो ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स रखते हैं और उसमें जो फॉरेन डेलीगेशन आता है, फॉरेन पार्टिसिपेंट आते हैं, तो वो काफी अच्छी फीस देके जाते हैं, तो क्या वो फीस एफसीआरए में कवर होगी, सर बिल्कुल भी कवर नहीं होगी, एक्सक्लूजन है, नहीं कवर होगी। अब दो इंपॉर्टेंट पार्ट, सर आपके ब्रदर एनआरआई है, आपका कोई दोस्त वहां पे एनआरआई है, अगर एनआरआई कोई पैसा वहां से भेजता है तो क्या वो कवर है, तो सर एनआरआई कवर नहीं है अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई कि भाई जो ओसीसीआई कार्ड होल्डर होते हैं, है ना, ओवरसीज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के होते हैं लेकिन उन पे फॉरेन सिटीजनशिप होती है, तो क्या इसमें वो भी कवर है, क्या उन पे एफसीआरए एप्लीकेबल होगा, तो दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल याद रखना है, जो ओसीसीआई कार्ड होल्डर होते हैं उनके पास फॉरेन सिटीजनशिप होती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, तो उन पे एफसीआरए एप्लीकेबल होगा, अगर वो फंड यहाँ पे भेजेंगे तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस पे अप्लाई है। ठीक है,
तो ओसीसीआई जो कार्ड ऑर्डर है उन पे ये अप्लाई हो जाएगा, ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो डोनेशन बाय द अदर विल बी कवर्ड इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपके सामने आ सकता है, आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी में आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं और आप जो फॉरेन सेक्शन 8 कंपनी में फॉरेन डायरेक्टर हैं उन्होंने ये सेक्शन 8 कंपनी बनाई और आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो क्या ये फेमा में कवर होगा या एफसीआरए में कवर होगा? फॉरेन कैपिटल इंट्रोड्यूस है, फेमा का पार्ट है, तो क्या ये एफसीआरए में भी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो सर इसे क्लैरिफाई करा हुआ है क्योंकि उसकी जो कैपिटल आती है वो एज ए ट्रस्टी आती है और उन्हें प्रायर परमिशन इसकी लेनी पड़ेगी, तभी सेक्शन 8 कंपनी में उनकी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ठीक है सर, फॉरेन सोर्सेज कैपिटल इज आल्सो कवर अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो मैंने सारे मोस्टली केस आपको कवर कर दिए। अब ये तो ये था कि कब अप्लीकेबल होगा, किस कंडीशन पे अप्लीकेबल होगा और किनके ऊपर अप्लीकेबल होगा, ये था। अब चलो अप्लीकेबल हो गया, अब बताओ क्या कैसे हमें अमाउंट लाना है, क्या प्रोसीजर है? तो सर इस एक्ट में एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है और एक, पहले मैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन बता रहा हूँ, इसमें एक रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है परमानेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप उसमें फंड रिसीव कीजिए, कितनी बार फंड रिसीव कीजिए, कितनी ही कंट्री से कीजिए, जब तक स्पेसिफिकली ब्लैक लिस्ट कंट्री ना हो तब तक आप इसमें कितनी बार भी आप रिसीव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने गवर्नमेंट से पूछा, इस प्रोविजन से पूछा कि बताओ कैसे कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बेस पे क्या बताया फ्रेंड्स कि हम 3-4 क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं और अगर ये ओके हो जाता है तो इसकी फाइल लगाएंगे। फाइल कैसे लगेगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले वो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप ये कहोगे कि ठीक है एफसीआरए की एप्लीकेशन हम लगा देते हैं, वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है प्रैक्टिकली? तो सबसे पहले तो सर ये होना चाहिए कि जब आप ये एप्लीकेशन लगाओगे, कहाँ लगाओगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की साइट है, एमएचए की साइट है, एफसीआरए विंग है, उस पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, सॉरी जब ये आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो एप्लीकेशन से पहले आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है और जब आप वो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो वो जो बैंक अकाउंट होगा वो एफसीआरए का होगा और आपको एप्लीकेशन में उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपका ये बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड माना जाएगा और आप इसी बैंक अकाउंट में फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको ये एक बैंक अकाउंट खुलवाना है और वो बैंक अकाउंट एफसीआरए बैंक अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे मिस्टेक होती है और बहुत अच्छी मिस्टेक होती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कोई उन्होंने तो कहा एफसीआरए अकाउंट खोलो और मैनेजर को पता ही नहीं है क्योंकि एफसीआरए बहुत ज्यादा नहीं होता, तो वो कोई दूसरा अकाउंट खोल के दे देते हैं आपको। ये मैंने प्रैक्टिकल जो मेरे सामने केस आया मैं वो बता रहा हूँ और बाद में पता लगता है ये तो एक करंट अकाउंट था, उसमें 20,000 का चेक लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस गलती को जब भी आप एफसीआरए की एडवाइस देंगे तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो नील अमाउंट का होना चाहिए। ये जो अकाउंट खुलेगा जीरो अमाउंट से खुलेगा। अगर किसी बैंक ने 20,000 रुपीज मांगा तो सोच लेना ये एफसीआरए नहीं कह रहा या ये कोई दूसरा अकाउंट आपको खोल के दे रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इस अकाउंट में इंडियन अमाउंट अलाउड नहीं होगा। दूसरा, आप मल्टीपल, जैसे मैंने कहा एक अकाउंट तो हमें खोलना पड़ेगा फंड रिसीव करने के लिए, लेकिन यूटिलाइजेशन के लिए आप दूसरे अकाउंट भी खोल सकते हैं क्योंकि पुराने एक्ट में ये वाला प्रोविजन नहीं था, नए एक्ट में ये वाला प्रोविजन है कि आपने रिसीव करा दिल्ली में एक रजिस्टर में लेकिन आप उसे पुणे में, महाराष्ट्र में, वहां पे जो ब्रांच है वो खर्चे करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे एक अकाउंट खोलिए और इस फंड को वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे कहते हैं यूटिलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको यूटिलाइजेशन अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको 15 दिन के अंदर इंटीमेशन देनी पड़ेगी, लेकिन ये तो रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद की कहानी है। यूटिलाइजेशन अकाउंट का रजिस्ट्रेशन के बाद की कहानी है। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन से पहले तो आपको एक बेसिक बैंक अकाउंट खुलवाना है जिसे कहेंगे हम एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का अकाउंट। तीसरा, जब आप एफसीआरए का परमानेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे सर, उसमें 3 साल ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपकी होनी चाहिए। 3 साल से पहले आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। 3 साल जब आपकी, अब क्वेश्चन ये आता है कितनी बार, यहाँ पे कंफ्यूज छोटा सा आ सकता है कि सर 3 ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए या 3 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, दोनों में अंतर है ना? तो 3 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं, ऑडिटेड बैलेंस शीट अगर आपने 30 मार्च को बनाई तो 30 मार्च को बना के तो एक ऑडिटेड बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है, आपको 3 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, तब मतलब ये एक रिक्वायरमेंट है। एंड नेक्स्ट, 10 लाख का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस देखा उन्होंने आपका, तो 3 साल में आपका 10 लाख का एक्सपेंडिचर होना चाहिए और वो एक्सपेंडिचर में से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस घटाने हैं, यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने एनजीओ बनाई है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव पे, उस एक्टिविटी पे कम से कम 10 लाख का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। क्या ये एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या ये एक्सपेंडिचर एवरेज है या टोटल एक्सपेंडिचर है? सर ये टोटल एक्सपेंडिचर है 3 ईयर्स का। फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 1 लाख और अगले साल में आपका 8 लाख है, तो क्या आप इसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आपको एक्सक्लूड करने हैं,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर मैंने आपको पता ही है, आपको सबको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन दी हुई है स्पेसिफिकली, और उसमें से आपको ये देखना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है या नहीं आता, कुछ कॉमन सेंस में वर्किंग करनी है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को आप इंक्लूड नहीं करेंगे 10 लाख के एक्सपेंडिचर में। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, हेलो सीताराम जी, क्वेश्चन कर रहे हैं सर, मैं ले लूंगा ना सारे क्वेश्चन, अब मुझे कंप्लीट कर लेते हैं ना, ठीक है सर, नो इशू। तो 10 लाख का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अब मुझे, मैं आपके सामने एक सिचुएशन दे रहा हूँ और आप उसका जवाब देने की कोशिश करना, अपने आप में ही करना, कि सपोज करो मैंने एक सोसाइटी बनाई या एक एनजीओ बनाई और उसमें 10 लाख का डोनेशन आ गया, या मेरे पास 10 लाख का लोन ले लिया मैंने, चलो अब उसमें 10 लाख का मैंने डोनेशन लिया या लोन लिया और उसकी 10 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, और मैंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी 3 साल तक, तो क्या ये मेरे, ये जो मैंने लैंड परचेज करी है, क्या ये एलिजिबल है कि मैं FCRA की, खर्चा तो मैंने कर दिया, तो क्या मैं FCRA में एप्लीकेशन लगा सकता हूँ? अपने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या फिक्स एसेट जो परचेज करी है क्या उसे हम मानेंगे कि एक्सपेंडिचर होना चाहिए? तो सर उसमें ये कहा हुआ है कि आप फिक्स एसेट जो परचेज करी है, अगर आप ये लिख के दे देंगे कि ये एसेट्स मेरी लास्ट तक रहेगी, जब तक फॉरन कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उसे भी कंसिडर कर लिया जाएगा, फिक्स एसेट्स को भी कंसिडर कर लिया जाएगा, और इसकी सर फीस होगी 5000, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। अब ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया, ये क्राइटेरिया, इसमें एक क्राइटेरिया, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो रहा है दोस्तों, कि जब भी आप FCRA अप्लाई करेंगे तो जितने भी मेंबर आपके हैं या एक्स मेंबर हैं, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और क्रिमिनल रिकॉर्ड कौन सा? जिसमें 6 महीने से ज्यादा सजा हो, कोई भी ऐसा उसमें मतलब किसी के ऊपर केस ना चल रहा हो, क्योंकि अगर सारे मेंबरों में से किसी एक के ऊपर भी केस चल रहा होगा ना, तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब IB की इंक्वायरी होगी। एक ये वाला क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जब ये आपके ओके हो जाएं, तब आप क्लाइंट से कहेंगे हाँ यू कैन अप्लाई। और अप्लाई का मतलब ये नहीं है ये मिल जाएंगे। FCRA में सबसे बड़ी बात ये होती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। प्रैक्टिकल छोटिकल तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि ये क्राइटेरिया पूरा हुआ और हमने एप्लीकेशन दे दी, है ना। अब जब ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, हमने एप्लीकेशन लगा दी, अब क्या होगा, इसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा? तो सर इसके आगे का ये प्रोसीजर है, वो एप्लीकेशन की कॉपी एक तो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर पे, और एक कॉपी जाती है IB पे, इंटेलिजेंट ब्यूरो पे। और इंटेलिजेंट ब्यूरो जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन भरी है, उसके बेस पे आपकी एक इंक्वायरी होती है। पहले तो एक आज से जो पुराने एक्ट में थे, एक रिकमेंडेशन ले लेते थे, वो लगा देते थे, तो इंक्वायरी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती थी, लेकिन कुछ सालों से इतनी स्ट्रिक्ट इंक्वायरी होती है, एक एक मेंबर की इंक्वायरी होती है, आपकी ब्रांच ऑफिस की हो सकती है, आपके हेड ऑफिस की हो सकती है, और एक एक आपसे क्वेश्चन पूछ के अच्छी तरह से इंक्वायरी करते हैं, और उसकी रिपोर्ट फिर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर में जाती है। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंक्वायरी से वो सेटिस्फाई हो जाए, या इंक्वायरी से सेटिस्फाई ना हो। तो अगर इंक्वायरी से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर अपना काम करती है और वो सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर देती है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते और आपकी रिपोर्ट को नेगेटिव दे देते हैं, तो MHA आपकी वर्किंग को वहीं स्टॉप कर देती है और आपके पास एक लेटर आ जाएगा कि आपका केस रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी है वो रीजनेबल नहीं है। अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, जो मेरे मैंने प्रैक्टिकल कराए हैं, कर रहा हूँ मैं आजकल, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? मैंने कहा ना FCRA में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएगी सर। एक तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जब आपके पास रीजन आएगा ना, जब आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास रीजन नहीं आएगा, बस वो ही कहेंगे इस सेक्शन में आप एलिजिबल नहीं है। भाई उन्होंने क्या चेक करा, क्या गड़बड़ हुई, कुछ भी गलती हो सकती है ना। और जो IB वहां पे इंक्वायरी करने जाती है, हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम उस पर ये नहीं कह सकते कि भाई पर्टिकुलर रीजन, मतलब वो पर्टिकुलर रीजन देते ही नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मैंने DPS का एक FCRA रजिस्ट्रेशन कराया लगाया जो बोधगया में चल रहा था, DPS उनकी ब्रांच चल रही थी, फ्रेंचाइजी चल रही थी उनका। अब वो सोसाइटी में चला रहे हैं, 1280GB है, सालों से उसमें स्कूल चल रहा है, हायर सेकेंडरी का स्कूल चल रहा है, और भी गवर्नमेंट के एफिलिएशन है उनके पास, जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जब IB वाले वहां पे इंक्वायरी करने गए, उनकी बैलेंस शीट देखी, उसमें 1 साल का प्रॉफिट आ रहा था। अब रिपोर्ट आती है, मुझे रीजन नहीं पता लगा क्या रीजन है, क्यों रिजेक्ट करा, लेकिन यू नो कि मुझे मतलब पता लगी जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो मैंने क्लाइंट से बात करके पता लगा उनका जो रीजन था क्या था, ये कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये तो जी प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये कोई लॉजिक हुआ? तो ऐसे आपके जो FCRA रिजेक्ट होंगे ना, वहां पे आपको रीजन नहीं पता लगेंगे कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस आपको वो एक लेटर लिख के दे देंगे, ठीक है इट्स ओके, कि आपका जो इंक्वायरी हुई है वो हमारे लिए अकॉर्डिंगली नहीं है और इसलिए हम आपका केस रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी अपील में आप हाईकोर्ट जाएंगे, अब हाईकोर्ट जाएंगे तो हाईकोर्ट में तो पता ही है कितना टाइम लगना है, कितना पैसा लगना है, और उसके बाद भी हाईकोर्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस पर्पज से है, कंट्री के एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को अवॉइड करने के लिए,
तो थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, तो प्रैक्टिकली आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी इसे करने में, ठीक है ना। तो आपको इसकी एप्लीकेशन परफेक्ट बननी है, क्राइटेरिया परफेक्ट करना है, और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे एक एक चीज ऐसी हो कि जब आईबी की इंक्वायरी हो तो वो मैचिंग में हो, जरा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने मेरे एक यूएसए के एम्बेसडर थे, उनकी एक सोसाइटी बनाई थी, उन्होंने एफसीआर अप्लाई कराया। मैंने उनसे कहा कि भाई जब आपकी इंक्वायरी आएगी, क्योंकि इन्हें ट्रू एंड फेयर इंक्वायरी करनी होती है, तो अच्छा वो क्या थे, वो एम्बेसडर भी रह चुके थे और आईबी में भी रह चुके थे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप सोशल, हमने आपको सोशल वर्कर दिखाया हुआ है, सोशल एक्टिव, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो, आप अपने पोजीशन को वो मत करना, आईबी के सामने डिक्लेयर मत करना कि मैं आईबी में था, मैं ये था, ऐसा मत करना। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, और जैसे ही उन्होंने एक रेफरेंस दिया, उनकी जो इंक्वायरी एक महीने में हो सकती थी, छह महीने में उनकी इंक्वायरी हुई, पुलिस से अलग हुई, आईबी से अलग हुई, सीबीआई से अलग हुई। आप समझ रहे हैं, मतलब इनका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आएगी अगर आप एफसीआरए की आईबी की इंक्वायरी को हैंडल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो लास्ट ये आईबी की इंक्वायरी होती है, और मैंने आपको बताई दिया कि आईबी की इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट जाती है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से, वहां से ये सर्टिफिकेट आ जाता है। अब टाइम लिमिट क्या है, मैंने आपको बताया था पुराने एक्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, और नए एक्ट में टाइम लिमिट दे दी, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। प्रैक्टिकली मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ, जब आपका केस अप्लाई हो गया, अब केस तो कहीं से भी हो सकता है ना, ऑल ओवर इंडिया से, और आपको बताया कि अगर हमें ऑल इंडिया की स्टेट की सोसाइटी बनानी है तो 8 डिफरेंट स्टेट के मेंबर होते हैं उसमें, हो सकते हैं ना। अब हमने उसका एफसीआर अप्लाई कराया, 8 डिफरेंट स्टेट के मेंबर है, तो भाई साहब आईबी की इंक्वायरी में 3 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे टाइम कितना देखा, 3 महीने का, आईबी की इंक्वायरी में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, क्यों, हर स्टेट में आईबी का जो ऑफिस होगा उसका एम्प्लॉय वहां पे जाएगा, इंक्वायरी करेगा हर मेंबर की, उसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आएगी यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में, फिर एमएचए के पास जाएगी, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है कि वो टाइम होता ही नहीं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एक्ट में तो टाइम दिया हुआ है, तो ये एक लेटर आपको इशू कर देंगे कि आपका केस प्रोसेस में आप हमें तंग ना करें, और आप क्या मतलब जब ये हो जाएगा हम आप बता देंगे, और जितना टाइम एक्सटेंड होता है उसका टाइम उसमें ऐड करके, तो लो भी मेंटेन होता है और आपकी वर्किंग को डिले भी हो जाता है। सर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया जब रजिस्ट्रेशन हमारा ग्रांट हो जाएगा तो ये 5 साल के लिए होगा, और अगर आपको रिजेक्ट हो जाता है तो 60 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इनका ट्रिब्यूनल नहीं है बल्कि हाई कोर्ट में आपको डायरेक्ट अपील करनी पड़ेगी। क्या कोई कंपनी, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कह सकती है कि जी हमें एफसीआरए लेने दो और जो पैसा आएगा हम प्रॉफिटेबल वेंचर में लगा देते हैं, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो हम सोशल एक्टिविटी में खर्च कर देंगे? तो सर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वेंचर प्रॉफिट वेंचर के लिए आप अमाउंट नहीं मंगा सकते। क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी इसमें कवर होती है? तो मैंने बता दिया था सब कुछ कवर होता है इसमें, पार्टनरशिप, एचयूएफ, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी इस एक्ट में कवर होती है। हमें ये देखना है कि क्या अदर देन कमर्शियल रिसीप्ट इन्होंने कोई रिसीव कर रखी है, नहीं कर रखी है, अगर उसमें आ जाता तो एफसीआरए के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। सर हमने ये रजिस्ट्रेशन ले लिया, 5 साल हो गए, अब 5 साल के बाद हमें ये रिन्यू कराना पड़ेगा। पुराने एक्ट में ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन था, नए एक्ट में इसे रिन्यूअल कराने की जरूरत है। तो सर रिन्यू कब कराओगे, 5 साल कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन लगाओगे या 5 साल खत्म होने से पहले एप्लीकेशन लगाओगे? तो सर इसका फॉर्म है FC3, ये फॉर्म चेंज होते रहते हैं। अभी जो फॉर्म आया हुआ है FC3C आया हुआ है, पहले एक ही फॉर्म आया हुआ था, उसमें तीनों रजिस्ट्रेशन का, रिन्यूअल का, प्रायर परमिशन का, तीनों एक ही फॉर्म था, अभी इन्होंने अलग अलग कर दिए, तो FC3 फॉर्म है रिन्यूअल का। और ये एप्लीकेशन कब लगानी है, जैसे ही हमारे 5 साल कंप्लीट होंगे उससे 6 महीने पहले आपको एप्लीकेशन लगानी है रिन्यूअल की, ठीक है, यानी कि 6 महीने तो ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने का प्रोसेस लगी जाएगा रिन्यूअल में, तो 6 महीने पहले आपको एप्लीकेशन लगानी है। बाई चांस आप 6 महीने में एप्लीकेशन नहीं लगा पाए तो क्या कोई रेमेडी है? यस, अगर बाई चांस आप 6 महीने में एप्लीकेशन नहीं लगा पाए तो आप 4 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर, आपका जब 5 साल एक्सपायर हो जाते हैं उसके 4 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोई रीजनेबल ग्राउंड देके, लेकिन वो ग्राउंड वो ऑफिसर जो है वो एक्सेप्ट करे, कोई आपका लीगल ग्राउंड है या कोई और ग्राउंड है, मतलब वो, लेकिन नॉर्मली वो एक्सेप्ट नहीं करते। फीस 1500 रुपए की पे करेंगे और आपका ये रिन्यूअल के जो है रिन्यूअल हो जाएगा। अब सर सिचुएशन ये आती है, सर टाइम तो नहीं हो गया, संदीप जी आपकी हंसी से मुझे लग रहा है टाइम हो गया है। नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं आपकी बातें सुन रहा था, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके सर, थैंक यू, बस 10 मिनट रह गए, मैं कंक्लूड करने की कोशिश। तो सर अब एक सिचुएशन आई परमानेंट रजिस्ट्रेशन, और मैंने उसमें कंडीशन बताई आपको, 10 लाख का एक्सपेंडिचर और 3 साल का एक्सपीरियंस। अब सपोज करो आपने आज कोई एनजीओ बनाई और वास्तव में भारत आपका जो प्रोजेक्ट है नेचुरल रिसोर्स पे है, वाटर रिसोर्स पे है, कोई ऐसी चीज पे है, जैसे कोविड की कोई रिसर्च कर रहे हैं आप, कोविड पे कोई काम कर रहे हैं, और भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ने आपका काम देखा, होता है ऐसा है, प्रैक्टिकल होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि आप ये वाला काम कीजिए और हम आपको डोनेशन, ग्रांट या कंट्रीब्यूशन देंगे,
तो क्या हम उनसे ये कह देंगे कि जरा मेरे तो पास तो रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए हम ये वाला काम नहीं करेंगे? एक तो पैसा आ रहा है, फॉरन एक्सचेंज आ रहा है, डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, तो गवर्नमेंट को दूसरा रास्ता तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी कोई एनजीओ और 3 साल नहीं हुए और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द परमानेंट रजिस्ट्रेशन, तो आप क्या करेंगे, आप प्रायर परमिशन ले लो इस पर्टिकुलर फंड की। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन सर प्रोसीजर तो वही रहेगा, आप प्रायर परमिशन लेना चाह रहे हो ना, बस इंपॉर्टेंट चीज बात यह है आप हमें सब कुछ स्पेसिफिक बताओगे, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक कंट्री, किस पर्पज से जा रहा है, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। और अगर आपने स्पेसिफिक डाइवर्ट करके कुछ और करा तो आपका वॉयलेशन माना जाएगा। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मुझे यूएसए परमिशन चाहिए, यूएसए से एक बंदा है मिस्टर ए है, मुझे उससे डोनेशन चाहिए, उन्होंने कंफर्म कर दिया, तो मैं प्रायर परमिशन की जब डालूंगा तो इसका प्रोसीजर सेम है जैसे हमने रजिस्ट्रेशन का करा है, केवल फार्म चेंज है, वही आईबी की इंक्वायरी भी होगी, वही प्रोसीजर चलेगा, सब कुछ वही चलेगा। बस अंतर क्या है, आपको दो चीज एक्स्ट्रा लगानी है, एक तो इस पैसे का जो प्रोजेक्ट लेआउट होगा कि इस पैसे को आप कैसे कैसे यूज करेंगे, और एक जो जिन्हें आपको कंफर्म कराया कि बाहर से कि हम पैसे देने के लिए तैयार है, एक दूसरा आप कंफर्मेशन लेटर लगाएंगे। ये दो चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, आईबी की इंक्वायरी सेम होगी, एमएचए के फिर अप्रूवल आ जाती है, लेकिन एज कंपेरिजन टू रजिस्ट्रेशन प्रायर अप्रूवल का प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्योंकि प्रायर परमिशन का पर्पज यही है। ठीक है, तो प्रायर परमिशन अगर आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 3 साल से पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ स्पेसिफिक होगा, प्रायर अप्रूवल स्पेसिफिक पर्पज होगा, स्पेसिफिक सोर्सेज होंगे, सब कुछ स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यूएसए से $1,000 आने, मिस्टर ए से आने, 1001 आ गए तो वॉयलेशन हो गया, मिस्टर ए की जगह उसके ब्रदर बी से आ गए तो वॉयलेशन हो गया, मैंने कहा हेल्थ के लिए चाहिए थे लेकिन वो एजुकेशन में लगा दिए तो उसका वॉयलेशन हो गया, एवरीथिंग शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है सर, प्रोसीजर प्रायर परमिशन का मैंने आपको बताई दिया है कि किस तरह से होता है, सेम प्रोसीजर है, वो आईबी की इंक्वायरी होगी, बस दो चीज लगानी होती है, एक कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द डोनर और लेआउट ऑफ द बजट, और सारी चीजें सेम है प्रायर परमिशन में, वही आईबी की इंक्वायरी होकर उनकी वहां पे रिपोर्ट चाहिएगी। ठीक है सर, नाउ इन केस ऑफ चीफ फंक्शनरी ये वाली चीज छोड़ देते हैं, इंडिविजुअली ये मैं आपको एचयूएफ का लेना ही पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टेड ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ। सर अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप एफसीआरए में रजिस्टर्ड आपने करा लिया, दो तरह के रजिस्ट्रेशन आपने देख लिए, परमानेंट देख लिया, प्रायर अप्रूवल देख लिया, तो मुझे प्रायर अप्रूवल में एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछना है। सर मुझे ये बताइए कि दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा केवल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, हमने प्रायर अप्रूवल लगाई तो क्या प्रायर अप्रूवल 3 साल में हम 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं या कितने भी प्रायर अप्रूवल लगा सकते हैं? तो सर एट ए टाइम हम कितने भी प्रायर अप्रूवल लगा सकते हैं, कितनी भी कंट्री से लगा सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रायर अप्रूवल हम लगा सकते हैं जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है, एट ए टाइम भी लगा सकते हैं, तो आपका यूजर आपकी फाइल नंबर क्रिएट होती चली जाएगी उतने ही नंबर में। दूसरी चीज सर, मेरी आज एनजीओ बनी, मुझे 3 साल हो चुके हैं, मैंने एफसीआरए का अप्लाई कराया था लेकिन मेरा रिजेक्ट हो गया, अब 5 साल हो गए, अब मैं चाह रहा हूं मैं परमानेंट के लिए ना करूं बल्कि प्रायर अप्रूवल के लिए करूं, तो क्या 3 साल बाद मैं प्रायर अप्रूवल की एप्लीकेशन लगा सकता हूं? मेरा क्वेश्चन आपसे ही है सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने क्यों स्पेशल बताया, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रायर अप्रूवल 3 साल से पहले ही होती है, 3 साल के बाद नहीं होती, तो 3 साल के बाद भी आप प्रायर अप्रूवल लगा सकते हैं। जब आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल गया सर, सारे प्रोविजन आपके कंप्लाई हो गए, आपकी रिपोर्ट आ गई, तो क्या आपको एनुअल रिटर्न भरनी है? बिल्कुल सर, हर साल आपको एनुअल रिटर्न भरनी है, जैसे इनकम टैक्स में भरनी होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसमें सर्टिफिकेट भी लगता है, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ, सपोज करो इंडिया की एनजीओ है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट आपको सेपरेट रखने होते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया, कितना आया, कैसे आपने यूज करा, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट आपको सेपरेट रखने हैं और आपको वो एनुअल रिपोर्ट में देना है। अगर हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुआ तो क्या हमें एनुअल रिटर्न भरनी जरूरी है? यस, आपको नील की रिटर्न भरनी जरूरी है। कितने बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कितने साल के लिए रखने हैं? सर 6 साल के लिए रखने हैं, ठीक है, हर 6 साल तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे। तो एनुअल रिटर्न आपको कब तक जमा करनी है? जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा वहां से 9 मंथ तक आपको रखना है, यानी कि जो लास्ट डेट होगी हमारी एनुअल रिटर्न फाइल करने की वो 31 दिसंबर होगी। ठीक है सर, नाउ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी अप्लीकेबल होता है एफसीआरए? तो सर एफसीआरए का एक नोटिफिकेशन है, उसमें क्या रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अगर उनका ऑडिट सीएजी से होता है तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर सीएजी से नहीं होता तो एफसीआरए अप्लाई करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट से फॉरन गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन हो रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो क्या एफसीआरए अप्लाई होगा? तो सर क्लैरिफाई है फिर सेक्शन 51 में, वो अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन में एफसीआरए अप्लाई नहीं होगा। तो सर ये था हमारा एफसीआरए के प्रोविजन, और टाइम भी बिल्कुल एग्जैक्ट 6 बजे है,
ठीक है कंक्लूड में, इससे आगे मैंने बहुत सारी पीपीटी लगा रखी है आपको देने के लिए, इंटरनेशनल एक्टिविटी है अभी और नीति आयोग है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों देना बहुत कुछ चाहता हूँ आपको, जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में आपको हेल्प हो सके। पूरा मन है कि आपके लिए ट्रेनिंग तैयार करूँ 3-4 दिन की लगातार, कि जिससे आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी है एनजीओ में, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर प्लीज बिलीव मी, इतनी सारी फंडिंग एजेंसी है, इतनी सारी देखो 34 एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो फंडिंग देती है, उसमें से एक पे जाओगे ना उसमें से भी 1000 स्कीम निकल जाएंगी, और ऐसी कैसी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो अगर आप मतलब कोई नया एरिया सर्च कर रहे हैं, जो यंग आ रहे हैं सीए हैं, तो मैं तो कहता हूँ उसमें जो गवर्नमेंट फंडिंग कैसे हो एनजीओ को उसमें एक्सपर्टाइज कर लो, ठीक है ना सर। तो सर ये मेरा मेरा कार्ड है, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज मुझे क्वेश्चन दीजिए, और मैं तो कोशिश करूँगा ऐसे क्वेश्चन दीजिए जो मेरी नॉलेज में भी इंक्रीज हो जाए, है ना। तो आपके क्वेश्चन मेरे लिए 24 आवर्स मतलब वेलकम, रात को दिन में मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर इस पे लिखा हुआ है, और मैं हार्टली थैंक यू आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और स्पेशल थैंक्स टू डीडी अग्रवाल जी जो मुझे इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखते हैं, सर वेद मित्तल जी जो मेरे गुरु भी हैं और बड़े भी हैं, सर उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए होगा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा, इट वॉज एन डिटेल प्रेजेंटेशन अबाउट एनजीओ, उसकी फॉर्मेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट और अच्छी बात कर रही, बहुत सारी चीजें कंप्लाइंसेस पे निकली। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि मीन सेमिनार, खासकर मेरे साथ क्या होता था कि जब आप बोलते थे तो मैं मतलब किसी ना किसी और एक्टिविटी में रहता था। आज जो मैंने डिटेल में सुना है दैट वाज टू गुड, बहुत बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया रहा नॉलेज का, थैंक यू सो मच। सर आप भी कुछ बताइए ना, कुछ एडिशन, कुछ मुझे रेक्टिफिकेशन या कुछ ऐसा बताइए जो मतलब मैं आपसे सीख सकूं, कुछ आपकी गाइडेंस। शुरुआत कर रहे सर? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा रियली, बहुत जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे वो आपने कवर किए, और रियली आई देयर बहुत अच्छा इंप्रेशन, गुड। वो मिलता है ना रजिस्ट्रेशन, वो कंपनी का ही मिलता है, लेकिन एक्टर 7 फाइल होती है उसके, वो उसी आता है 50 या 90। फाइनली फाइनली तो सर सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर सकते ना ट्रस्ट में। जी वो कैटेगरी उसकी सी होती है, लेकिन एक्टर 7 उसकी फाइल होती है। जी बहुत बढ़िया सर, सर करें से बोलना चाह रहे। जी सर। सर हां जी, हां जी, क्वेश्चंस में हो गए सारे कवर क्या?